Production. हेलो एवरीवन, आज मैं एक न्यू रोमांटिक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है गॉट अ क्रश ऑन यू। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी कहानी की फीमेल लीड सॉन्ग जी को देखते हैं जो कि अपने बारे में बता रही होती है और वो कहती है कि मैं एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ और मैंने आज अपने फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है और मैं वहाँ जाकर उनसे कुछ ऐसा कहने वाली हूँ जिसे सुनकर वो एकदम शॉक रह जाएंगे। और वो क्या है ये तो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और जो सॉन्ग जी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर पार्टी को एंजॉय कर रही होती है तो वो कहती है कि आप सबको लग रहा होगा कि मैंने ये पार्टी आप सबको इसलिए दी है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में प्रमोशन मिला है, पर ये सच नहीं है। और वो कहती है कि ये पार्टी मेरी फेयरवेल है, मतलब ये कि मैं इस जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर उसका फ्रेंड एकदम शॉक रह जाता है और वो कहता है कि तुम जॉब से रिजाइन क्यों कर रही हो। सॉन्ग जी उससे कहती है कि मैं इस जॉब से तंग आ गई हूँ और मैं अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहती हूँ। और अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहने के बाद वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सॉन्ग जी अपनी फ्रेंड जाओली के पास मिलने के लिए आती है और वो जाओली को बताती है कि मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया है। उसकी बात सुनकर जाओली उससे कहती है कि अब तो तुम फ्री हो और वो सॉन्गजी को बताती है कि मैं एक न्यू शॉप को ओपन कर रही हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ उस शॉप में पार्टनरशिप कर सकती हो। और सॉन्गजी जिसके पास कोई भी काम नहीं होता इसलिए अपनी फ्रेंड से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी शॉप में तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और फिर दोनों ड्रिंक्स पीते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। नेक्स्ट टाइम जाओली को देखते हैं जिसकी जैसे ही आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि उसने अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी शॉप में काम करूंगी। तो वो कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहिए। इधर हम जाओली को देखते हैं जिसके साथ एक फ्रॉड हो गया होता है। उसने जो पैकेट्स मंगवाए होते हैं वो सारे पैकेट्स एक्सपायर होते हैं, इसलिए जाओली थोड़ा सा परेशान हो रही होती है। तभी वहाँ पर सॉन्गजी आ जाती है जो जाओली को ऐसे देख कर उसके पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ और आज के बाद मैं तुम्हारी शॉप पर तुम्हारे ही साथ काम किया करूंगी। सॉन्गजी की ये बात सुनकर जाओली बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। इसके बाद हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि हॉस्टल जाकर अपने सामान को पैक कर रही होती है और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसकी कुछ कुलीग्स उसके खिलाफ बातें कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि सॉन्गजी को डॉक्टरी के बारे में कुछ भी नहीं आता था इसलिए उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया। सॉन्गजी जैसे उनकी ये बात सुनती है तो उसके पास जाकर उनसे कहती है कि अगर तुम लोगों का मुंह अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट बात अच्छी कर लो। और अपने कुलीग्स की इंसल्ट करने के बाद वहाँ से चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम अपनी कहानी के मेल लीड शुजिन को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रहा होता है। उसे देखकर हमें आइडिया तो हो ही जाता है कि शुजिन कूल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है। इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जिसे कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि मेरा पपी फोर्थ फ्लोर पर पस चुका है, आप प्लीज मेरी हेल्प करें। तो सॉन्गजी उनसे कहती है कि मैं भी रेस्क्यू वालों को कॉल करती हूँ। और तभी वहाँ पर शुजिन आ जाता है जो कि एक फायर ब्रिगेड टीम का कैप्टन है और अपनी जान पर खेलते हुए उस डॉग को बचा लेता है। और फिर सॉन्गजी अपने रिबन से उस डॉग के पैर की चोट को बांधती है। शुजिन जैसे सॉन्गजी को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि सॉन्गजी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। और तभी शुजिन को एक कॉल आती है और वो वहाँ से चले जाता है। सॉन्गजी उन बच्चों को डॉग देते हुए कहती है कि इसका ख्याल रखना और उस पर्सन को ढूंढना शुरू कर देती है जिसने इस डॉग की जान बचाई होती है, पर वो पर्सन उसे कहीं भी नहीं मिलता। और फिर हम शुजिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस आता है जहाँ पर उसका फ्रेंड उसका इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है, जहाँ हमें शुजिन की क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है और हमें पता चलता है कि वो शूटिंग और मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और वो यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड टीम का कैप्टन है। शुजिन उनसे कहता है कि मुझे अपने बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, पर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक रूल है कि जो कोई भी काम करो उसे हमेशा 100% करो। और इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। और यहाँ सॉन्गजी के डैड उससे कहते हैं कि तुम शादी कब कर रही हो। वो कहते हैं कि तुम अच्छी खासी जॉब कर रही हो पर तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। सॉन्गजी अपने डैड से कहती है कि मेरी शादी के बारे में बात करना जरूरी है, क्या आप कोई और बात नहीं कर सकते। तो सॉन्गजी के डैड उससे कहते हैं कि तुम 29 इयर्स की हो, अगर तुम अभी शादी नहीं करोगी तो कब करोगी। इधर हम शुजिन को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है और शुजिन को देखकर हमें आइडिया होता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और वो बड़ी आसानी से अपने फ्रेंड को हरा देता है। शुजिन का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम बहुत ही जोर से मारते हो, अगर तुम मुझे ऐसे ही मारते रहे तो मैं मर जाऊंगा। तो शुजिन फिर से अपना डायलॉग बोलते हुए उससे कहता है कि मेरा सिर्फ एक रूल है कि जो भी काम करो उसे हमेशा 100% करो। तो शुजिन का फ्रेंड जिसका नाम हाव है वो उससे कहता है कि अच्छी बात है, कल तुम्हारी ब्लाइंड डेट है, रेडी हो जाओ। शुजिन अपनी फ्रेंड की बात सुनकर उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा है। तो हाव उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था कि मैं तुम्हें इस बारे में बता दूं। तो शुजिन उससे कहता है कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। तो हाव उससे कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मारेंगे। और वो कहता है कि तुम्हारे
ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हें ब्लाइंड डेट पे भेजने के लिए कहा है। वो कहता है कि मेरा भी सिर्फ और सिर्फ एक रूल है कि चाहे जो मर्जी हो जाए अपनी ड्यूटी को पूरा करो। हाउक की बात सुनकर शूजिन को बहुत सारा गुस्सा आता है और उसे चप्पल मारते हुए कहता है कि तेरे रूल की तो ऐसे की तैसी। और फिर हम सोंगजी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड जावली को बता रही होती है कि मेरी मॉम ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, अब मुझे कल अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए जाना है। और वो जावली को बता रही होती है कि मेरे मॉम डैड मुझे शादी के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं पर मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। वो अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि मैं कल जाकर उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के की ऐसी हालत करूंगी कि वो आइंदा ब्लाइंड डेट पर आने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। नेक्स्ट टाइम सोंगजी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही होती है और वो जैसे अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए आती है तो हम देखते हैं कि उसकी ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि शूजिन होता है। शूजिन को देखकर सोंगजी कहती है कि अरे वाह, मेरी मॉम की चॉइस तो बहुत ही अच्छी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का इतना हैंडसम होगा। पर फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि मैं यहाँ जो करने के लिए आई हूँ मुझे वो करना होगा। इसलिए वो सीधा जाकर उस पर्सन को इंसल्ट करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम कितने ज्यादा फ्री हो जो ब्लाइंड डेट पर आ गई हो। और वो कहती है कि तुम्हारा नाम शूजिन है ना, तो वो कहता है कि हाँ। वो सोंगजी से कहता है कि तुम डॉक्टर हो, तो सोंगजी से कहती है कि तुम कैप्टन। और इन दोनों की बातों से हमें आइडिया होता है कि जैसा सवाल सोंगजी उससे पूछ रही होती है बिल्कुल वही जवाब शूजिन उसे दे रहा होता है। मतलब ये कि अगर वो उससे पोलाइट वे में बात कर रही है तो उसका जवाब पोलाइट वे में दे रहा है, और अगर वो उससे गुस्से में बात कर रही है तो शूजिन उसके सवाल का जवाब गुस्से में दे रहा है। और इससे हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। सोंगजी शूजिन को अपना कार्ड देते हुए उससे कहती है कि हमारी आज की ब्लाइंड डेट यहाँ तक थी, और कहती है कि मुझे कुछ काम है, और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाती है। सोंगजी को वहाँ से जाने के बाद शूजिन को उसके ग्रैंडपा का मैसेज आता है जो उससे कहते हैं कि ब्लाइंड डेट से फ्री होने के बाद मुझसे मिलने के लिए आना। इसके बाद हम सोंगजी को देखते हैं जो कि जैसे जावली के पास आती है तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। सोंगजी उससे कहती है कि मैं जो करने के लिए गई थी मैंने वो कर दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि वो लड़का मुझे लाइक करेगा क्योंकि जिस तरह से मैंने उससे बात की थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। और फिर जावली सोंगजी से कहती है कि मुझे कुछ सामान मंगवाना है, क्या तुम ला सकती हो। तो सोंगजी से कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और वो कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उससे पूछने के बाद वहाँ से चले जाती है। और सोंगजी जैसे सुपरमार्केट आती है तो हम देखते हैं कि शूजिन भी वहाँ पर होता है जो कि अपने लिए कुछ सामान ले रहा होता है, और तभी गलती से उसका हाथ लगने की वजह से सैनिटरी पैड्स नीचे गिर जाती है। और जैसे उन्हें उठा रहा होता है तभी वहाँ पर सोंगजी आ जाती है। और वो जैसे शूजिन को अपने सामने देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही ये लेने के लिए आया है। तो वो शूजिन इंसल्ट करते हुए उससे कहती है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए भी मुझसे ब्लाइंड डेट पे मिलने के लिए आए। और वो शूजिन को उल्टा सीधा कहने के बाद वहाँ से चले जाती है। तो शूजिन कहता है क्या ये लड़की पागल है। इसके बाद वो शूजिन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया होता है, तो उसके ग्रैंडपा से पूछते हैं कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। तो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आप ना ही पूछे तो बेहतर है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने पूछा है ना तो तुम्हें बताना होगा। तो शूजिन ने बताता है कि वो लड़की बहुत ही अजीब वे में बात कर रही थी, मैं उसे जो भी पूछ रहा था उसका हमेशा उल्टा ही जवाब दे रही थी, इसलिए मुझे वो लड़की कोई खास पसंद नहीं आई। तो उसके ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द शादी करनी होगी और यही मेरा डिसीजन है। तो शूजिन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर रहा पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लूं। इधर हम सोंगजी के पेरेंट्स को देखते हैं जिन्हें पता चल चुका होता है कि सोंगजी ने अपनी जॉब को छोड़ दिया है और वो जिस लड़के से ब्लाइंड डेट पे मिलने के लिए गई थी वो उस लड़के की भी इंसल्ट करके आई है। इसी बात पर सोंगजी की मॉम उसे बहुत ज्यादा डांट रही होती है। तो सोंगजी के डैड उसे बचाने के लिए उसकी मॉम से कहते हैं कि बस भी करो, वो बच्ची है। तो वो कहती है कि एक तो आपकी वजह से वो मेरी बात नहीं मानती, और वो कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार सिर्फ सिर्फ आप हो। इधर हम शूजिन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी हाउ को एक डिलीवरी रिसीव होती है जो किसी और के नाम पे नहीं बल्कि शूजिन के नाम पर होती है। तो वो शूजिन से कहता है कि तुम्हारे नाम पर ये पार्सल आया है, और शूजिन जैसे उस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर वुमन अंडरगारमेंट्स होते हैं जिसे देखकर तो शूजिन के फ्रेंड्स एकदम शॉक रह जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये सारी चीजें शूजिन को किसने भेजी होंगी। पर शूजिन जैसे देखता है तो उस पार्सल के अंदर सोंगजी का कार्ड होता है, तो उसे पता चल जाता है कि किसी और ने नहीं बल्कि सोंगजी ने भेजा है। और वो कहता है कि मैं इससे छोड़ूंगा नहीं। और फिर हम हाउ को देखते हैं जो कि शूजिन के पास आकर उससे कहता है कि क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे कल वाले इंसिडेंट के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो शूजिन उसे अपने वीचैट के मैसेजेस दिखाते हुए कहता है कि ये देखो हर कोई मेरे बारे में ही बात कर रहा है। और वो कहता है कि मुझे पता है कि सारी बातें तुमने की हैं। और वो हाउस से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा भी मुझसे इसी बारे में पूछते थे कि मुझे वो पार्सल किसने भेजा है, और वो कह रहे थे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। वो इसी बात पर हाउ को डांट रहा होता है, और वो कहता है कि अगर अगस्त तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो हम सोंगजी को देखते हैं जो कि जावली के साथ बैठकर उसकी शॉप के बारे में ही कुछ बात कर रही होती है। तभी वो जावली को बताती है कि मैंने वॉलंटियर डॉक्टर की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, और वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे जल्द ही कोई जॉब मिल जाएगी। और फिर हम शूजिन को देखते हैं जो कि सोंगजी के पास आकर उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का सामान मुझे भेजने की। पर सोंगजी तो उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, और वो कहती है कि तुम्हारे जैसे चीटर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इन दोनों की ये फाइट होता देखकर जावली भी वहां पर आ जाती है, और वो भी शूजिन को बातें सुनाते हुए उससे कहती है कि तुम्हारी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड थी,
पर फिर भी तुम मेरी फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पर आए। इससे पता चलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना चीप है। इन दोनों की बातें सुनकर शूजिन कहता है कि तुम दोनों को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और वो सोंगजी को यही बताने की कोशिश कर रहा होता है, पर सोंगजी कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। शूजिन जैसे इसकी बात सुनता है तो वो पार्सल वहीं पर रखकर वहां से चले जाता है। और फिर शूजिन जैसे अपने ऑफिस वापस आता है तो उसकी एक कलीग अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से बेहोश हो जाती है। और फिर इसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ शूजिन हाउस से कहता है कि हमें अपने सारे कलीग को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और वो हाउस से कहता है कि जेल से जेल ट्रेनिंग सेंटर में एक डॉक्टर को हायर करवाओ। इधर हम सोंगजी को देखते हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिलने के लिए आई होती है। और मिस्टर ली से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है और तुम चाहती हो कि तुम वॉलंटियर डॉक्टर की जॉब करो। और फिर वो सोंगजी को एक फॉर्म देते हुए कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, और अगर तुम चाहो तो जीवन ट्रेनिंग सेंटर में जाकर जॉब कर सकती हो। अपने प्रोफेसर की बात सुनकर सोंगजी उनसे कहती है कि मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी। और जब वो ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर अपना सामान उतार रही होती है तभी वहां पर शूजिन भी आ जाता है। और शूजिन को देखकर सोंगजी एकदम हैरान रह जाती है और कहती है कि यहां पर क्या कर रहा है। और फिर दोनों एक दूसरे को टोटली इग्नोर कर देते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये दूसरे को जानते ही ना हो। शूजिन जैसे वहां से जा रहा होता है तो कुछ लड़कियां से देखकर कहती हैं कि अरे वाओ ये कितना हैंडसम है। और फिर सोंगजी वहां की एक मेंबर से कहती है कि ये लड़का कौन था, तो वो लड़की सोंगजी को बताती है कि यहां का कैप्टन है जिसका नाम शूजिन है। उसकी बात सुनकर सोंगजी बहुत हैरान होती है और वो कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ट्रेनिंग ये करवाएगा। और वो कहती है कि लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर हम शूजिन को देखते हैं जो कि सोंगजी के प्रोफाइल को देख रहा होता है, तभी वहां पर हाउ भी आ जाता है जो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम इस डॉक्टर की प्रोफाइल को देख रहे हो, लगता है कि ये डॉक्टर तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। और इसी बात पर शूजिन को तंग कर रहा होता है, तो शूजिन उससे कहता है कि मजाक करना बंद करो। इसके बाद हम शूजिन और हाउ को देखते हैं जो कि सब लोगों की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। हाउ इन सबसे कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पर वॉलंटियर्स हो और तुम सब लोगों को वही करना होगा जो मैं तुम सब लोगों से कहूंगा। और फिर शूजिन एक लड़की के पास आकर उससे कहता है कि इस चेन को उतारो, इस चेन की वजह से तुम्हें नुकसान हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देते हैं। और फिर हम सोंगजी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। उसकी दोनों फ्रेंड्स सोंगजी को अपना इंट्रोडक्शन करवाती हैं और सोंगजी भी इनसे हेलो बोलती है। तभी इन्हें पता चलता है कि शूजिन इनके रूम की तलाशी लेने के लिए यहाँ पर आ रहा है, इसलिए सारे लोग अपना सामान बाहर रखने के बाद लाइन में खड़े हो जाते हैं। शूजिन सोंगजी के पास आकर उसके कान में कहता है कि तुमने लास्ट टाइम मेरी इंसल्ट की थी। और वह कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। सोंगजी शूजिन से कहती है कि मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है और मैं यहाँ पर सिर्फ उसी ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम ट्रेनिंग करवाने पर फोकस करो ना कि मुझ पर। इसके बाद हम सोंगजी को देखते हैं जो कि जाउली के साथ फोन पर बात कर रही होती है, और उससे बता रही होती है कि यहाँ पर मेरा ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि शूजिन है। जाउली से कह रही होती है कि शूजिन से बचकर रहना, वो तुमसे बदला लेगा। तो सोंगजी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। नेक्स्ट टाइम शूजिन को देखते हैं जो कि इन सबकी ट्रेनिंग करवा रहा होता है, और इनकी ट्रेनिंग तो सच में बहुत ज्यादा हार्ड होती है। और फिर हम शूजिन को देखते हैं जो कि हाउ के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। हाउ शूजिन से कहता है कि तुम्हारी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। और फिर वो शूजिन को तंग करने के लिए कहता है कि तुम्हारा उस डॉक्टर के बारे में क्या ख्याल है। और वो कहता है कि वो डॉक्टर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और हाउ किसी और के बारे में नहीं बल्कि सोंगजी के बारे में ही बात कर रहा होता है। तो शूजिन उससे कहता है कि मुझसे नॉनसेंस बातें करना बंद करो। इसके बाद हम सोंगजी को देखते हैं जो कि फ्रेश हो रही होती है, तभी वहां पर उसकी फ्रेंड्स आकर कह रही होती हैं कि मैंने सुना है कि मिस्टर शूजिन की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो सिंगल हैं। और उनकी बातें सुनकर पता नहीं क्यों सोंगजी भी स्माइल कर रही होती है। पर फिर हम देखते हैं कि शूजिन के रूम की तलाशी लेने के लिए आया होता है, उसे एक डिवाइस मिलती है, और ये डिवाइस किसी और की नहीं बल्कि सोंगजी की होती है, इसलिए उससे कहता है कि मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। इसके बाद हम इन दोनों को ऑफिस में देखते हैं जहां शूजिन सोंगजी को डांट रहा होता है, और वो कहता है कि तुम ये डिवाइस किससे पूछकर लेकर आई हो। और वो सोंगजी से कहता है कि तुम अपनी शॉप का सामान यहां भी सेल कर रही हो। सोंगजी उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो कहती है कि ये डिवाइस मेरी जरूरत की है। और वो शूजिन से कह रही होती है कि मुझे मेरी डिवाइस वापस करो। और इसी बात पर वो शूजिन से फाइट करने के बाद वहां से चली जाती है। नेक्स्ट टाइम सोंगजी को देखते हैं जो कि सबको फर्स्ट एड बॉक्स की ट्रेनिंग दे रही होती है, पर तभी वहां पर लाइट चली जाती है जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और तभी सोंगजी का हाथ लगने की वजह से एक स्केलेटन का सर दूर जाकर गिरता है, और स्केलेटन के सर को जैसे एक लड़की देखती है तो वो डर के मारे चीखते हुए स्केलेटन को दूर फेंकती है, और वो सर जाकर सीधा जाउली को लगने वाला होता है। तभी वहां पर लाइट आ जाती है और जाउली डर के मारे शूजिन की बाहों में गिर जाती है, और लाइट आने की वजह से ये सारे लोग इन दोनों को देख लेते हैं और इन दोनों के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और फिर सोंगजी शूजिन से कहती है कि मेरे नेल्स की वजह से तुम्हारी बैक पर स्क्रैच आ गया है, मुझे दिखने दो। तो शूजिन से मना करते हुए कहता है कि रहने दो मैं ठीक हूँ। पर फिर हम सोंगजी को देखते हैं जो कि शूजिन के रूम में आकर उससे कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे स्क्रैच को देखना है। और अंदर आने के बाद शूजिन से कह रही होती है कि अपनी शर्ट को उतारो। तो शूजिन से तंग करने के लिए कहता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। तो सोंगजी से कहती है कि बातें करना बंद करो और जो कह रही हूँ वो करो। और फिर शूजिन अपनी शर्ट को उतार लेता है, और सोंगजी उसके स्क्रैच पर पायोडीन लगा रही होती है, और
आईडी लगाते टाइम ये दोनों दूसरे को बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है। पर सोंगजी जैसे ही शूजिन की थोड़ा सा ज्यादा करीब आती है तो शूजिन वहां से उठ जाता है और फिर हम देखते हैं कि शूजिन सोंगजी के हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोंगजी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या कर रहा है, पर हम देखते हैं कि शूजिन सोंगजी के नेल्स को काटना शुरू कर देता है और सोंगजी जैसे ही देखती है तो शूजिन से कहती है क्या तुम पागल हो, तुम ये क्या कर रही हो। शूजिन उसे कहता है कि कुछ नहीं होगा, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ी तो फिर से मेरी बैक पर स्क्रैच आ जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने नेल्स को काट लो। उसी बात पर इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है और तभी वहां पर हाव आ जाता है जिन दोनों को जैसे ही देखता है तो वो कहता है कि वेरी गुड और ये कहने के बाद वहां से चले जाता है और ये दोनों तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहे होते हैं। और फिर सोंगजी शूजिन के क्लोज आते हुए इससे कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और ये कहने के बाद वहां से चले जाती है। और फिर हम शूजिन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से पूछता है कि डिवाइस कौन सी है, तो उसका फ्रेंड बताता है कि ये ब्यूटी डिवाइस है और कहता है कि तुम्हारे पास क्या कर रही है। और फिर हम शूजिन और सोंगजी को देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इसके बाद हम सोंगजी को देखते हैं जो कि तीरबाजी कर रही होती है, तभी वहां पर शूजी भी आ जाता है और जब वो सोंगजी को खेलते हुए देखता है तो उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सोंगजी उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगी। और फिर जब सोंगजी फिर से ट्राई करने वाली होती है तो शूजिन उसके पास आकर उसकी हेल्प करता है और एक बार फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाती है। और फिर शूजिन सोंगजी से पूछता है कि तुम तो एक डॉक्टर हो, फिर तुम यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में क्या कर रही हो। तो सोंगजी उसे बताती है कि मैं एक वॉलंटियर जॉब करना चाहती हूँ, ना कि एक डॉक्टर बनकर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में रहना चाहती हूँ। और वो कहती है कि ये जॉब करना मेरा ड्रीम था, इसलिए मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आई हूँ। और फिर शूजिन सोंगजी से पूछता है क्या तुम्हें तीरंदाजी पसंद है। तो सोंगजी उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरे बचपन का शौक है, पर डॉक्टर बनने के बाद मुझे कभी भी टाइम नहीं मिला और अब जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो मैं अपने शौक को पूरा कर रही हूँ। इसके बाद हम सोंगजी को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया में अपना खाना लेने के लिए आई होती है और वहीं पर हाउ शूजिन से कहता है कि अगर रात को तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा था। तो शूजिन उसे बताता है कि सोंगजी मेरे स्क्रैच का ट्रीटमेंट करने के लिए आई हुई थी। तो हाउ तंग करने के लिए कहता है कि हाँ हाँ मैंने देख लिया था जो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही थी। तो शूजिन उससे कहता है कि मुझे तंग करना बंद करो और उसे डांटते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि फजूल बातें मत किया करो। और फिर हम देखते हैं कि शूजिन सोंगजी के लिए मिल्क लेकर जाता है और कहता है कि इसे पी लो, तुम्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आजकल तुम बहुत ही टफ ट्रेनिंग कर रही हो। शूजिन का ये बिहेवियर देखकर सोंगजी बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना ज्यादा केयरिंग भी हो सकता है। इसके बाद हम सोंगजी को देखते हैं जो कि सब लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दे रही होती है और फिर इन सब लोगों से कहती है कि दो दो लोगों का ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग कर लो, पर एक लड़का जिसका नाम युआन है उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिल रही होती। तो सोंगजी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर आकर लेटो, तुम्हारा सीपीआर मैं करती हूँ। और युआन जैसे उसके पास आने वाला होता है तो शूजिन उससे कहता है कि तुम रहने दो। तो सोंगजी शूजिन से कहती है कि हमारे पास डमी नहीं है, इसलिए हमें प्रैक्टिस के लिए एक पर्सन की जरूरत है। तो शूजिन कहता है कि ठीक है मैं हूं ना, मैं प्रैक्टिस के लिए तैयार हूँ। तो सोंगजी से कहती है कि सीपीआर मैं नहीं दूंगी बल्कि युआन देगा। उसकी बात सुनकर तो शूजिन और युआन एकदम शॉक रह जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि युआन तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। तो सोंगजी से कहती है कि तुम इसे किस नहीं कर रहे बल्कि सीपीआर दे रहे हो। और युआन जैसे उसे सीपीआर देने वाला होता है तभी वहां पर हाउ डमी लेकर आ जाता है। इसके बाद हम शूजिन को देखते हैं जो कि सबको वॉकी टॉकी को यूज करना सिखा रहा होता है और वो सोंगजी के पास आकर उससे कहता है कि ये वॉकी टॉकी एमरजेंसी में यूज करने के लिए बनी हुई है। हम सोंगजी को देखते हैं जो कि वॉकी टॉकी को यूज करने की कोशिश कर रही होती है पर उसे तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी सेट नहीं करनी आ रही होती और इसी बारे में पूछने के लिए वो युआन से बात करती है। और बातों ही बातों में ये कैप्टन शूजिन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि हर कोई यही कह रहा है कि कैप्टन शूजिन की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। सोंगजी की फ्रेंड जैसे इन दोनों की बात सुनती है तो वो कहती है कि तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। सोंगजी उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम कहां से आई हो। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये पब्लिक चैनल है और तुम दोनों की आवाज को हर कोई सुन रहा है। सोंगजी जैसे इसकी बात सुनती है तो एकदम शॉक रह जाती है। तभी कैप्टन शूजिन इन लोगों से कहता है कि तुम लोग पब्लिक चैनल में प्राइवेट बातें कर रहे हो, इसलिए मैं कल तुम लोगों को पनिशमेंट दूंगा। तो सोंगजी कैप्टन शूजिन से कहती है पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट टाइम सोंगजी को देखते हैं इसे शूजिन ने पनिशमेंट दी होती है और इसी वजह से वो शूजिन के बारे में उल्टा सीधा कह रही होती है। तभी वहां पर शूजिन भी आ जाता है। तो सोंगजी से पूछती है कि तुम यहां पर क्या करने के लिए आए हो। शूजिन कहता है कि मैं देखने के लिए आया हूं कि तुम अपना काम सही तरह से कर भी रही हो या फिर नहीं। सोंगजी शूजिन से कहती है कि तुम बाकी लोगों के सामने तो बहुत ही डिसिप्लिन वे में बात करती हो पर तुम जैसे मेरे सामने आती हो तो इतने ज्यादा रूड क्यों हो जाती हो। और शूजिन से कहती है कि कल तुमने मुझे सिखाया था पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आई और इसी वजह से आज मुझे पनिशमेंट मिली है, इससे सारा फॉल्ट तुम्हारा है ना कि मेरा। इसी बात पर इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम सोंगजी को देखते हैं जो जैसे अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है तो वो बहुत ज्यादा थक गई होती है, इसलिए अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं जाकर रेस्ट करने वाली हूँ। शूजिन जैसे सोंगजी को देखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। और फिर हम सोंगजी को देखते हैं जिसका मंथ चल रहा होता है इसलिए उसके पेन हो रही होती है और वो रेस्ट करने के लिए जाकर लेट जाती है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि रात हो गई है और
और फिर जब वो वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वॉशरूम की टाइमिंग रात 10 बजे से पहले पहले है। और तभी वहां पर शोजिन आ जाता है तो सॉन्गजू से कहती है कि मुझे वॉशरूम यूज करना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? पर शोजिन उसे मना कर देता है और वो कहता है कि रूल सबके लिए सेम है। इसलिए सॉन्गजी वहां से चले जाती है। इसके बाद हम शोजिन को देखते हैं जो कि सॉन्गजी के पेन के लिए मेडिसिन लेकर आया होता है और उसे कहता है कि मुझे ये था कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं ले आया। सॉन्गजी शोजिन से थैंक्स बोलती है और वो कहती है कि तुम इतने बुरे नहीं हो जितना मैं सोच रही थी। और भी शोजिन सॉन्गजी से कहता है कि तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए, वैसे भी कल हमें ट्रेनिंग के लिए जाना है। और ये कहने के बाद वहां से चले जाता है। नेक्स्ट टाइम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि रनिंग कर रही होती है। उसकी रनिंग जैसे ही खत्म होती है तो शोजिन उसके पास आकर उसे एक नाइफ देता है और कहता है कि इस नाइफ को संभाल कर रखना, हो सकता है कि तुम्हें काम आ जाए। इसके बाद हम इनकी पूरी टीम को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए माउंटेन वाली साइड पर आए होते हैं और यहाँ की लोकेशन बहुत ज्यादा टफ होती है। और जब सॉन्गजी शोजिन के साथ हाइकिंग कर रही होती है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है तो शोजिन उसे पकड़ लेता है। पर तभी वो देखते हैं कि ऊपर से कुछ पत्थर नीचे गिर रहे हैं और इसलिए शोजिन उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। पर वो पत्थर आकर सीधा शोजिन के पैर पर लगता है और फिर हाओ इनसे पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो? तो शोजिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि शोजिन के प्लास्टर लगा रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। शोजिन तो सॉन्गजी की बात को नहीं मान रहा होता पर उसके फोर्स करने पर वो कहता है कि ठीक है मैं चले जाता हूँ। इसके बाद हम सॉन्गजी की फ्रेंड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा थक गई होती है और यही वजह होती है कि वह पीछे रह जाती है और सारे लोग वहां से चले जाते हैं। और तभी सॉन्गजी को पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड मिसिंग है, इसलिए अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम जाओ मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। और इधर हम हाओ को देखते हैं जो कि शोजिन को हॉस्पिटल लेकर आया होता है और चेकअप करवाते हुए डॉक्टर शोजिन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो और स्ट्रांग भी और यही वजह है कि तुम्हें कोई भी फ्रैक्चर नहीं आया और तुम बिल्कुल ठीक हो। इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जिसे उसकी फ्रेंड मिल जाती है और वो कहती है कि हमें चलना चाहिए, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। पर उनकी लीडर को जैसे पता चलता है तो वो सॉन्गजी की फ्रेंड को बहुत ज्यादा डांटती है और अपने पार्टनर से कहती है कि हम लोग आगे जा रहे हैं और तुम लोग जाकर उन दोनों को ढूंढो। और फिर इनका ट्रेनर हाओ को इसी बारे में कॉल करके बताता है और वो कहता है कि दो कैडेट्स मिसिंग हैं। शोजिन जैसी ये बात सुनता है तो हाओ से कहता है कि मुझे जाना होगा। हाओ से रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर शोजिन उसकी कोई भी बात नहीं मानता और वहां से चले जाता है। इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ गुम गई होती है और इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा रास्ता सही है और उन्होंने कहां जाना है। इसलिए सॉन्गजी रास्ते को याद रखने के लिए एक दरख्त पर निशान लगाती है पर जब वो ये कर रही होती है तो उसका पैर स्लिप होता है और वो खाई में जाकर गिर जाती है। सॉन्गजी की फ्रेंड उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? सॉन्गजी कहती है कि मैं ठीक हूँ पर मुझसे उठा नहीं जा रहा। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और किसी को मेरी हेल्प के लिए भेजो। उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि शोजिन आकर सॉन्गजी को ढूंढ रहा होता है और तभी वो उस दर्द पर निशान को देखता है और साथ ही साथ सॉन्गजी की नाइफ को भी, तो उसे पता चल जाता है कि सॉन्गजी कहीं आसपास ही है। और फिर वो सॉन्गजी को आवाज देना शुरू कर देता है तो सॉन्गजी उससे कहती है कि मैं यहाँ नीचे हूँ। तो शोजिन उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। सॉन्गजी उससे कहती है कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी हुई है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। शोजिन कहता है कि तुम मुश्किल में थी और तुम्हारे लिए मैं कैसे ना आता। शोजिन की बात सुनकर सॉन्गजी उसे देखने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है और ये दोनों एक शेल्टर के नीचे जाकर बैठ जाती हैं जहां शोजिन सॉन्गजी को मीट खाने के लिए देता है। तो सॉन्गजी उससे कहती है क्या तुम नहीं खाओगे? तो शोजिन कहता है कि नहीं तुम खा लो। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही बातें करते हुए ये दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सॉन्गजी शोजिन से कहती है कि तुम तो कैप्टन हो और साथ ही साथ इतने हैंडसम भी हो, क्या तुम्हारे सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो शोजिन उससे कहता है कि नहीं मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर वो सॉन्गजी से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सॉन्गजी उससे कह देती है कि मैं डॉक्टर थी और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं कोई बॉयफ्रेंड बना सकूं, इसलिए मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर शोजिन सॉन्गजी को वो नाइफ देते हुए इससे कहता है कि इस नाइफ की वजह से मैंने तुम्हें ढूंढा है और कहता है कि इस नाइफ को अपने पास संभाल कर रखना। अभी ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर इनकी टीम के मेंबर्स आ जाते हैं जो कि इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद हम शोजिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां इसका फ्रेंड हाओ उसे डांट रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जाने से मना भी किया था पर तुमने मेरी बात को नहीं माना। और फिर हाओ शोजिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहां सिर्फ और सिर्फ सॉन्गजी के लिए गए थे। और वो शोजिन से कहता है कि मुझे सच सच बताओ क्या तुम सॉन्गजी को लाइक करते हो ना? पर शोजिन उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर शोजिन हाओ से पूछता है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसे हुआ है कि तुमने किसी लड़की को पहली बार देखा हो और तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई हो? तो हाओ से कहता है कि नहीं भाई मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो कहता है कि ऐसा सिर्फ उसके साथ ही हो सकता है जिसे पहले ही नजर में प्यार हो गया हो और मुझे पता है कि तुम्हें हो गया है और किससे हुआ है ये भी पता है। और फिर वो शोजिन से कहता है कि अगर सॉन्गजी यहाँ पर आ गई तो तुम समझ जाना कि वो तुम्हें लाइक करती है। शोजिन कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि वो रेस्ट कर रही होगी। तो हाओ कहता है कि चलो देख लेते हैं। इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि शोजिन के लिए सूप बना रही होती है। उधर हाओ शोजिन से कह रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि सॉन्गजी यहाँ पर जरूर आएगी। अभी वो ये कह ही रहा होता है कि तभी वहां पर सॉन्गजी
भी आ जाती है। सांगजी को देखकर हाओ वहां से चले जाता है। शुजिन कहता है कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो, तो सांगजी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। और फिर वो शुजिन को अपने हाथों से सूप पिलाती है। और फिर शुजिन सांगजी से कहता है क्या तुम मुझे अपनी वीचैट की आईडी दे सकती हो, तो सांगजी से कहती है कि तुम्हें मेरी वीचैट की आईडी क्यों चाहिए। शुजिन कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो, मैं बस इसलिए मांग रहा हूँ। तो सांगजी इसकी बात सुनकर उसे अपनी वीचैट की आईडी दे देती है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक न्यू पर्सन को देखते हैं जिसका नाम गाओ है, जो कि शूटिंग कर रही होती है। और शूट खत्म होने के बाद वो शुजिन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है, और वो कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। शुजिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये लड़की कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम शुजिन को देखते हैं जिसे एक वीडियो कॉल आती है। वो पर्सन शुजिन से कह रहा होता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, तुम्हें आकर हमारी हेल्प करनी होगी। शुजिन जैसे ये देखता है तो वो हाउस से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए फ्लाइट की टिकट बुक करवाओ। और फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के रूम में जाकर एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, पर सांगजी को शुजिन नहीं मिलता और शुजिन को सांगजी। और फिर शुजिन सांगजी को कॉल करता है, पर सांगजी का फोन उसके रूम में होता है, इसलिए उसके फोन को पिक नहीं कर पाती। और जब सांगजी अपने फोन को आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि शुजिन उससे बहुत सारी कॉल्स की थी। और फिर मैसेज करते हुए कहती है कि आखिर क्या बात है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे। उधर हम शुजिन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर पहुंच चुका होता है, और वो हाउस से कहता है कि मेरे बारे में उसे बता देना। और ये कहने के बाद फ्लाइट पर बैठकर वहां से चले जाता है। पर हाउ ये सोचने लग जाता है कि शुजिन ने मुझे किसे बताने के लिए कहा है, तो वो सोचता है कि शायद वो ग्रैंडपा की बात कर रहा था। तो वो ग्रैंडपा को कॉल करने के बाद कहता है कि शुजिन एक ऑपरेशन के लिए आउट ऑफ सिटी गया है। उधर हम सांगजी को देखते हैं जिन्हें वेकेशन के लिए छुट्टियां मिली होती है, और अपने फ्रेंड्स को गुड बाय बोलकर वहां से चले जाती है। नेक्स्ट डे हम सांगजी को देखते हैं जो कि बैठकर शुजिन के बारे में ही सोच रही होती है। और वो कहती है कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, पर शुजिन का तो कोई अता पता ही नहीं है। वो कहती है कि उसने जाने से पहले मुझसे मुलाकात भी नहीं की, इसलिए वो कह रही होती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए अब मैं भी शुजिन से बात नहीं करूंगी, और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। अभी वो ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी वहां पर जावली आ जाती है, जो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और ये दोनों जैसे ही बैठ कर खाना खा रही होती है तो जावली फिर से कैप्टन शुजिन के बारे में बात करना शुरू कर देती है। तो सांगजी से डांटते हुए इससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है जो तुम हर टाइम शुजिन के बारे में ही बात करती रहती हो। और वो कहती है कि मेरे सामने उसकी कोई भी बात मत करना। जावली उसकी बात सुनकर कहती है कि ठीक है मैं नहीं करूंगी। उसे पता चल जाता है कि सांगजी शुजिन से नाराज है। अब ये दोनों जाकर अपनी शॉप के बारे में कुछ बात करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट टाइम सांगजी को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बहुत ही जल्दी में खाना खा रही होती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम इतनी जल्दी में खाना क्यों खा रही हो। तो सांगजी ने बताती है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे आज जल्दी शॉप पर जाना होगा। तभी से जावली का मैसेज आता है जो उससे कहती है कि जल्दी से शॉप पर पहुंचो। और सांगजी जल्दी से अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाने के बाद सांगजी की मॉम उसके डैड से कह रही होती है कि क्यों ना आज हम सांगजी की शॉप पर चलें और वहां जाकर अपनी बेटी को सरप्राइज दें। पहले तो उसके डैड जाने से मना कर रहे होते हैं, पर भी फोर्स करने पर वो कहते हैं कि ठीक है हम चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दोनों सांगजी की शॉप पर आए होते हैं, और इन दोनों को अपने सामने देखकर सांगजी एकदम शॉक रह जाती है। और वो कहती है कि मॉम एंड डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सांगजी की मॉम उससे कहती है कि हम दोनों तुम्हारी शॉप को देखने के लिए आए हैं। और फिर सांगजी अपनी मॉम से पूछती है कि आपको मेरी शॉप कैसी लगी। तो उसकी मॉम कहती है कि बहुत ही प्यारी है। और फिर दोनों मिलकर सांगजी उसके फ्रेंड के काम में हेल्प करने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सांगजी दोनों को छोड़ने के लिए जा रही होती है, और वो कहती है कि मैं आपको अपनी कार से छोड़ आऊंगी। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि नहीं तुम रहने दो हम चले जाएंगे। और ये कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम शुजिन को देखते हैं जो कि अपने मिशन से वापस आ गया होता है और हाउस से पिक करने के लिए आया होता है। और कहता है कि तुमने मेरी कॉल को पिक क्यों नहीं किया। पर शुजिन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता, बल्कि वो तो आते ही सबसे पहले सांगजी को मैसेज करता है। और जब हाउ देखता है कि शुजिन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा, तो वो उससे पूछता है कि तुम किसे मैसेज कर रहे हो। और वो जैसे ही देखता है तो उसे पता चलता है कि शुजिन किसी और को नहीं बल्कि सांगजी को मैसेज कर रहा है। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम अपनी डॉक्टर से बात कर रहे हो। शुजिन हाउ को बताता है कि सांगजी ने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया है। और वो कहता है कि मैंने जाने से पहले तुमसे कहा था कि मेरे बारे में सांगजी को बता देना कि मैं मिशन पर गया हुआ हूँ। उसकी बात सुनकर हाउ कहता है कि तुमने मुझे कब कहा था। तो शुजिन कहता है कि मैं तुम्हें कहा तो था। हाउ कहता है कि मुझे ये था कि तुम ग्रैंडपा की बात कर रहे हो, इसे मैंने ग्रैंडपा को बता दिया था, पर सांगजी के बारे में तो मुझे याद नहीं रहा। यह बात सुनकर शुजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाउ को डांटते हुए वहां से चले जाता है। तो हाउ कहता है कि आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। इसके बाद हम सांगजी को देखते हैं जो कि अपनी शॉप में काम कर रही होती है। तभी उसके पीछे लगा हुआ एक रैक उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, पर शुजिन आकर उसकी जान को बचा लेता है। लेकिन उस रैक के सामने आने की वजह से शुजिन को चोट लग जाती है। तो सांगजी जैसे ही देखती है तो उससे कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो। और फिर हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां सांगजी शुजिन से कह रही होती है कि मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी है, इसे तुम्हारे हॉस्पिटल का
बिल मैं पे करूंगी। पर शोजिन उससे पूछता है कि तुमने मेरे नंबर को ब्लॉक क्यों किया है और तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। तो सोंगजी कहती है कि मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुम मुझसे मिले बगैर वहाँ से चले गए थे और तुमने जाने से पहले मुझे कोई भी मैसेज नहीं किया। शोजिन उससे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना था और मैंने जाने से पहले तुम्हें कॉल की थी पर तुमने मेरी कॉल को पिक नहीं किया। और वो कहता है कि मैंने हाओ को इस बारे में कहा था कि वो तुम्हें इन्फॉर्म कर दे पर उसने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं तो हाओ इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर ज़ाओली आकर इनकी बातें सुनने लग जाती है। ज़ाओली को देख कर हाओ उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। पर फिर वो कहता है कि मुझे याद आया तुम डॉक्टर सोंगजी की फ्रेंड हो ना। तो ज़ाओली कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं कैप्टन शोजिन का फ्रेंड हूँ। और ये दोनों इन दोनों की बातें सुनना शुरू कर देते हैं। शोजिन सोंगजी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और तुम मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं कर रही थी। तो सोंगजी से कहती है कि तुम मेरे बारे में परेशान क्यों हो रहे थे। वो कहती है कि मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूँ। तो शोजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ और सिर्फ इसलिए सोच रहा था क्योंकि तुम मेरी डॉक्टर हो और शायद तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी वजह से मेरे पैर पर फ्रैक्चर आया था। पर सोंगजी उससे कहती है कि मुझे कुछ काम है और वो जैसे वहां से जाने लगती है तो शोजिन उसे रोकने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसके हाथ पर लगी हुई सिरिंज हिल जाती है। तो सोंगजी उसके पास आकर उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। तो शोजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी तुम्हें बताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। और इन दोनों को ऐसे देखकर हाओ और ज़ाओली बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। और फिर सोंगजी शोजिन को रेस्ट करने के लिए कह रही होती है पर शोजिन तो उसे ही देख रहा होता है। तभी सोंगजी के फोन पर एक कॉल आती है जो उससे पूछता है कि तुम कहां पर हो। तो सोंगजी कहती है कि मैं इस टाइम हॉस्पिटल में हूं। और शोजिन उसकी बात को बड़े ही गौर से सुन रहा होता है, उससे पूछता है कि तुम्हें किसकी कॉल आई थी। तो सोंगजी उससे कहती है कि तुम इससे क्या। अब कहती है कि चुपचाप रेस्ट करो। और फिर हम देखते हैं कि सोंगजी को जिस पर्सन ने कॉल की होती है वो वहां पर आ जाता है जिसका नाम लिही है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश वे में इस हॉस्पिटल में आया होता है। और वो ज़ाओली के पास जाकर उससे पूछता है कि सोंगजी कहाँ है। तो ज़ाओली उससे कहती है कि वो अंदर है। और फिर उससे पूछता है कि लड़का कौन है। तो ज़ाओली उसे बताती है कि ये पेशेंट का फ्रेंड है। तो लिही कहता है कि अच्छा मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। तो ज़ाओली उससे कहती है कि चुप करो तुम कैसी बात कर रहे हो। और फिर लिही जैसे अंदर आता है तो शोजिन बड़े ही गौर से उसे देखने लग जाता है। सोंगजी लिही को देखकर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिही कहता है कि मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि लिही सोंगजी के क्लोज आते हुए उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड का बिल पे कर दूंगा। पर शोजिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोंगजी से पूछता है कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सोंगजी शोजिन को जेलस फील करवाने के लिए कह देती है कि मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। और फिर सोंगजी जैसे वहां से बिल पे करने के लिए जाने लगती है तो शोजिन उससे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना बिल खुद पे कर लूंगा। तो सोंगजी से कहती है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और वो वहां से चले जाती है और लिही भी शोजिन को गुड बाय कहकर वहां से चले जाता है। और फिर हाओ भी शोजिन के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहता है कि लिही बहुत ज्यादा हैंडसम है ना। तो शोजिन उससे कहता है क्या तुम अंधे हो, वो तुम्हें किस एंगल से हैंडसम लग रहा है। और जब लिही सोंगजी को उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो वो रास्ते में उससे पूछता है कि मिस्टर शोजिन तुम्हारे क्या लगते हैं। तो सोंगजी उसे बताती है कि वो मेरा टीममेट था। और फिर सोंगजी लिही से पूछती है कि तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लिही एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और वो सोंगजी के डैड के फ्रेंड का बेटा है। और फिर हम ज़ाओली को देखते हैं जो कि सोंगजी से कह रही होती है कि तुम सिंगल हो तो तुम किसी को अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती। तो सोंगजी से कहती है कि मेरे पास इस काम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और वो कहती है कि मुझे अपनी स्टडीज पर फोकस करना है और साथ ही साथ इस शॉप पर भी, इसलिए मुझे बॉयफ्रेंड बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ज़ाओली सोंगजी से अपनी शॉप के बारे में बात करते हुए उससे कहती है कि हमें शॉप की मार्केटिंग के लिए एक पर्सन को हायर करना होगा। तो सोंगजी से कहती है कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम हाओ को देखते हैं जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ एक लड़के की वीडियो को देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर शोजिन भी आ जाता है। और जब शोजिन उस वीडियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस वीडियो में ये लड़की अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करवा रही है और इस वीडियो पर बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स और व्यूज आए होते हैं। तो वो हाओ से कहता है कि हमें कुछ इस तरह का करना चाहिए। और फिर अपनी मीटिंग में अपनी टीम से इसी बारे में बात कर रहा होता है और वो कहता है कि हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर की इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को हमारे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पता चलेगा और इसी तरह से हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। पर वो कह रहा होता है कि इस तरह की वीडियो कौन बना सकता है। हाओ कहता है कि ये वीडियो तो बहुत ही इजी है और इस लड़की जैसा डांस तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो ये कहने के बाद सेम टू सेम उस लड़की की तरह का डांस करना शुरू कर देता है। पर हाओ तो मजाक में ही डांस कर रहा होता है। पर शोजिन के सारे फ्रेंड्स हाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ठीक है अब ये काम तुम ही करोगे। तो हाओ उनसे कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था। पर शोजिन कहता है कि नहीं अब तुमने कहा है तो तुम ही करोगे। और ये कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम हाओ को देखते हैं जो कि शोजिन के पास आकर उससे कह रहा होता है क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो कल रात वाला लड़का कौन था। तो शोजिन उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हाओ से लिही की प्रोफाइल दिखाते हुए कहता है कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है।
जिसका नाम लिही है। शूजिन को लिही की प्रोफाइल देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि सोंगजी जैसे जोकर को वो पसंद कैसे कर सकती है। और फिर हाँ शूजिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सोंगजी को लाइक करती हो। और वो कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं सोंगजी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। और वो शूजिन को याद दिलाते हुए उससे कहता है कि शायद तुम्हें याद होगा तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुमसे कहा था कि तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी गर्लफ्रेंड बनानी होगी। और वो शूजिन से कहता है कि तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, अगर तुमने मिस सोंगजी को परस्यू ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम्हारी जगह पर लिही मिस सोंगजी का बॉयफ्रेंड बन जाए। तो शूजिन उससे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और वो कहता है कि देख लेना मैं सोंगजी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहूंगा। शूजिन जैसे वहां से जाने लगता है तो हाउस से रुकते हुए कहता है कि अपने रूल को याद रखना और अब जो चैलेंज तुमने एक्सेप्ट किया है इसे पूरा करके रहना। तो शूजिन कहता है कि ठीक है और ये कहने के बाद वहां से चले जाता है। और फिर हम शूजिन को देखते हैं जो कि सोंगजी की शॉप पर आया होता है। तो सोंगजी उसे अपने सामने देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। शूजिन उससे कहता है कि उस दिन रैक की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था इसलिए मैं तुम्हारे रैक को ठीक करने के लिए आया हूँ। और इधर हम लिही को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में बैठकर सोंगजी को मैसेज करता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी शॉप की मार्केटिंग के लिए एक पर्सन मिल गई है, मैंने आज रात को उसको क्लब में बुलाया है, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ। सोंगजी जैसे उसका ये मैसेज देखती है तो वो शूजिन से कहती है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तो शूजिन कहता है कि क्या। सोंगजी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात के लिए मेरे बॉडीगार्ड बनकर जाओ। तो शूजिन कहता है कि बॉडीगार्ड क्या मतलब। सोंगजी कहती है कि अगर तुम नहीं बनना चाहते तो ठीक है मैं लिही से बोल दूंगी। शूजिन जैसे ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मैं तैयार हूँ। और फिर हम सोंगजी को देखते हैं जो कि शूजिन के साथ जा रही होती है। शूजिन उससे पूछता है कि एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही कि तुम कहाँ जा रही हो। सोंगजी कहती है कि तुम परेशान मत हो मैं तुम्हें किडनैप नहीं होने दूंगी। और फिर सीधा आकर क्लब के बाहर रुकते हैं। सोंगजी शूजिन से कहती है कि तुम यहीं पर मेरा वेट करो मैं आती हूँ। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। पर हम देखते हैं कि शूजिन वहां पर नहीं रुकता और वो भी क्लब के अंदर आ जाता है। और वो जैसे आता है तो वो दिखता है कि सोंगजी एक लड़के के साथ डांस कर रही है और वो लड़का सोंगजी को लूज होने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सोंगजी को हाथ पकड़ कर उससे कहता है कि यहाँ से चलो। सोंगजी उससे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ क्लाइंट से मिलने के लिए आई हूँ। और फिर हम इन दोनों को सोंगजी के क्लाइंट के साथ देखते हैं जहाँ ये बैठ कर कुछ बात कर रहे होते हैं। और बात खत्म करने के बाद ये गेम खेलने लग जाते हैं जहाँ शूजिन बहुत ज्यादा ड्रिंक पी लेता है। और तभी वो दिखता है कि सोंगजी एक लड़के से बात कर रही है इसलिए वो सोंगजी को हाथ पकड़ कर उससे कहता है कि यहाँ से चलो। और जब वो सोंगजी को लेकर जा रहा होता है तो सोंगजी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी शॉप पर रैक को ठीक करने के लिए नहीं आए थे बल्कि मुझसे मिलने के लिए आए थे। और वो शूजिन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। फिर वो कहती है कि टाइम काफी हो गया है हमें चलना चाहिए। पर वो जैसे वहां से जाने लगती है तो शूजिन उसका हाथ पकड़ते हुए उसके क्लोज आ जाता है। शूजिन सोंगजी के क्लोज होकर उसे जैसे ही किस करने वाला होता है पर वो तभी उसके ऊपर उल्टी कर देता है। नेक्स्ट डे शूजिन की जैसे ही आंख खुलती है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों के पाता है। पर उसके होश तो तब उड़ते हैं जब अपने साथ सोंगजी को लेटा हुआ पाता है और उसे अपने साथ देखकर वो खुद से कहता है कहीं मैंने कल रात को कोई पाप तो नहीं कर दिया। जब सोंगजी उसे ऐसे परेशान देखती है तो वो कहती है कि क्या बात है तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए। शूजिन सोंगजी से पूछता है कि अगर रात को हम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तो सोंगजी से बताती है कि जो हम दोनों के बीच में हुआ है उस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। और वो कहती है कि तुम कल रात को बहुत ज्यादा ड्रंक थे और मैंने तुम्हें कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी पर तुम मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुए और तुमने वो कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। सोंगजी की ये बात सुनकर शूजिन उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी लूंगा। तो सोंगजी कहती है कि कैसी रिस्पांसिबिलिटी। शूजिन कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो सोंगजी कहती है कि तुम बहुत ही ओल्ड फैशन हो तुम्हें मुझसे शादी करने की क्या जरूरत है। ये बात सुनकर शूजिन कहता है कि क्या मतलब। तो सोंगजी उससे कहती है कि सच तो ये है कि कल रात को हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। और वह कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थे तुम्हें पता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती इसलिए मैं तुम्हें इस होटल में लेकर आ गई। और फिर वो शूजिन से कहती है कि जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ तुम अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे। और फिर हम शूजिन को देखते हैं जो कि सोंगजी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। पर उसने जो बाथरोब पहना होता है वो पिंक कलर का होता है। तो सोंगजी उसके पास आकर उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा फनी लग रहे हो। शूजिन उससे कहता है कि कुछ और पहनने को था ही नहीं तो मैंने ये पहन लिया। और फिर शूजिन सोंगजी की कॉफी में जैसे शुगर डालने वाला होता है तो सोंगजी उससे कहती है कि मेरी कॉफी में शुगर को ऐड मत करना। और वो कहती है कि मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। पर शूजिन अपने दिमाग पर जोर डाल रहा होता है और वो याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने कल रात को क्या किया था। और फिर जब ये दोनों कॉफी पी रहे होते हैं तो शूजिन सोंगजी से फिर से इसी बारे में पूछता है। और वो कहता है कि मुझे सच बताओ कल रात को हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। वो कहता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हें वहां से लेकर जा रहा था उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। सोंगजी से कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे और तुम जैसे ही मेरे क्लोज आए तो तुमने मेरे ऊपर उल्टी कर दी और तुम्हें इतनी बुरी हालत में देखकर मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई। तो शूजिन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे बेड पर क्या कर रही थी। सोंगजी कहती है कि इस रूम में सिर्फ एक ही बेड था मैंने तुमसे कहा था कि सोफा पर सो जाओ पर तुम नहीं सोए और इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ बेड पर सोना पड़ा। तो शूजिन कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। तो सोंगजी उससे कहती है
कि तुम मुझसे बार बार तो ऐसे ही पूछ रहे हो जैसे तुम चाहती हो कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो जाता। और फिर वो शूजिन से कहती है कि बातें करना बंद करो, अपने ऑफिस के लिए जाओ। तो शूजिन कहता है कि मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है। उसकी बात सुनकर सॉन्ग से अपनी नाइटी देते हुए कहती है कि ये पहन लो। शूजिन कहता है कि मैं पिंक कलर की नाइटी नहीं पहनूंगा। सॉन्ग जैसे उसकी बात सुनती है तो उसके कपड़ों को उतार देती है, जिसकी वजह से शूजिन को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। और फिर हम हाओ को देखते हैं जो कि शूजिन से पूछ रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम कल रात को सॉन्गजी के साथ थे और तुमने कल रात को उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। शूजिन उसे बता रहा होता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। हाओ कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो। और कहता है कि मुझे पता है कि तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ होगा और तुमने कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। शूजिन कहता है कि ये फजूल बात करना बंद करो, मैंने कहा ना कि कुछ भी नहीं हुआ। तो हाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। और फिर शूजिन हाओ से कहता है कि एक गर्लफ्रेंड बनाना एक रेस्क्यू ऑपरेशन से भी ज्यादा मुश्किल होता है। और हाओ से पूछता है कि तुम मुझे कोई टिप्स दो। तो हाओ से कहता है कि तुम्हें उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और जो भी उसकी हॉबीज हैं तुम्हें उसकी सारी हॉबीज के बारे में पता होना चाहिए। तो शूजिन उसे बताता है कि सॉन्गजी ने अपनी शॉप का एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर अपने ड्रेसेस के बारे में वीडियोस को पोस्ट करती है। तो हाओ से कहता है कि अच्छा आइडिया है। वो कहता है कि तुम इसकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, उसके स्टोर से इसकी चीजों को बाय भी किया करो। उसकी बात सुनकर शूजिन सॉन्गजी के स्टोर से कुछ ड्रेसेस को बाय कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस को रिकॉर्ड कर रही होती है। पर अपनी फ्रेंड जावली से कहती है कि हमारे तो बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे लाइव स्ट्रीम्स को बहुत ही कम लोग देख रहे हैं। इसी बारे में सोचकर वो थोड़ी सी सैड होती है। तो जावली से कहती है कि तू परेशान मत हो। और वो कहती है कि टाइम के साथ साथ हमारी लाइव स्ट्रीम पर बहुत सारे लोग आएंगे। और फिर जावली सॉन्गजी को एक लड़के की वीडियो दिखाते हुए इससे कहती है कि एक बहुत ही फेमस लाइव स्ट्रीमर है, उसके पास बहुत सारी ऑडियंस है। और वो कहती है कि ये लड़की अपनी वीडियोस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी करती है और इसकी मेन ऑडियंस गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स हैं। पर जावली से कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, इससे तुम इस तरह की वीडियोस नहीं बना सकती। तो सॉन्गजी उससे कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर वो जावली को बताती है कि कल रात को मैंने शूजिन के साथ नाइट स्पेंड की थी। जावली जैसे उसकी ये बात सुनती है तो एकदम शॉक रह जाती है। और वो कहती है कि अगर रात को तुम दोनों कुछ किया था। तो सॉन्गजी उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस शूजिन बहुत ज्यादा ड्रंक था और इसलिए हम दोनों ने एक ही होटल में नाइट स्पेंड की थी और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जावली उसकी बात सुनकर सतंग करते हुए कहती है कि काश कुछ हो जाता तो कितना मजा आता। तो सॉन्गजी उससे कहती है क्या तुम उसे थप्पड़ खाना चाहती हो। तो जावली कहती है कि नहीं। पर हम लिही को देखते हैं जिसे इस बारे में पता चल चुका होता है कि सॉन्गजी की लाइव स्ट्रीम पर बहुत ही कम ऑडियंस आ रही है। तो वो खुद से कहता है कि मुझे सॉन्गजी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे उसकी शॉप की प्रमोशन हो सके। और फिर वो खुद से कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है। और ये कहने के बाद वहां से चले जाता है। और फिर वो सीधा सॉन्गजी के पास आता है। सॉन्गजी उसे अपने सामने देखकर कहती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। लिही से कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं और मैं यहां पर तुम्हारी शॉप के लिए कुछ वीडियोस और फोटोज वगैरह बनाने के और मैं यहां पर तुम्हारी शॉप के लिए कुछ वीडियोस और फोटोज बनाने के लिए आया हूं। पर सॉन्गजी उसकी ये बात सुनकर कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी शॉप के लिए मेरी हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है, बेशक कर लो। और फिर हम शूजिन को देखते हैं जो कि सॉन्गजी के लाइव स्ट्रीम को देखते हुए उसे लाइक कर रहा होता है। पर वो जैसे ही देखता है कि उसकी लाइव स्ट्रीम में कोई और नहीं बल्कि लिही उसके साथ है तो ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे हाओ की कॉल आती है जिससे कहता है क्या तुम सॉन्गजी की लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो। तो शूजिन कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ। तो हाओ से तंग करते हुए कहता है कि तुम प्लीज जेलस मत होना। शूजिन कहता है कि मैं जेलस नहीं हो रहा बल्कि वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद वहां से चले जाता है। इधर हम लिही को देखते हैं जो कि सॉन्गजी से कह रहा होता है कि मुझे कुछ ड्रेसेस के फोटोज को क्लिक करना होगा पर इसके लिए मुझे एक मॉडल की जरूरत है। पर सॉन्गजी से कहती है कि मेरे पास कोई भी मॉडल नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि मैं एक मॉडल को हायर कर सकूं। तो लिही कहता है कि तुम्हें एक मॉडल की क्या जरूरत है, तुम्हारा फिगर क्या किसी मॉडल से कम है। तो सॉन्गजी कहती है क्या मतलब। और फिर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि एक मॉडल की तरह तैयार होकर आती है और आकर फोटोशूट करवा ही रही होती है कि तभी वहां पर शूजिन आ जाता है। सॉन्गजी शूजिन को देखकर उसे कहती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो शूजिन कहता है कि मैं यहां पर ये देखने के लिए आया हूं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। और फिर सॉन्गजी जैसे फोटोशूट करवा रही होती है तो शूजिन बार बार उसके पास आकर उससे कह रहा होता है कि अपने आप को कवर करो। और शूजिन की वजह से सॉन्गजी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है, इसलिए शूजिन को डांटते हुए कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो नहीं तो मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगी। और फिर शूजिन को देखकर सॉन्गजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ फोटोशूट करवाने का इतना ही शौक है तो चलो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। और फिर हम शूजिन को देखते हैं जो कि नाइटी पहनकर सॉन्गजी के साथ फोटोशूट करवा रहा होता है। लिही उन दोनों से कहता है कि थोड़ा सा क्लोज आओ। और ये दोनों जैसे ही दूसरे के क्लोज आते हैं तो उन दोनों के बीच रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। पर तभी सॉन्गजी गिरने वाली होती है तो शूजिन उसे पकड़ लेता है और लिही दोनों के फोटोज को खींचना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि इससे बेस्ट फोटो मुझे नहीं मिल सकती। इधर हम हाओ को देखते हैं जो कि शूजिन का वेट कर रहा होता है और कहता है कि तुम जैसे फ्री हो गए तो मुझे कॉल कर देना। तभी वो देखता है कि जावली अपना काम कर रही है। तो वो कहता है कि शूजिन तो अपने लिए गर्लफ्रेंड बना रहा है। वो कहता है कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्यों ना मैं जावली पर ट्राई करूं, हो सकता है कि वो मान जाए। और इसीलिए
लिए वो जौली को बिठाने के लिए उसके पास आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। हाओ को वहाँ पर देख कर जौली से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हाओ से बताता है कि मेरा फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ है और मैं यहाँ पर उसका वेट कर रहा हूँ। तो जौली से कहती है कि अच्छी बात है, तुम वेट ही करते रहो, और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि अपनी लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स को पढ़ रही होती है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों ने शुजिन के लिए बहुत सारे कमेंट्स किए होते हैं और वह कह रही होती है कि ये लड़का तो कितना ज्यादा हैंडसम है और साथ ही साथ इसकी बॉडी भी कितनी कमाल की है। और इन कमेंट्स को पढ़कर तो सॉन्ग्स भी बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है, क्योंकि वो खुद भी कहीं ना कहीं शुजिन को लाइक करती है। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहती है कि क्यों ना मैं शुजिन को अपनी लाइव स्ट्रीम का पार्टनर बना लूं, जिसकी हेल्प से मेरी शॉप के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। अभी वो ये सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर शुजिन आ जाता है और फिर वो शुजिन से कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और फिर से शुजिन को नाइटी पहनाते हुए अपनी लाइव स्ट्रीम को ऑन कर लेती है। पर शुजिन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि वो लाइव स्ट्रीम पर क्या बोले। तो सॉन्ग्स एक पेपर पर उसको लिख कर दिखाती है कि तुम्हें लाइव स्ट्रीम पर ये बोलना है, और फिर सॉन्ग्स जो कुछ भी उसे बोलने के लिए कहती है, शुजिन वो सब कुछ बोल देता है। और फिर हम हाओ को देखते हैं जो कि शुजिन के पास आकर उससे कहता है कि मेरे पास मूवी के 2 टिकट्स हैं, पर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए अगर तुम सॉन्ग्स के साथ जाना चाहो तो बेशक चले जाना। उधर हम शुजिन के कलीग्स को देखते हैं जो कि जैसे इन दोनों की वीडियो को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये आपस में इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। और ये कहती है कि मिस्टर शुजिन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रूड नजर आ रहे होते हैं, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतने ज्यादा सॉफ्ट और कूल हैं। और वह कहती है कि कैप्टन शुजिन तो इस नाइटी में सच में बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं। इधर हम लीही को देखते हैं जो कि जौली के पास आकर उससे कहता है कि देखो मेरी वजह से तुम्हारी कितनी ज्यादा सेल हो रही है। तो जौली उससे कहती है कि ये सेल तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि कैप्टन शुजिन की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारी सारी ऑडियंस कैप्टन शुजिन को बहुत ज्यादा लाइक कर रही है और उनकी वजह से ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जौली की बात सुनकर लीही थोड़ा सा जेलस होता है और वो कहता है कि फिर क्या हो गया, उनकी फोटोज और वीडियोस मैंने बनाई थी। तो जौली उसे तंग करने के लिए कहती है कि हमारी ऑडियंस को तुम्हारी फोटोज से ज्यादा मिस्टर शुजिन की बॉडी पसंद आ रही है। और फिर लीही जौली से पूछता है कि सॉन्गजी कहाँ है। तो जौली उसे बताती है कि वो कैप्टन शुजिन से मिलने के लिए गई हुई है। इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि शुजिन के पास आई होती है। शुजिन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सॉन्गजी उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और उसे एक नाइटी गिफ्ट करती है और कहती है कि नाइटी तुम पर बहुत ज्यादा सूट करेगी। और शुजिन भी उससे थैंक्स कहता है। और ये दोनों जैसे बात करने लगते हैं तो तभी वहाँ पर हवा जाता है जो शुजिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और इसलिए सॉन्गजी वहाँ से चली जाती है। पर शुजिन उसके पास आकर उससे कहता है कि मेरे पास एक मूवी की 2 टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। पहले तो सॉन्गजी मना कर रही होती है, फिर वो कहती है कि ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो मैं चले जाऊंगी। और फिर हम शुजिन इसकी टीम को देखते हैं जो कि एक रेस्क्यू मिशन पर गई होती हैं, जहाँ पर पानी में शुजिन के कुछ फ्रेंड्स फंस चुके होते हैं और उनकी हेल्प करने के लिए शुजिन और हाओ वहाँ पर जाते हैं। हाओ अपने एक फ्रेंड को बचा कर ऊपर ले आता है, पर हाओ के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि कैप्टन शुजिन कहाँ पर हैं। तो वो कहता है कि अभी नीचे हैं। पर तभी हम देखते हैं कि शुजिन भी अपने फ्रेंड को बचा कर ऊपर ले आता है और इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और तभी शुजिन हाओ से कहता है कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना होगा। तो हाओ से कहता है कि तुम मेरी बाइक ले जाओ, अगर तुम गाड़ी में जाओगे तो ट्रैफिक जैम में फंस जाओगे। और फिर शुजिन से कहता है कि जाने से पहले अपने कपड़े चेंज कर लेना, तुम्हें कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और फिर हम शुजिन को देखते हैं जो कि बहुत ही जल्दी में सॉन्गजी से मिलने के लिए जा रहा होता है। उधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि शुजिन का ही वेट कर रही होती है। सॉन्गजी जो कि शुजिन का वेट कर रही होती है, पर शुजिन वहां पर बहुत ही लेट आता है, जिसकी वजह से सॉन्गजी वहां से जा चुकी होती है। और फिर शुजिन सॉन्गजी को कॉल करता है, पर सॉन्गजी उसकी कॉल का कोई भी जवाब नहीं देती, इसलिए शुजिन जल्दी से सॉन्गजी के पास जाकर उससे सॉरी कहता है। तो सॉन्गजी से कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर दोनों एक साथ चलना शुरू कर देती हैं। और फिर शुजिन सॉन्गजी से कहता है कि मैं अपने एक फ्रेंड की हेल्प करने के लिए गया हुआ था और रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से मुझे आने में देरी हो गई, और इसी वजह से वो सॉन्गजी से सॉरी कह रहा होता है। तो सॉन्गजी उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, और कहती है कि मुझे तुम्हारी यही चीज बहुत अच्छी लगती है कि तुम जिस काम को भी करने के बारे में सोचते हो उसे हमेशा पूरा करते हो, और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। और फिर शुजिन सॉन्गजी को एक स्टोन गिफ्ट करता है और कहता है कि स्टोन को मैं तुम्हारे लिए पानी की गहराइयों से लेकर आया हूँ। और फिर बातों ही बातों में शुजिन सॉन्गजी से कहता है कि मैंने सुना है कि जब दो लोगों को एक दूसरे से प्यार होता है तो वहाँ पर हवा चलना शुरू हो जाती है और एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है, और ऐसे लगता है कि जैसे टाइम रुक सा गया हो। अभी वो ये कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर सच में हवा चलना शुरू हो जाती है और बिल्कुल एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। तो सॉन्गजी से कहती है कि शायद तुम सच कह रहे हो, और वो कहती है कि ऐसे रोमांटिक मौसम में अगर आपका पार्टनर आपसे अपना लव कन्फेस करे तो आप उसे मना नहीं कर पाते। शुजिन जैसे सॉन्गजी की ये बात सुनता है तो उसे किस करने वाला होता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे मना मत करना, और ये कहने के बाद उसे किस कर लेता है। इसके बाद हम शुजिन को देखते हैं जो कि अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हाओ आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम तो सॉन्गजी के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। शुजिन उसे बताता है कि मैंने सॉन्गजी को आज किस की थी। उसकी बात सुनकर हाओ तो बहुत ज्यादा शॉक होता है और उसे कहता है क्या तुमने
से अपना लव कन्फेस किया था। तो शुजुन उससे कहता है कि नहीं, और मैंने लव कन्फेस किए बगैर ही इसे किस कर लिया। और कहता है कि पता नहीं सॉन्गजी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और उससे पूछता है कि उससे तुम्हें किस किया था या फिर तुमने किस किया था। तो शुजुन कहता है कि उसने नहीं किया था बल्कि मैंने ही किया था। उसके बारे में सोच सोच कर शुजुन थोड़ा सा एम्बेरस हो रहा होता है। और वो कहता है कि पता नहीं सॉन्गजी मुझे लाइक करती भी है या फिर नहीं, और इस टाइम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि शुजुन के स्टोन को दिख रही होती है। और वो खुद से कहती है कि उसने मुझे किस किया पर मैंने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कहती है कि उस टाइम मुझे क्या हो गया था। और वो बार बार अपनी और शुजुन की पहली किस के बारे में ही सोच रही होती है। और ये सोचते हुए बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर वो जैसे सोने वाली होती है तो उसे तो नींद नहीं आ रही होती। और वो फिर से शुजुन के बारे में सोचने लग जाती है। और जब हम शुजुन को देखते हैं और ये भी सॉन्गजी के बारे में ही सोच रहा होता है। और वो कहता है कि मुझे सॉन्गजी को मैसेज करना चाहिए। और ये कहने के बाद उसे मैसेज करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शुजुन की जैसे ही आंख खुलती है तो वो सबसे पहले अपने मोबाइल को चेक करता है। पर वो देखता है कि सॉन्गजी ने उसे कोई भी मैसेज नहीं किया होता। तो वो सोचता है कि शायद वो मुझसे नाराज हो गई है। इसके बाद हम जाओली को देखते हैं जो कि सॉन्गजी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई होती है। पर वो जैसे ही देखती है कि सॉन्गजी बहुत ज्यादा स्माइल कर रही है तो वो उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। तो सॉन्गजी उसे कुछ भी नहीं बताती। और वो कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो जाओली बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही होती है और कहती है कि प्लीज मुझे बताओ। और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कल कैप्टन शुजुन के साथ डेट पर गई थी। और फिर जाओली के फोर्स करने पर सॉन्गजी उसे बता देती है कि कैप्टन शुजुन ने कल मुझे किस की थी। जाओली भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि कैप्टन शुजुन ने तुमसे अपना लव कन्फेस किया था। तो सॉन्गजी कहती है कि नहीं, उसने अपना लव कन्फेस किए बगैर ही मुझे किस कर दी। तो जाओली उसे कहती है कि तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो सॉन्गजी कहती है कि नहीं, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। जाओली तो इसी बारे में सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और वो कहती है क्या किसी ने सोचा होगा कि एक रूट कैप्टन को एक क्यूट से डॉक्टर से प्यार हो जाएगा, और वो भी इतनी जल्दी। और इसी बारे में सोच सोच कर स्माइल कर रही होती है। तो सॉन्गजी उससे कहती है कि बस भी करो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और वो जाओली से कहती है कि उसने मुझे बस एक किस की है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। इधर हम हाओ को देखते हैं जो कि शुजुन के पास आकर इसी बारे में बात कर रहा होता है। और वो कहता है कि तुमने किस कर दिया और लव कन्फेस नहीं किया। और वो कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें जाकर सॉन्गजी से अपना लव कन्फेस करना चाहिए। और वो शुजुन को बताता है कि मैंने आज तुम दोनों के लिए एस्केप रूम की दो टिकट्स को बुक करवाया है। और उससे कहता है कि तुम्हें आज मिस सॉन्गजी के साथ वहां पर जाना होगा। शुजुन उससे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि सॉन्गजी मानेगी। तो हाओ कहता है कि अगर वो नहीं मानेगी तो तुम्हें मनाना होगा। और कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम दोनों को जाना होगा। और वो कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं लिही से कह दूंगा और वो सॉन्गजी के साथ चला जाएगा। तो शुजुन कहता है कि नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगा। इसके बाद हम युआन को देखते हैं जो एक मिशन पे जाने वाला होता है। वो अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहने के लिए आया होता है और कहता है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तभी उसके फ्रेंड को मैसेज आता है, उसे पता चलता है कि ऑपरेशन कैंसिल हो गया है। और वो युआन को कहती है कि तुम नहीं जा रहे। युआन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि जाकर रेडी हो जाओ और थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। इसके बाद हम सॉन्गजी को देखते हैं जो जैसे शुजुन का मैसेज दिखती है तो उसे रिप्लाई करती है और कहती है कि मैं रात को जल्दी सो गई थी इसलिए मैं तुम्हारे मैसेज को नहीं दिख पाई। और उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। शुजुन उसका ये मैसेज देखकर उससे कल रात के बारे में बात करने की कोशिश करता है। पर वो जैसे मैसेज को टाइप करता है तो उस मैसेज को रिमूव कर देता है और कहता है कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। और फिर शुजुन उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। और वो शुजुन सॉन्गजी को कॉल करता है और उससे कहता है क्या तुम आज रात को मेरे साथ एस्केप रूम में जाना चाहोगी। कहता है कि हम दोनों वहां पर जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। सॉन्गजी उसे वहां जाने से मना कर रही होती है और कहती है कि मुझे हॉरर चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है। पर शुजुन उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सॉन्गजी उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम लिही को देखते हैं जो कि सॉन्गजी के पास आकर अपने कॉलेज के बारे में कुछ बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं स्टडीज की वजह से आजकल कुछ बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तो सॉन्गजी उसे ऐसे देखकर उससे कहती है कि आज रात को मैं शुजुन के साथ हॉरर एस्केप रूम जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो लिही कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ और इसी बहाने मुझे कैप्टन शुजुन को परखने का मौका मिल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए ठीक है भी या फिर नहीं। और वो सॉन्गजी से कहता है कि अब देखना, कैप्टन शुजुन को पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। इसके बाद हम हाओ को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड जो के पास जाकर उसे कह रहा होता है कि हॉरर एस्केप रूम तुम्हारे फ्रेंड का है ना। तो जो से कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें कोई काम है। तो हाओ से कहता है कि आज रात को मेरे कुछ फ्रेंड्स वहां पर आ रहे हैं इसलिए तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स कर देना। और हाओ से बताता है कि मेरे फ्रेंड्स कोई और नहीं बल्कि कैप्टन शुजुन और मैं सॉन्गजी हैं। जोस की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जैसा तुम चाहोगे सब कुछ वैसा ही होगा। और उससे बताता है कि मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारे साथ हूँ। और जब इनके एक फ्रेंड जीजो को देखते हैं जो कि अपनी कुली को बटाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसके सामने कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने कुलीग से कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं थकता। तो उसकी कुलीग लिली उसके पास आकर उसकी मशीन को तेज कर देती है और उसे डंबल्स देते हुए कहती है कि डंबल्स को पकड़ लो और पूरे 20 किलोमीटर भागने के बाद ही इसे नीचे उतरना। और ये कहने
के बाद वहाँ से चली जाती है। पर बेचारे जीजो की तो हालत खराब हो रही होती है। वो कहता है कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद हम हाओ को देखते हैं जो कि शूजिन के साथ में सोंगजी का वेट कर रहा होता है। और वो शूजिन को बताता है कि मैंने सोंगजी के साथ साथ जोली को भी बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बात बन जाए। अभी वो शूजिन से ये बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस सोंगजी अपने फ्रेंड लिही के साथ आ जाती है। शूजिन लिही को देख कर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सोंगजी कहती है कि ये बहुत ज्यादा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। पर शूजिन तो लिही को देख कर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जो आकर इन सबसे कहता है कि मैं इस हॉरर एस्केप रूम का इंचार्ज हूँ और फिर इन सबको गेम्स के रूल बताना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि तुम लोगों को ये गेम बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और इस गेम को वही जीतेगा जो एंड पर एक पेपर को ढूंढ के लाएगा और उस पेपर को ढूंढने वाला ही इस गेम का विनर होगा। और ये सारे अपने पर्स और फोन एक बॉक्स में डालने के बाद एस्केप रूम में चले जाते हैं। पर वहाँ आकर शूजिन हॉस से कहता है कि ये तुम्हें हॉरर कहाँ से लग रहा है बल्कि ये तो मुझे एक क्लास लग रही है। तो हॉस से कहता है कि थोड़ा सा वेट करो। और ये पांचों जैसे वहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और तभी इन्हें कैमरे से आवाज आती है और कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि जो है जो कि इन सबसे कह रहा होता है कि अपने मिशन पर लग जाएं। पर हाओ तो जावली को तंग करने के लिए उसे बहुत ज्यादा डरा रहा होता है। तो जावली से कहती है कि तुम मुझे तंग मत करो। और तभी एक डोर ओपन होता है और ये सब लोग उस रूम से निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि जब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो लिही की तो हालत खराब हो रही होती है और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी एक डरावनी आवाज की वजह से वो चीखने लग जाता है और सोंगजी को हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि आंटी प्लीज मुझे बचा लें। शूजिन और हाओ जैसे इसकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। और यहाँ पर इनका ये झूठ पकड़ा जाता है और हमें पता चलता है कि लिही कोई और नहीं बल्कि सोंगजी का नेफ्यू है और सोंगजी इसके रिश्ते में इसकी आंटी लगती है। तो हाओ शूजिन से कहता है कि अब तुम्हें जेलस होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक छोटा बच्चा है जो कि मिस सोंगजी का सिर्फ और सिर्फ नेफ्यू है ना कि उसका बॉयफ्रेंड। तो शूजिन को पता चलता है कि अच्छा तो ये मेरे साथ गेम खेल रही थी और इसने मुझसे झूठ कहा था कि इसका बॉयफ्रेंड है। और तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर शूजिन हाउस से कहता है कि हम सबको यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए। और ये कहते ही शूजिन और सोंगजी एक साइड पर चले जाते हैं और लिही जावली और हाउ दूसरे साइड पर चले जाते हैं जहाँ लिही और जावली तो बहुत ज्यादा डर रही होती हैं। तभी एक मॉन्स्टर आता है और लिही वहाँ से भाग जाता है। और फिर जावली हाउस से कहती है कि तुम बुरा मत मानना मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा है इसलिए मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ा हुआ है। पर हाउ जो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो खुद से कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही डरती रहो और मेरे हाथ को छोड़ना मत। तो जावली कहती है कि तुमने कुछ कहा है। तो हाउ कहता है कि नहीं। इधर हम शूजिन और सोंगजी को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग रूम में आए होते हैं और नेक्स्ट रूम के डोर को तलाश करने की कोशिश कर रही होती हैं जहाँ एक रूल मिलता है कि आप दोनों को 30 सेकंड्स के लिए एक दूसरे के क्लोज आना होगा। इसलिए शूजिन सोंगजी के क्लोज आ जाता है और सोंगजी के क्लोज आने के बाद सोंगजी उससे पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो शूजिन उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और वो सोंगजी से पूछता है कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। सोंगजी कहती है कि तुम मेरे टीममेट हो और साथ ही साथ मेरे फ्रेंड भी। शूजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि दो फ्रेंड्स एक दूसरे को ऐसे किस कर सकते हैं जैसे अगर रात को मैंने तुम्हें की थी। और वो सोंगजी से अपना लव कन्फेस करने ही वाला होता है पर तभी कैमरामैन डोर को ओपन कर देता है और सोंगजी वहाँ से चले जाती है। शूजिन कैमरा की तरफ देख कर कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही गलत है। इसके बाद ये दोनों एक साइंस लैब में जाते हैं जहाँ से निकलने का ये रूल होता है कि इन दोनों के अपने आंसुओं को एक ब्रेकर में डालना होगा। सोंगजी तो अपने आंसुओं को बहुत ही इजीली निकाल लेती है पर शूजिन कहता है कि मुझे ये नहीं होगा। तो सोंगजी कहती है कि मैं होना तुमसे हो जाएगा। और वो जैसे उसके आंसू को उस ब्रेकर में डालती है तो डोर ओपन हो जाता है और ये दोनों वहाँ से चले जाती हैं। और जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर सोंगजी डर जाती है पर शूजिन सोंगजी का ख्याल रखते हुए उसे एक दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ जाकर इन्हें वो पेपर मिल जाता है जो कि इस गेम में ढूंढना था। और ये दोनों इस गेम को जीत जाते हैं और तभी यहाँ पर ये तीनों भी आ जाते हैं। हाउ कैमरामैन को देखते हुए उससे कहता है कि तुम्हें कुछ और करना होगा। तो जो इन सबसे कहता है कि इस गेम का लास्ट रूल ये है कि जो भी इस गेम को जीतेगा उसे 10 सेकंड के लिए एक दूसरे को किस करना होगा। लिही जैसे ये रूल सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब रूल है। और शूजिन भी कह रहा होता है कि नहीं मैं इस रूल को नहीं मानूंगा। पर सोंगजी कहती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम किस करना चाहते हो तो बेशक कर लो। और हाउ भी यही कहता है कि रूल तो रूल है तुम दोनों को रूल को मानना होगा। तो शूजिन सोंगजी को किस कर लेता है पर तभी हाउ जो को इशारा करता है और जो इनसे कहता है कि मैंने टाइम को चेक नहीं किया था और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों ने 10 सेकंड के लिए एक दूसरे को किस किया है इसलिए इन दोनों को दोबारा से एक दूसरे को किस करना पड़ता है। पर इस बार की किस तो ऐसी होती है कि 10 सेकंड के बाद भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। इसके बाद हम हाउ को देखते हैं जो कि जावली से उसकी वीचैट की आईडी मांग रहा होता है और कहता है कि अब तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो तुम मुझे अपनी वीचैट की आईडी दे सकती हो। तभी वहां पर शूजिन और सोंगजी आ जाती हैं। हाउ उनसे कहता है कि हम आज रात को एक पार्टी पर चलते हैं पर सोंगजी कहती है कि मुझे अपनी शॉप के लिए कुछ काम करना है और जावली और सोंगजी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम हाउ को देखते हैं जो कि शूजिन से पूछ रहा होता है कि तुमने सोंगजी से अपना लव कन्फेस किया। तो शूजिन उससे कहता है कि नहीं मैं उससे बात करने की कोशिश करने वाला था पर मुझसे बोला ही नहीं गया। तो हाउस की बात सुनकर कहता है कि तुम इतने डरपोक तो हो नहीं इतने बन रहे हो और कहता है कि जल्दी से जल्दी
सोंगजी से अपना लव कन्फेस कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तभी से जो का मैसेज आता है, वो कहता है कि आज रात को एक पार्टी है। तो हाउस से कहता है कि ठीक है मैं टाइम पर आ जाऊंगा। उधर हम जावली को देखते हैं जो कि सोंगजी से इसी बारे में ही पूछ रही होती है, और वो कहती है कि कैप्टन शूजी ने तुमसे लव कन्फेस किया। तो सोंगजी उससे कहती है कि नहीं, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तभी जावली सोंगजी से कहती है कि मैं आज रात को हाओ के साथ एक पार्टी में जा रही हूँ। तो सोंगजी उससे कहती है कि बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम जावली को देखते हैं जो कि हाओ के फ्रेंड्स के साथ पार्टी को एंजॉय कर रही होती है, पर बहुत ज्यादा लेट हो गया होता है। इसको कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो कहकर वहाँ से चली जाती है। पर वो जैसे वहाँ से जा रही होती है तो वो हाओ के बारे में ही सोच रही होती है, और कहती है कि मुझे हाओ से प्यार तो नहीं हो गया। तभी वो हाओ को देखती है जो कि लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, पर यहाँ हाओ से लड़की से फ्लर्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो लड़की हाओ से फ्लर्ट कर रही होती है। पर जावली उसे गलत समझ कर कहती है कि मेरे साथ चीट कर रहा है, और वो वहाँ से चले जाती है। और फिर जाओ वहाँ से वापस आने के बाद सोंगजी से इसी बारे में बात कर रही होती है, और कहती है कि मुझे लगता है कि हाओ मुझसे चीट कर रहा है। सोंगजी उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और वो कहती है कि हो सकता है कि वो लड़की हाओ को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड हो, और दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जावली सोंगजी से कहती है कि अगर हाओ ने मुझे चीट किया तो देखना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और जब वो सोंगजी से ये बात कर रही होती है तो सोंगजी को शूजिन के मैसेजेस आते हैं, जिन्हें देखकर सोंगजी बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है। तो जावली से पूछती है कि क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा खुश हो रही हो, कहीं तुम कैप्टन शूजिन को डेट तो नहीं कर रही। तो सोंगजी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना कि वो मेरा टीममेट है, इसलिए मैं उसके मैसेजेस का जवाब दे देती हूँ। पर जावली को सामने देखकर वो शूजिन को भी मैसेज नहीं करती। इधर हम शूजिन को देखते हैं जिसे सोंगजी का रिप्लाई नहीं आया होता, वो इसी बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है, और कहता है कि क्या बात है, वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। और वो हाओ को कॉल करता है, उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा वीचैट खराब हो गया है और मुझे किसी का मैसेज रिसीव नहीं हो रहा। हाओ से कहता है क्या तुम पागल हो, तुम कैसी बात कर रहे हो। शूजिन उससे कहता है कि तुम मुझे मैसेज करो। हाओ कहता है कि मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो शूजिन कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे मैसेज करो। तो हाओ से मैसेज करने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है, और मेरा मैसेज तुम्हें पहुंच गया है और तुमने देख भी लिया होगा। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो मैं सो जाऊं। और ये कहने के बाद वहां पर सो जाता है। पर शूजिन बेचारा तो सोच रहा होता है कि हाओ का मैसेज तो आ गया, पर सोंगजी का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। अभी वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे सोंगजी का रिप्लाई आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और वो खुद से कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। और वो सोंगजी से पूछता है कि तुम कैसी हो और क्या कर रही हो। पर सोंगजी का फिर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो शूजिन कहता है कि शायद वो सो गई होगी, और कहता है कि मुझे भी जाकर सो जाना चाहिए। और फिर हम सोंगजी को देखते हैं जो अपने पैर पर लगी हुई चोट को देख रही होती है, और उसे याद आता है कि ये चोट शूजिन के साथ लगी थी जब वो उसके साथ एस्केप रूम में छुप रही थी। और फिर उस पिक्चर को वीचैट पर शूजिन को सेंड करती है, और वो शूजिन से कहती है कि ये चोट मुझे तुम्हारी वजह से लगी है, इसे तुम्हें मेरे साथ कॉम्पेंसेट करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम हाओ को देखते हैं जो अपनी टीम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा होता है। और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ही देर में कुछ बुजुर्ग लोग आ रहे हैं जिन्हें सेफ्टी मेजर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग उनको गाइड करो और उन लोगों को बताओ कि हंगामी सूरत हाल में एक दूसरे की हिफाजत कैसे करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सब लोग इन और पीपल्स के पास खड़े होकर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, और उन्हें सेफ्टी मेजर्स के बारे में बता रहे होते हैं, पर इन लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इसके बाद हम जीजे को देखते हैं जो कि एक ओल्ड मैन को बता रहा होता है कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। पर वो ओल्ड मैन जो कि बहुत ही ऊंचा सुनता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये लड़का क्या कह रहा है। तो जीजे ने चीख चीख कर बता रहा होता है, पर इस बुढ़े को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। तभी वहां पर लिली आकर जीजे से कहती है कि ये तो ऊंचा सुनता है इसलिए इसे समझ नहीं आ रही, पर क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। और फिर वो रुमाल लाकर उस बुढ़े को बताती है कि आपको आग की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वो बुढ़ा कहता है कि हाँ हाँ मुझे समझ आ गई। और इधर हाओ भी इन दो लेडीज को सेफ्टी मेजर्स के बारे में ही बता रहा होता है, और इनमें से एक लेडी हाओ से पूछती है कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है। तो हाओ कहता है कि अभी तो नहीं है, पर बहुत ही जल्द बन जाएगी। और हम जीजे को देखते हैं जिसे एक मैसेज रिसीव हुआ होता है, और वो लिली से पूछता है क्या तुम्हें इस मैसेज के बारे में कुछ पता है। तो लिली कहती है कि मुझे नहीं पता, और कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि सोंगजी को कॉल करके कहता है कि मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ है, अब मुझे पूरा यकीन है कि इस बार का एग्जाम मैं पास कर लूंगा। तो सोंगजी उससे कह रही होती है कि गुड लक। और फिर हम देखते हैं कि लिली अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा होता है, और वो बहुत ही जल्दी में जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो एक पर्सन से टकरा जाता है, और वो जैसे उस पर्सन को देखता है तो वो कहता है कि मिस्टर एक्स। फिर वो कहता है कि मिस्टर टैंग आप यहाँ पर। और ये पर्सन कोई और नहीं है बल्कि सोंगजी का एक्स बॉयफ्रेंड है जो कि इसी कॉलेज में अब प्रोफेसर है। और लिली को पता है कि ये सोंगजी का एक्स बॉयफ्रेंड है और इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। लिली मिस्टर टैंग से कहता है कि मुझे बहुत जल्दी है, वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम जीजे को देखते हैं जो कि हाओ के पास आया होता है, और वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा होता है। तो शूजिन वहाँ पर आकर हाओ से पूछता है कि क्या बात है, ये इतना सैड क्यों है। तो हाओ से कहता है कि ये लिली को लाइक करता है और ये उससे जाकर अपना लव कन्फेस करना चाहता है, पर ये बात करने में बहुत ज्यादा डर रहा है, और ये कुछ टिप्स लेने के लिए मेरे पास आया है ताकि मैं इसे गाइड कर सकूं कि ये किस तरह से लिली को पटा सकता है। और वो शूजिन को तंग करने के लिए उससे कहता है कि पहले मुझे सिर्फ तुम्हें टिप्स देनी
पड़ रही थी, अब तो मुझे जीजू को भी टिप्स देनी पड़ेंगी। लगता है कि मेरा बस यही काम है कि मैं तुम लोगों को टिप्स देता रहूं। और तभी बातों ही बातों में जीजू शुजिन से पूछता है कि बॉस अगर आपकी गर्लफ्रेंड का कोई एक्स बॉयफ्रेंड हुआ तो आप क्या करोगे। तो शुजिन कहता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो भी गया तो क्या हो गया, वो उसका पास्ट है और तुम उसके प्रेजेंट, और फ्यूचर भी वही होता है जो प्रेजेंट होता है, इससे तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। शुजिन की ये बात सुनकर तो ये दोनों उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि अरे वाह। पर हम शुजिन को देखते हैं जिसकी तो हालत खराब हो रही होती है, और वो कहता है कि जीजू जो कह रहा था अगर वो सच हुआ तो फिर। और फिर हवा शुजिन से कहता है कि तुम्हारा और मिस सॉन्गजी का रिलेशनशिप कहां तक पहुंचा, और वो शुजिन से कहता है कि तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आजकल क्या कर रही है। वो कहता है कि उसके वीचैट के मैसेजेस को रोज देखा करो, उसके यूट्यूब चैनल के वीडियोस को भी लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। शुजिन उसकी बात सुनकर कहता है कि हां हां भाई मैं करता हूं। पर वो जैसे वीचैट ओपन करता है तो सामने सॉन्गजी का वही मैसेज दिखता है जिसके अंदर उसने अपनी फोटो सेंड की होती है उस चोट की। तो वो कहता है कि ये चोट से कैसे लगी। हाओ कहता है कि तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और उसे कहता है कि जल्दी से जाओ उसकी चोट पर जाकर मेडिसिन लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जगह लिखी आ जाए। तो शुजिन उससे कहता है कि मुझे तंग करना बंद करो, और ये कहकर वहां से चले जाता है। और फिर शुजिन सीधा आकर सॉन्गजी को अपनी गोदी में उठा लेता है। सॉन्गजी उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। शुजिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी हुई है, इसे तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। और फिर सॉन्गजी के पैर पर मेडिसिन लगाना स्टार्ट कर देता है। सॉन्गजी कहती है कि मुझे बहुत सारे काम है। शुजिन कहता है कि कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे सारे काम मैं कर दूंगा। तभी सॉन्गजी को लिही का एक मैसेज आता है जिसके अंदर तभी सॉन्गजी को एक इनविटेशन मिलता है जो किसी और ने नहीं बल्कि लिही ने भेजा होता है। और उस मैसेज को देखकर सॉन्गजी स्माइल कर रही होती है। तो शुजिन उससे पूछता है क्या बात है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो। तो सॉन्गजी उससे बताती है कि इस वीकेंड मेरे कॉलेज की 20th एनिवर्सरी है, और एक वहां पर एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है, इसलिए मैं इस वीकेंड वहां पर जा रही हूं। और फिर शुजिन से कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो चलो हम दोनों जाकर शॉपिंग करते हैं। और फिर दोनों शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं, जहां पर सॉन्गजी अपने ड्रेस को पसंद कर रही होती है, पर शुजिन को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा होता। और वो सॉन्गजी से कहता है कि ये ड्रेस अच्छा है तो इसे ट्राई करो। और जो सॉन्गजी ड्रेस को पहनकर आती है तो शुजिन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, पर सॉन्गजी को वो ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वो कहती है कि तुम्हारी चॉइस बहुत ही बुरी है, और कहती है कि मैं इस ड्रेस को नहीं पहनूंगी बल्कि मैं वही ड्रेस लूंगी जो मुझे पसंद आया है। और वो जाकर ड्रेस को चेंज करने लग जाती है, और शुजिन इसी बारे में सोच रहा होता है कि सॉन्गजी को मेरी चॉइस पसंद नहीं आई। तभी सॉन्गजी शुजिन को इशारा करते हुए कहती है कि यहां पर आओ। शुजिन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कह रही है। सॉन्गजी कहती है कि तुम क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से आओ। और शुजिन हेजिटेट होते हुए वहां पर चले जाता है। और वो सॉन्गजी से कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो। तो सॉन्गजी कहती है कि मेरी जिप अप करना। और यहां पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। शुजिन सॉन्गजी से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो सॉन्गजी कहती है कि क्या कहना चाहती हो। और उससे पहले कोई एक बार फिर से अपना लव कन्फेस कर पाता, तभी सॉन्गजी को लिही का मैसेज आ जाता है। और शुजिन बोलते बोलते रुक जाता है और कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूं। वो ये कहने के बाद वहां से चले जाता है। और इस मैसेज में लिही से बताता है कि मुझे आज तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर टैंग मिले, जो कि इसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इस मैसेज को देखकर सॉन्गजी कुछ सोचने लग जाती है। और अभी हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज की फंक्शन पर गई होती है, और तभी वहां पर टैंग भी आ जाता है। और ये दोनों जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। टैंग सॉन्गजी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे के बाद देख रहा हूं, और तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो सॉन्गजी उससे कह देती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, और वो कहती है कि मुझे मिस्टर ली से मिलने के लिए जाना है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। पर टैंग जो कि सॉन्गजी का ही पीछा कर रहा होता है, उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। और तभी रास्ते में वो एक बेंच को देखता है। उस बेंच को देखकर वो सोचता है कि कॉलेज टाइम में हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाया करते थे, और कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे। और फिर सॉन्गजी को बुलाते हुए उससे कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो सॉन्गजी उससे कहती है कि नहीं, मैं बस थोड़ी सी बिजी हूँ, इससे मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज के फंक्शन को देख रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और सॉन्गजी से बात करते हुए टैंग को एक फ्लैशबैक याद आता है जब सॉन्गजी अपने कॉलेज के दिनों में एक फंक्शन को देख रही थी, और वहां बैठकर वो टैंग का वेट कर रही थी। पर टैंग जो कि अपने प्रोफेसर के पास जाता है, उसका प्रोफेसर टैंग से कहता है कि तुम्हें हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड का वीजा मिल गया है, और तुम्हें जल्द से जल्द अमेरिका चले जाना चाहिए। टैंग अपने प्रोफेसर की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। पर एकदम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि टैंग का वेट कर रही होती है, और पूरा फंक्शन खत्म हो चुका होता है, और उसके बारे में सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है। और फिर सॉन्गजी टैंग से पूछती है कि तुम अब्रॉड से कब आए, मुझे तो पता ही नहीं था। तो टैंग उससे कहता है कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले, और मैं इसी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो भी सॉन्गजी को मिस्टर लिही का मैसेज आता है जो उससे कहते हैं कि मैं अपने ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। तो सॉन्गजी सोच रही होती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी। टैंग जैसे ही दिखता है तो उसको हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ले जाता है, और फिर से दोनों दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं कि तभी वहां पर मिस्टर लिही का ऑफिस आ जाता है। और सॉन्गजी टैंग से कहती है कि मुझे जाना चाहिए, और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और फिर सॉन्गजी मिस्टर लिही के पास आकर अपने पीएचडी के एडमिशन के बारे में कुछ बात कर रही होती है।
है। मिस्टर लेही उससे कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ और वो कहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी के कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाया। मिस्टर लेही की बात सुनकर सॉन्ग थोड़ी सी सैड हो जाती है। तो मिस्टर लेही से कहते हैं कि तुम सैड मत हो, अगर इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाया तो क्या हो गया, तुम्हें इससे बेहतर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। सॉन्गी जैसे बाहर आती है तो टैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो सॉन्गी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ड्राइविंग सीख ली है और मैं खुद चले जाऊंगी। और ये कहने के बाद वहां से चले जाती है। इसके बाद हम सॉन्गी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सैड होती है और अपने प्रोफेसर मिस्टर लेही की बात के बारे में ही सोच रही होती है, क्योंकि उसका बहुत दिल था कि उसके उसकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए पर उसे एडमिशन नहीं मिला होता। अभी वो इसी बारे में सोच रही होती है कि तभी से शुजर की कॉल आती है जिससे कहता है कि हम बहुत ही जल्द एक विलेज साइट पर रेस्क्यू मिशन के लिए जा रहे हैं और इस मिशन के लिए तुम्हारा नाम भी एंटर है और तुम एज अ डॉक्टर हमारे साथ जा रही हो। और सॉन्गी की आवाज से शुजर को पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा सैड है। तब उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। तो सॉन्गी उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, शायद इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो शुजर उससे कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और कल टाइम पर रेडी हो जाना। नेक्स्ट टाइम हाउ को देखते हैं जो कि शुजर के पास फाइल लेकर आया होता है और उससे कहता है कि इस फाइल में मिस सॉन्गी का नाम भी है। तभी शुजर को गांव की कॉल आती है जो उससे कहती है कि मैं बहुत ही जल्द चाइना वापस आ रही हूँ। वो कहती है क्या तुम मुझे पिक करने के लिए आओगे। तो शुजर उससे कहता है कि मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएगा। और वो गांव से कहता है कि मुझे कुछ काम है और वो फोन बंद करने के बाद वहां से चले जाता है। तो हाउ कहता है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया है, मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद हाउ और शुजर को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ही कुछ बात कर रहे होते हैं और सॉन्गी भी इनकी बातों को सुन रही होती है। इनकी मीटिंग जैसे खत्म होती है तो हाउ सॉन्गी से कुछ बात करने की कोशिश करता है पर सॉन्गी उनको कोई भी बात का जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। तो हाउ शुजर से पूछता है कि क्या बात है, ये परेशान क्यों है। शुजर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ये जब से अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी से आई है पता नहीं क्या सोचती रहती है। और भी ये लोग जैसे वहां से जाने लगते हैं तो हाउ सॉन्गी से कहता है कि तुम हमारी कार में जा सकती हो पर सॉन्गी उन्हें मना कर देती है। और वो कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वैन में ही जाऊंगी। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वैन में युआन सॉन्गी से पूछता है कि हमने सुना है कि कैप्टन शुजर और तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो, क्या ये सच है। और इसी बारे में उसकी फ्रेंड्स भी सॉन्गी से पूछ रही होती हैं और कहती हैं कि हम बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, तुम हमें बताओ क्या तुम कैप्टन शुजर को डेट कर रही हो। और ये सारी बातें हाउ और शुजर युआन के वॉकी टॉकी से सुन रहे होते हैं जो कि उस टाइम ऑन होता है। पर सॉन्गी सबसे कह देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मेरा फ्रेंड है। उसकी बात सुनकर शुजर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर सॉन्गी की फ्रेंड से पूछती है क्या तुम कैप्टन शुजर को लाइक करती हो। उससे पहले कि वो कुछ कह पाती तभी वो युआन से कहती है कि तुम्हारा वॉकी टॉकी ऑन है। तो उसकी बात सुनकर युआन अपने वॉकी टॉकी को ऑफ कर देता है। उधर हाउ शुजर से कहता है कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। पर हम सॉन्गी को देखते हैं जो कि शुजर के बारे में ही सोच रही होती है और वो सोचते हुए स्माइल कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि शुजर अपने ड्राइवर से कह रहा होता है कि आगे का रास्ता बहुत खराब है, इससे तुम सबको गाड़ी को बहुत ध्यान से चलाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। शुजर हाउस से कहता है कि गाड़ी को ध्यान से चलाओ और वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द विलेज पहुंचना होगा और ये वैक्सीनेशन उन विलेज वालों के लिए बहुत जरूरी है। पर हाउस देखता है कि सामने लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड ब्लॉक है, इसलिए अपनी गाड़ी को रोक देता है। तो शुजर उससे पूछता है कि क्या बात है। हाउस कहता है कि आगे रास्ता बंद है और हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो शुजर उससे कहता है कि सारे टीम मेंबर से कह दो कि हम यहाँ से पैदल ही आगे जाएंगे क्योंकि विलेज यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और हम इतना पास आकर हार नहीं मान सकते। तो फिर सब लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि तुम सब लोग रेडी हो जाओ और हर कोई पर्सन अपने साथ वैक्सीनेशन लेगा और हम सब लोग यहाँ से पैदल ही जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये सब लोग रनिंग करते हुए जा रहे होते हैं और तेज बारिश होने की वजह से रास्ता बहुत ही खराब होता है। पर ये सब लोग मुश्किलात का सामना करते हुए उस गाँव में पहुंच जाते हैं जहाँ आकर शुजर उस पर्सन से सॉरी कहता है और कहता है कि रास्ता बंद था इसलिए हमें आने में देरी हो गई। तो पर्सन कहता है कि कोई बात नहीं, आप लोग पूरे टाइम पर आए हो। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ शुजर अपने फ्रेंड्स के साथ सो रहा होता है और वो जैसे बाहर आता है तो उसके पास वही पर्सन आता है जो रात को उससे बात कर रहा था। और उससे शुजर से कहता है कि मैं आपके लिए खाने के लिए चीजें लेकर आया हूँ। और इन फ्रूट्स के लिए शुजर उससे थैंक्स बोलता है। वो पर्सन शुजर से कहता है कि वहाँ पहाड़ पर हमारे गाँव के कुछ लोग रहते हैं जो कि यहाँ नीचे नहीं आते और मैं चाहता हूँ कि आप उनकी वैक्सीनेशन के लिए ऊपर ही जाएं क्योंकि वो नीचे नहीं आएंगे। तो शुजर उससे कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं अपनी टीम के साथ उस पहाड़ पर चले जाऊंगा। और फिर वो पर्सन भी शुजर को थैंक्स बोलकर वहां से चले जाता है। उधर हम सॉन्गी को देखते हैं जो कि अपने लिए पानी डाल रही होती है। उसकी फ्रेंड की जैसी आंख खुलती है तो वो कहती है कि मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है क्या तुम्हारे पास पैड्स हैं। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि नहीं। तो इसी वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और कहती है कि मैं क्या करूंगी। तो सॉन्गी उसे एक मेडिसिन देते हुए कहती है कि इस मेडिसिन को ले लो, तुम बहुत बेटर फील करोगी। पर उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं इस मेडिसिन को नहीं लूंगी, पता नहीं इस मेडिसिन को लेकर क्या होगा। तो सॉन्गी कहती है कि कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं अक्सर इस मेडिसिन को यूज करती हूँ और ये 100% सेफ है। तो सॉन्गी की बात सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है अगर तुम कह रही हो तो मैं ले लूंगी। और तभी डोर नॉक होता है और सॉन्गी जैसे बाहर दिखती है
है तो सामने कोई और नहीं बल्कि शुजिन होता है। शुजिन उससे कहता है कि हमें वैक्सीनेशन के लिए कहीं पर जाना है और वो कहता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। इसके बाद हम सोंगसी को देखते हैं जो कि शुजिन और एक डॉक्टर के साथ उसी माउंटेन पर जा रही होती है लोगों की वैक्सीनेशन करने के लिए। और रास्ते में शुजिन सोंगसी से पूछता है क्या तुम ठीक हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थक चुकी हो। तो सोंगसी से कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। अभी ये लोग जाकर और लोगों की वैक्सीनेशन कर रही होती है तभी एक पर्सन भागते हुए आता है और कहता है कि मेरा बच्चा बेहोश हो गया है। और वो सोंगसी उस बच्चे को देने लग जाती है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। उसकी दादी कह रही होती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। तो शुजिन कहता है कि आप फिक्र मत करें, डॉक्टर इसे देख रही हैं, वैसे कुछ नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी दादी बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उसकी दादी दोनों से थैंक्स बोलती हैं। और तभी वो पर्सन आकर शुजिन से कहता है कि रोड आज भी ब्लॉक है और आप लोगों को एक रात यहाँ पर रोड स्पेंड करनी होगी। तो शुजिन कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग एक रात और यहाँ पर स्पेंड कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि दादी इन दोनों से कह रही होती है कि तुम दोनों कपल हो ना, इसलिए मैं तुम दोनों को एक अलग रूम दे रही हूँ। पर शुजिन उससे कहता है कि दादी आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं ना कि शादीशुदा हैं। तो सोंगसी दादी से कहती है कि आपके पास कोई और रूम नहीं है। तो दादी कहती है कि नहीं मेरे पास सिर्फ एक ही रूम है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि सोंगसी दादी के पास आकर उससे कह रही होती है कि आप मुझे बताएं मैं आपका काम कर देती हूँ। तो दादी उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। और इधर हम शुजिन को देखते हैं जो कि घर के बाकी सारे काम करता है और वो सोंगसी के लिए पानी गर्म करता है ताकि सोंगसी नहा सके। और इधर हम दादी को देखते हैं जो कि सोंगसी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। शुजिन सोंगसी को बताता है कि मैंने पानी गर्म कर दिया है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। पर हम देखते हैं कि सोंगसी जैसे ही नहा रही होती है तो वहाँ पर एक डक्का आ जाती है। इसे देख कर सोंगसी डर जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर जैसे शुजिन वहाँ पर आता है तो अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और वो डक को वहाँ से निकाल देता है। शुजिन के वहाँ से जाने के बाद सोंगसी स्माइल करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सोंगसी जैसे ही नहाकर बाहर आती है तो शुजिन उसे देख कर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सोंगसी कहती है कि तुम्हारे लिए पानी बचा हुआ है, तुम जाकर नहा लो। और फिर शुजिन भी नहाने के बाद सोंगसी के साथ आकर बैठ जाता है। तो सोंगसी उसे देख कर कहती है कि ये कपड़े भी तुम पर बहुत ज्यादा सूट कर रहे हैं। और फिर दोनों दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। सोंगसी शुजिन से कहती है कि गांव की लाइफ कितनी अच्छी होती है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है और यहाँ की हवा भी कितनी साफ है। और वो शुजिन से कहती है कि मेरा बस चले तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रह लूं। शुजिन भी उससे कहता है कि शहर की लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट होती है और यही वजह है कि तुम्हें गाँव उतना अच्छा लग रहा है। फिर वो सोंगसी से पूछता है कि क्या बात थी, तुम थोड़ी सी परेशान लग रही थी और जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो तुम मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। सोंगसी उसे बताती है कि मैं अपने प्रोफेसर मिस्टर ली से मिलने के लिए गई थी और मैंने उन्हें अपने एक एडमिशन के लिए कहा था पर मेरा एडमिशन नहीं हुआ, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा सैड थी। तो शुजिन उससे कहता है कि तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए। और वह कहता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी लिखा होता है वो हमें मिलकर रहता है। और वह कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा हो। और जब ये दोनों दादी के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और शुजिन देखता है कि ऊपर से पानी गिर रहा है। तो वो दादी से कहता है कि ऊपर से पानी क्यों गिर रहा है। दादी कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, मेरा कोई भी बेटा नहीं है जो मेरे घर को ठीक कर सके। तो शुजिन कहता है कि आप परेशान मत हो, बारिश जैसे ही रुकेगी तो मैं आपकी छत को ठीक कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शुजिन दादी की छत को ठीक कर रहा होता है और सोंगसी उसकी हेल्प कर रही होती है। और शुजिन जैसे नीचे आता है तो ऊपर से एक टाइल शुजिन के ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से शुजिन को चोट लग जाती है। और सोंगसी उसे देखकर कहती है कि तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। शुजिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम मुझे हमेशा हॉस्पिटल जाने के लिए क्यों कहती रहती हो। पर सोंगसी उसकी कोई बात नहीं मानती है और कहती है कि मैंने कहा ना तुम्हें जाना होगा तो मतलब जाना होगा। और फिर शुजिन को अपने साथ हॉस्पिटल ले आती है जहाँ शुजिन जैसे देखता है कि उसे इंजेक्शन लगने वाला है तो उसकी तो हालत खराब हो जाती है। और वो सोंगसी से कहता है कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। सोंगसी उससे कहती है कि कुछ नहीं होगा, तुम बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो। पर शुजिन कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं नहीं लगाऊंगा तो मतलब नहीं लगाऊंगा। और नर्स भी शुजिन से कहती है कि सर आप इतने ब्रेव हो, आपको एक सिरिंज से डरना नहीं चाहिए। तो शुजिन कहता है कि मैं डर नहीं रहा, बस मैंने कहा ना कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा। तभी वहां पर हवा आ जाता है जो ये कहने वाला होता है कि तुम्हें तो सिरिंज से डर लगता है। पर वो जैसे ही शुजिन को देखता है तो वो चुप हो जाता है। और फिर हवा इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ, मुझे मिस्टर शुजिन से कुछ बात करनी है। और फिर शुजिन हवा को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या कहने वाले थे, तुम्हें नजर भी आ रहा है कि सोंगसी यहाँ पर है। पर फिर हम देखते हैं कि सोंगसी खुद इंजेक्शन लेकर आ जाती है। अब हवा से कहती है कि यहाँ से जरा बाहर जाना। और वो शुजिन से कहती है कि तुम्हें इंजेक्शन से डर लग रहा है। तो वो उसे कह देता है कि हाँ मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। सोंगसी कहती है कि तुम इंजेक्शन लगा लो, इसके बदले में मैं तुम्हें किस करूंगी। उसकी बात सुनकर शुजिन कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। और जब सोंगसी शुजिन को इंजेक्शन लगा रही होती है तो हवा और ज़ाओली उन दोनों को बड़े गौर से देख रही होती हैं। और सोंगसी जैसे शुजिन को इंजेक्शन लगाती है तो शुजिन चिल्लाना शुरू कर देता है। तो सोंगसी उससे कहती है कि बस भी करो, तुम क्या बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो। इंजेक्शन लगाने के बाद सोंगसी वहां से जाने लगती है तो शुजिन उससे कहता है कि तुम कुछ बोल रही हो। और वो कहता है कि तुम्हें मुझे किस करना था। सोंगसी कहती है कि मैं तो झूठ बोल रही थी। और ये कहने के बाद वहां से चले जाती है।
और इधर हम हाओ को देखते हैं जिसने ज़ाओली के शोल्डर पर हाथ रखा होता है, जिसकी वजह से ज़ाओली बहुत नर्वस हो रही होती है और वो घबराते हुए नीचे गिरने वाली होती है। पर हाओ उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो भी ज़ाओली के साथ उसके ऊपर गिर जाता है। और ये दोनों जैसे इन दोनों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं। और शोजिन और सांगजी को अपने सामने देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा एम्बेरस होते हैं। इसके बाद हम शोजिन को देखते हैं जो कि सांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, पर सांगजी उससे कहती है कि मैं ज़ाओली के साथ चले जाऊंगी। तो हाओ से इशारा करवाते हुए कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और ज़ाओली को अपने साथ वहां से ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाओली और हाओ एक दूसरे के साथ घर जा रहे होते हैं। रास्ते में हाओ ज़ाओली से पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो ज़ाओली से कहती है कि अब तो नहीं हूँ पहले थी। तो हाओ से पूछता है कि पहले क्यों थी। ज़ाओली कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम्हारी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है। तो हाओ उसे साफ साफ कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर हाओ ज़ाओली से उसकी शॉप के बारे में पूछना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी शॉप में किस किस तरह के ड्रेसेस होते हैं। और ज़ाओली से अपनी शॉप के बारे में बताना शुरू कर देती है और उसे अपना लिंक सेंड करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज ऑर्डर करनी होगी तो मेरे इस लिंक से कर लेना, तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। पर फिर हम देखते हैं कि हाओ ज़ाओली के क्लोज आ जाता है। तो ज़ाओली से कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। हाओ कहता है कि तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ और गाड़ी चलाते हुए सेफ्टी बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें सीट बेल्ट लगाना चाहिए। तो ज़ाओली खुद से कहती है कि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। और इधर हम शोजिन को देखते हैं जो सांगजी को छोड़ने के लिए आया होता है, पर सांगजी रास्ते में सो चुकी होती है। उसकी जैसी आंख खुलती है तो शोजिन कहता है कि हम पहुंच चुके हैं। सांगजी कहती है कि तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूँ और तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। और ऊपर आने के बाद सांगजी शोजिन से कहती है कि तुम मेरा वेट करो, मैं जाकर मेडिसिन लेकर आती हूँ। पर वो जैसे मेडिसिन लेकर आती है तो वो देखती है कि शोजिन सो चुका है, तो उसके पास बैठकर कहती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। पर हम देखते हैं कि शोजिन तो सोया ही नहीं होता बल्कि ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है कि जैसे वो सो चुका हो। और अभी वो सांगजी की गोदी में अपना सर रखकर सो जाता है। तो सांगजी से साइड करके वहां से जाने लगती है तो शोजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। सांगजी कहती है कि पहले मेडिसिन खाओ। और जब वो मेडिसिन खा लेता है तो वो सांगजी को दिख रहा होता है। सांगजी कहती है अगर तुम्हें कोई बात नहीं करनी तो मैं जा रही हूँ। तो शोजिन उससे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक लड़की को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, पर वो उससे अपने प्यार का इजहार करने में डर रहा है, तो तुम मुझे बताओ कि उससे जाकर आई लव यू कैसे बोले। और साथ ही साथ वो उससे पूछता है कि लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद आते हैं। तो सांगजी कहती है कि लड़कियों को हमेशा रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग लड़के पसंद आते हैं। और जहां तक बात रही आई लव यू बोलने की, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। पर वो जैसे ही देखती है तो शोजिन तो सो चुका होता है, तो उसे सोफे पर सुला कर वहां से चले जाती है। हम प्रोफेसर टैंक को देखते हैं जिसके पास उसका फ्रेंड आकर उससे बताता है कि मुझे ये लेटर्स लाइब्रेरियन ने दिए हैं। और टैंक जैसे उस लेटर को खोलता है तो उसके अंदर उसकी और सांगजी की फोटो होती है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, तो टैंक उससे कहता है कि गर्लफ्रेंड है नहीं बल्कि 3। वो कहता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, पर हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था क्योंकि मैं हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गया था, उसके बाद मेरी कभी सॉन्ग से बात नहीं हुई। इधर हम शोजिन को देखते हैं जिसकी जैसी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सांगजी उसके लिए खाना बना रही है। तो वो सांगजी के पास आकर उससे कहता है कि तुम रेस्ट करो, ब्रेकफास्ट मैं बना लूंगा। और फिर जब शोजिन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो सांगजी बड़े ही मजे से उसे देख रही होती है। और फिर दोनों बैठ कर खाना खा रहे होते हैं। सांगजी शोजिन से कहती है कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही मजे का है। तो शोजिन कहता है कि अगर तुम्हें ये खाना इतना ही ज्यादा पसंद आ रहा है तो अगर तुम चाहो तो मैं हर रोज तुम्हारे घर आकर तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। सांगजी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो और तुम्हारा तो यही प्लान है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर पर रह लो। पर फिर वो शोजिन से कह रही है कि तुम लेट हो रहे होगे और उसे जबरदस्ती अपने घर से बाहर निकाल देती है। और फिर शोजिन को हाओ की कॉल आती है जो उससे कहता है कि अभी थोड़ी देर में हमारी एक मीटिंग है और कहता है कि जल्दी से ऑफिस में आओ। और फिर हम लोग शोजिन के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ ये लोग अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर हम गाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही स्टाइल में शोजिन के ऑफिस में एंट्री करती है। शोजिन की कुलीग उससे पूछती है कि आपको किससे मिलना है, तो गाओ कहती है कि कैप्टन शोजिन से। और फिर शोजिन को कॉल आती है कि मिस गाओ आपसे मिलने के लिए आई हैं। ये बात सुनकर तो शोजिन एकदम शॉक रह जाता है और हाओ से पूछता है कि मैं क्या करूंगा, गाओ मुझसे मिलने के लिए आ रही है। पर हाओ बेचारे की तो अपनी हालत खराब होती है और वो शोजिन से कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अगर गाओ यहाँ पर आ गई तो मुझे छोड़ेगी नहीं और वैसे भी वो हमेशा मुझसे फाइट करती रहती है, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर गाओ आ जाती है जो इन दोनों से कहती है कि गाइस तुम दोनों कैसे हो। पर तभी वो शोजिन के क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है, पर हाओ से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और वो जैसे तैसे करके गाओ को वहां से ले जाता है। अगले सीन में हम सांगजी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड ज़ाओली से कल रात के बारे में ही बात कर रही होती है और वो कहती है कि शोजिन को बुखार था इसलिए वो कल रात को मेरे ही घर में रुका था। अभी वो ये बात कर रही होती है तभी उसे अपनी एक इयरिंग मिलती है और अपनी दूसरी इयरिंग को ढूंढना शुरू कर देती है, पर उसे नहीं मिल रही होती। और हम देखते हैं कि उसकी दूसरी इयरिंग शोजिन के पास होती है और वो उस इयरिंग को देखकर कहता है कि मेरे पास कैसे आई। फिर वो कहता है कि हो सकता है कि गलती से मेरी जैकेट में रह गई हो। और फिर हाओ भी शोजिन के पास
पास आकर इस ईयरिंग के बारे में ही पूछ रहा होता है। तो शिवजिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कैसे आई, कल रात को मैं सोंगजी के साथ था तो हो सकता है कि मेरे पास रह गई हो। तो फिर शिवजिन हाउस से कहता है कि मुझे ये ईयरिंग सोंगजी को वापस कर देनी चाहिए, पर हाउस से रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ये एक चांस है सोंगजी से मिलने का, तुम्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए। और वो कहता है कि सोंगजी से बोलो कि मेरे पास तुम्हारी ईयरिंग है और मैं तुम्हें तभी वापस करूंगा जब तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। और शिवजिन को भी हाउ का ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो कहता है कि ठीक है। और फिर वो सोंगजी को फोटो सेंड करते हुए कहता है कि तुम्हारी ईयरिंग मेरे पास है, और उससे पूछता है क्या तुम आज रात को मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो सोंगजी उससे कहती है कि ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तभी सोंगजी को पता चलता है कि मिस्टर टैंग एक बिजनेस क्लास कर रहे हैं और ज़ाओली को इस बारे में बताकर वहाँ से चले जाती है। इधर मिस्टर टैंग को देखते हैं जो कि अपनी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर सोंगजी भी आ जाती है और सोंगजी को देख लेते हैं। और फिर उन्हें स्टूडेंट से कहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, और फिर वो सोंगजी को पॉइंट करते हुए कहता है कि आपका कोई सवाल है। सोंगजी जो कि बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रही होती है, फिर वो प्रोफेसर टैंग से मार्केटिंग के बारे में एक क्वेश्चन पूछती है और मिस्टर टैंग उस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद टैंग सोंगजी के पास आकर उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, पर सोंगजी उसे मना कर रही होती है, पर टैंग उसे फोर्स करता है। तो सोंगजी कहती है कि ठीक है आप मुझे ड्रॉप कर दो। रास्ते में टैंग सोंगजी को वो लेटर्स देता है जो कि उसके फ्रेंड ने उसे दिए थे, और जब सोंगजी उस फोटो को दिखती है तो अपने और टैंग के कॉलेज के दिनों को याद करना शुरू कर देती है। और फिर दोनों दूसरे के साथ अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। टैंग सोंगजी से कहता है क्या तुम आज रात को मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो सोंगजी सोचती है कितने सालों के बाद हम दोनों मिले हैं, मुझे इसे मना नहीं करना चाहिए। वो टैंग से कहती है कि ठीक है मैं आज रात को तुम्हारे साथ डिनर पर चले जाऊंगी। और फिर शिवजिन को मैसेज करते हुए कहती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं आज रात को तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती। शिवजिन को उसका ये मैसेज देखकर बहुत बुरा लगता है, पर वो उससे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं तुम अपना काम कर लो। अभी शिवजिन इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर गाँव आ जाती है। शिवजिन गाँव को देखकर उससे कहता है कि तुम अभी कुछ देर पहले यहाँ से गई थी, अब क्या लेने के लिए आई हो। तो गाँव कहती है कि मैं अपना पर्स भूल गई थी। और वो शिवजिन से कहती है क्या तुम आज रात को फ्री हो तो क्यों ना हम दोनों डिनर पर चले। शिवजिन कहता है कि ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो मैं चले जाऊंगा। पर हम देखते हैं कि ये दोनों जैसे रेस्टोरेंट आते हैं तो वो सामने सोंगजी और टैंग को देखते हैं। सोंगजी जैसे शिवजिन को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की शिवजिन की गर्लफ्रेंड है, पर शिवजिन उसे बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरे बचपन की फ्रेंड है, तुम ऐसा समझ लो कि मेरी सिस्टर है। पर गाँव शिवजिन के क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है, इसे देखकर सोंगजी जेलस हो रही होती है। और फिर शिवजिन सोंगजी से पूछता है कि लड़का कौन है। सोंगजी कहती है कि मेरा फ्रेंड है। और टैंग जैसे शिवजिन से हैंडशेक करने वाला होता है तो सोंगजी से कहती है कि मेरा फ्रेंड नहीं बल्कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो शिवजिन उससे अपना हैंडशेक नहीं करता, पर सोंगजी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। और तभी वो गाँव से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर गाँव कहती है कि नहीं हम दोनों नहीं जाएंगे। और फिर सोंगजी के फोर्स करने पर ये चारों एक दूसरे के साथ खाना बैठकर खाते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। शिवजिन कहता है कि सोंगजी ने मुझसे झूठ बोला, और सोंगजी ये सोच रही होती है कि शिवजिन की एक गर्लफ्रेंड है, उसने मुझे बताया नहीं। और भी खाना खाते टाइम टैंग सोंगजी की हेल्प कर रहा होता है, इसे देखकर शिवजिन जेलस हो रहा होता है। तो वो भी सोंगजी को जेलस फील करवाने के लिए टैंग अपने हाथों से खाना खाना शुरू कर देता है, और इसी जेलसी की वजह से सोंगजी शिवजिन को मार रही होती है। तो शिवजिन गाँव से कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो। और भी खाना खाने के बाद सोंगजी जैसे वहां से जाने लगती है तो शिवजिन उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर सोंगजी टैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ये कहने के बाद वहां से चले जाती है। शिवजिन को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ज्यादा जेलस होता है। तो गाँव शिवजिन से कहती है कि चलो हम दोनों भी चलते हैं, पर हम देखते हैं कि शिवजिन गाँव को टैक्सी में बिठा कर वहां से चले जाता है, जिसकी वजह से गाँव सैड हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और फिर हाउ कॉल करती है, उससे पूछती है कि सोंगजी कौन है। हाउ उसे बताता है कि शिवजिन और सोंगजी एक ब्लाइंड डेट में मिले थे और अब ये दोनों एक दूसरे के टीममेट्स हैं। और वो गाँव को बताता है कि जब भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में हमें डॉक्टर की जरूरत होती है तो सोंगजी हमारे साथ जाया करती है। और वो हाउस से पूछती है क्या सोंगजी शिवजिन की गर्लफ्रेंड है, तो हाउस से कहता है कि हाँ तुम ऐसा ही समझ लो। हाउ की बात सुनकर गाँव को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा जेलस होती है। गाँव के इस बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो शिवजिन को बहुत ज्यादा लाइक करती है और वो इतनी आसानी से शिवजिन को छोड़ने वालों में से नहीं है। इधर सोंगजी जैसे अपनी शॉप से बाहर आती है तो तभी वहां पर शिवजिन आ जाता है, जो सोंगजी को पकड़ते हुए उससे कहता है कि तू मेरी बात सुने बगैर वहां से क्यों चले गई। और वो सोंगजी से पूछता है कि वो टैंग तुम्हारा क्या लगता है। सोंगजी उससे कहती है कि तो मुझे प्रोफेसर टैंग के साथ देखकर जेलस हो रहे थे। तो शिवजिन उससे कह देता है कि हाँ मैं तुम इसके साथ देखकर जेलस हो रहा था। और फिर फाइनली वो सोंगजी से कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और इससे पहले कि वो उससे कुछ और कह सकता, सोंगजी उससे रोकते हुए कहती है कि मुझे अब इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी, तुम मेरे फ्रेंड हो या फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। नेक्स्ट डे हम लीही को देखते हैं जो कि सोंगजी के पास आकर उससे कह रहा होता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो सोंगजी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें पूरे एक दिन के लिए
मेरी शॉप में काम करना होगा क्योंकि मुझे आज एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। तो ये कहने के बाद वहाँ से चले जाती है और बेचारे लीही के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसकी शॉप में रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गाओ सोंगजी की शॉप में आती है। लीही से देखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। गाओ से बताती है कि मैं कैप्टन शूजिन की फ्रेंड हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे सोंगजी और शूजिन के बारे में कुछ पूछने के लिए आई हूँ। लीही उससे कहता है कि तुम मुझसे जो भी पूछना चाहती हो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, पर हर एक सवाल के बदले तुम्हें इस शॉप में से कोई एक चीज खरीदनी होगी। तो गाओ कह देती है कि ठीक है। और फिर वो लीही से सोंगजी और शूजिन के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। तो लीही उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ खास पता नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि सोंगजी शूजिन की टीममेट है। और फिर गाओ उससे पूछती है कि मिस्टर टैंग कौन है। तो लीही उसे बताता है कि वो मेरे प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ सोंगजी के फ्रेंड भी। गाओ उससे पूछती है टैंग क्या सोंगजी का बॉयफ्रेंड है। तो उससे कहता है कि नहीं, वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। और लीही ऐसे ही दो तीन सवालों के जवाब देने के बाद गाओ उससे कहता है कि मुझे पैसे ट्रांसफर करो। और फिर जब सोंगजी और जाओली वापिस आती है तो लीही से पूछती है कि सारा सामान कहाँ गया। लीही उससे कहता है कि मैंने सारा सामान सेल कर दिया है। उसकी बात सुनकर जाओली और सोंगजी बहुत ज्यादा हैरान होती है। उससे पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी ये सारा सामान सेल कैसे कर लिया। तो लीही कहता है कि मैं बहुत ज्यादा जीनियस हूँ बस इसलिए। और कुछ भी बताए बगैर वहाँ से चले जाता है। और जाओली सोंगजी को अपना बैलेंस दिखाते हुए कहती है कि लीही बिल्कुल सच बोल रहा था, उसने सारा सामान सेल कर दिया है। और सोंगजी भी खुद से कहती है कि अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना स्मार्ट है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बैठकर एक क्लाइंट के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी सोंगजी को टैंक का मैसेज आता है और वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम जैसे फ्री होगी तो मुझे बता देना। तो सोंगजी उसे रिप्लाई करते हुए कहती है कि ठीक है, अभी मैं काम कर रही हूँ, फ्री होने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। और फिर जाओली सोंगजी से कहती है कि मुझे एक जापान का क्लाइंट मिला है और उसकी लैंग्वेज जापानीज है, उससे बात करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। और वो सोंगजी से कहती है कि अगर हमें उसके साथ अपनी डील को पक्का करना है तो हमें जल्द से जल्द एक ट्रांसलेटर को ढूंढना होगा जिसे जापानीज आती हो। तो सोंगजी से कहती है कि ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। और इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि प्रोफेसर टैंग की प्रोफाइल को पढ़ रहे होते हैं, वो उसके बारे में जान रहे होते हैं कि आजकल क्या करता है। और उसकी प्रोफाइल से इन दोनों को पता चलता है कि ये कुछ ही दिनों पहले अमेरिका से वापस आया है और आजकल ये सोंगजी की यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर है। शूजिन हाउस से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सोंगजी का पहले से कोई बॉयफ्रेंड होगा। हाउस से कहता है कि अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी तो क्या हो गया, तुमने खुद तो कहा था कि अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ भी तो उसका पास्ट है, तुम उसके प्रेजेंट हो। और फिर वो शूजिन को मोटिवेट करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मिस्टर टैंक को अपने सामने देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो तुम कर रहे हो तुम्हें वो करते रहना चाहिए। मतलब ये कि तुम सोंगजी को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो, अब मुझे पूरा यकीन है तुम इस प्लान में कामयाब जरूर हो जाओगे। और वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द सोंगजी को आई लव यू बोल देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। और तुम्हें पता है कि मिस्टर टैंग सोंगजी के एक्स बॉयफ्रेंड हैं और कहीं ऐसा ना हो कि उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। तभी वहां पर जो आता है जो हाउस से कहता है कि आज रात को एक पार्टी है और उसे वहां से ले जाता है। उनके वहां से जाने के बाद शूजिन टैंग की फोटो को देखते हुए कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जैसा तुम करने के बारे में सोच रहे हो। इधर हम सोंगजी को देखते हैं जो कि जाओली से कह रही होती है कि रात काफी हो गई है, तुम थक चुकी होगी, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। पर जाओली तो घर जाने के लिए मान नहीं रही होती, पर सोंगजी के फोर्स करने पर वो वहां से चली जाती है। पर जैसे घर पहुंचकर अपने किचन में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके किचन का पाइप लीक कर रहा है। और फिर वीचैट पर पोस्ट लगाते हुए कहती है कि मुझे इस टाइम एक प्लंबर की जरूरत है, क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है। और जैसे उसकी पोस्ट दिखता है तो वो कहता है कि मेरे जाने का टाइम हो गया है। और वो सीधा जाओली की हेल्प करने के लिए उसके घर आ जाता है। जाओली से कहती है कि मैं तुम्हें आने के लिए नहीं कहा था, तुम क्यों आए हो। और कहता है कि तुमने पोस्ट लगाया था और मैंने उस पोस्ट को देख लिया, इसे मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊं। पर हम देखते हैं कि हाउ तो पाइप को ठीक करने के बजाय मजीद खराब कर देता है और सारा पानी जाओली के ऊपर गिर रहा होता है। और जाओली जैसे हाउ की हेल्प करने वाली होती है तो उसके ऊपर ही गिर जाती है और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाती है। जाओली हाउ से कहती है कि अब उठो भी, तुम मुझे देख क्यों रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि जाओली को वेट होने की वजह से बुखार हो जाता है और वो हाउ को डांट रही होती है कि मुझे तो ये था कि तुम यहाँ आकर मेरे काम को ठीक करोगे, पर तुमने यहाँ आकर सारा काम खराब कर दिया है। और वो ये कहते हुए बार बार छींक रही होती है। तो हाउ से कहता है कि तुम बीमार हो, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। और भी उसे बेड पर लेटाने के बाद उससे कहता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ। और फिर हाउ जाकर उसके लिए सूप बनाता है। पर वो जैसे सूप लेकर आता है तो जाओली उससे कहती है कि ये तो बहुत ही कड़वा है। और वो हाउ से कहती है कि सूप के अंदर इतना ज्यादा जिंजर कोल्ड डालता है। तो हाउ कहता है कि मुझे आइडिया नहीं था इसलिए मैंने ज्यादा डाल दिया। फिर वो कहता है कि तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ। और वो जैसे जाओली के लिए गर्म पानी लेकर आता है तो जाओली कहती है कि इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा नमक है, जिसकी वजह से जाओली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और वो हाउ को डांटते हुए कहती है
है कि तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो। वो कहती है कि प्लीज यहाँ से जाओ। और हाउ को वहाँ से बाहर निकालने के बाद वो देखती है कि हाउ उसके लिए मेडिसिन लेकर आया था, जिसे देखकर वो खुद से कहती है कि मुझे हाउ को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो मेरी केयर ही कर रहा था, ना कि मुझे तंग कर रहा था। नेक्स्ट टाइम सॉन्गजी को देखते हैं, जिसकी जैसी आंख खुलती है तो वो जॉली को मैसेज करते हुए उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो जॉली उससे कहती है कि हाँ, कल रात को मुझे बुखार था पर अब मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। और फिर जॉली उससे कहती है कि तुम रेडी होकर ऑफिस में पहुंचो, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। इसके बाद हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि प्रोफेसर टैंग से एक जापानीज ट्रांसलेटर के बारे में बात करने के लिए आई होती है। प्रोफेसर टैंग कहते हैं कि मेरे पास एक पर्सन है जो कि तुम्हारे लिए ये काम कर सकता है, उसे चाइनीज के साथ साथ जापानीज भी आती है। पर सॉन्गजी उससे कहती है कि मुझे इस जॉब की अब कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक ट्रांसलेटर मिल गया है और वो ट्रांसलेटर कोई और नहीं बल्कि शूजिन है, कि उसे भी जापानीज आती है। उसी बारे में बात करने के बाद वो टैंग से कहती है कि मुझे कुछ काम है, और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। पर हम मिस्टर टैंग को देखते हैं जो कि शूजिन के बारे में ही सोच रहा होता है और खुद से कहता है कि मेरे और सॉन्गजी के बीच में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ शूजिन है। पर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि शूजिन के पास आकर से कहती है कि मुझे आने में देरी हो गई, इसलिए वो शूजिन से सॉरी बोल रही होती है। पर शूजिन कहता है कि कोई बात नहीं, और वो कहता है कि चलो हम दोनों जाकर तुम्हारे क्लाइंट से बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्गजी अपने जापानीज क्लाइंट से बात कर रही होती है और शूजिन से ट्रांसलेट करके बता रहा होता है। क्लाइंट से बात खत्म होने के बाद शूजिन सॉन्गजी से कहता है कि कल रात को हाउ पार्टी में गया हुआ था। पर सॉन्गजी से कहती है कि वो पार्टी में नहीं था, बल्कि वो जॉली की हेल्प करने के लिए गया था, और कल रात को वो जॉली के साथ ही था। सॉन्गजी की ये बात सुनकर शूजिन कहता है कि पर हाउ ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और फिर वो सॉन्गजी से बात करते हुए इसके क्लोज आ जाता है, और जैसे उसे किस करने वाला होता है तो तभी वहां पर वही डॉग आ जाता है जिसकी इन दोनों ने हेल्प की थी। उस डॉग को देखकर शूजिन कहता है कि तुम्हारे पास कहां से आया। सॉन्गजी कहती है कि मुझे उस बच्ची ने दिया था, और मैंने उस बच्ची से ये डॉग 2 दिन के लिए लिया हुआ है ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। शूजिन सॉन्गजी से कहता है कि ये तो वही पपी है जिसकी हम दोनों ने जान बचाई थी। और यहाँ पर सॉन्गजी को पता चलता है कि शूजिन वही है जिसने इस डॉग की जान बचाई थी, और इसी वजह से वो शूजिन से बहुत ज्यादा खुश होती है। और वो उससे कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम एक डॉग के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हो। और फिर सॉन्गजी शूजिन से कहती है कि तुमने पहले मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। शूजिन कहता है कि मैं ब्लाइंड डेट पर तुम्हें बताने वाला था, पर तुम्हारा गुस्सा देखकर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और वो सॉन्गजी से कहता है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम ब्लाइंड डेट पर नहीं बल्कि उसी दिन देखा था जब तुमने डॉग के लिए अपनी रिबन उतारी थी। और वो कहता है कि तुम उस दिन बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। और उसके बाद वो सॉन्गजी को अपना लव कन्फेस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और ये कहने के बाद सॉन्गजी को किस कर लेता है। नेक्स्ट टाइम शूजिन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर जा रहा होता है, और जब ये लोग स्टे करते हैं तो हम देखते हैं कि एक बच्चा गाड़ी में फंसा हुआ है। इधर हाउ शूजिन से कहता है क्या तुमने सॉन्गजी से अपना लव कन्फेस किया। तो शूजिन कहता है कि हाँ मैंने कर दिया है, और मैंने कल से किस भी की थी। और फिर वो हाउ से जॉली के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हाउ से कहता है कि मैं उसकी हेल्प करने के लिए गया था और हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तभी जीजू आकर इन दोनों से कहता है कि गाड़ी में एक बच्चा फंसा हुआ है, हमें जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। शूजिन और हाउ जैसे उस बच्चे को आकर देखते हैं तो वो बेहोश होता है। और फिर दोनों गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद उस बच्चे की जान को बचा लेते हैं। तभी वहां पर इस बच्चे की मॉम भी आ जाती है, जो इन दोनों को अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। और फिर ये तीनों इस बच्चे को खुश करने के लिए फोटो खिंचवाते हैं। इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि उस डॉग को उस बच्ची को वापस करने के लिए आई होती है। तभी उसे उसकी मॉम डैड की कॉल आती है जो कहते हैं कि तुम कितने दिनों से घर नहीं आई, और वो कहते हैं कि जल्दी से घर आओ। सॉन्गजी जैसे घर आती है तो वो गैराज में टैंक की गाड़ी को देखती है और सोचती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो जैसे अंदर आती है तो टैंक उससे कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिल लूं। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्गजी अपने डैड से पूछ रही होती है कि टैंक आपका फेवरेट स्टूडेंट था, और वो कहती है कि अगर हम दोनों पानी में गिर जाएं तो आप सबसे पहले किसे बचाएंगे। उसके डैड कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हें, क्योंकि टैंक को तैरना आता है, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो तुम डूब जाओगी। तभी वहां पर सॉन्गजी की मॉम आकर टैंक से कहती है कि हमारे साथ आकर खाना खा लो। और वो ये सारे बैठ कर खाना खा रहे होते हैं, जहां बातों ही बातों में सॉन्गजी की मॉम टैंक से कहती है क्या तुम सिंगल हो। तो टैंक उनसे कहता है कि जी आंटी मैं सिंगल हूँ। उसकी ये बात सुनकर सॉन्गजी की मॉम कहती है कि सॉन्गजी भी सिंगल है। और फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दोनों की शादी की बात करने की कोशिश करती है, पर सॉन्गजी जो कि उनकी बातों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है, वो अपनी मॉम को रोकते हुए कहती है कि प्लीज बस करें। ये कहने के बाद वो वहां से चले जाती है। और फिर बाहर आने के बाद सॉन्गजी टैंक से कहती है कि तुम प्लीज मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानना। तो टैंक से कहता है कि मैं उनकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। और फिर वो सॉन्गजी को कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। पर सॉन्गजी उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी लेकर आई हूँ और मैं खुद चली जाऊंगी। और ये कहने के बाद वहां से चले जाती है। इसके बाद हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि जॉली को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी
तबीयत कैसी है? ज़ोली उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत ही जल्द ऑफिस आ जाऊंगी। इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अपनी उसी न्यूज को देख रहे होते हैं जिस दिन इन दोनों ने उस बच्चे की जान बचाई थी और उस न्यूज को एक न्यूज पेपर ने पब्लिश किया होता है। और यहाँ ये दोनों बैठ कर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं तभी शोजिन हाओ के सामने सोंगजी को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। सोंगजी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शोजिन पूछता है क्या तुम फ्री हो, तो सोंगजी कहती है कि नहीं मैं इस टाइम ऑफिस में हूँ और काम कर रही हूँ। शोजिन कहता है क्या तुम रात को फ्री हो, क्यों ना हम दोनों एक साथ डिनर करें। तो सोंगजी उससे कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बता दूंगी। और फिर इन दोनों को देखते हैं जहाँ शोजिन सोंगजी को देख रहा होता है तो सोंगजी उससे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। शोजिन कहता है कि हाँ मुझसे कुछ कह रहा था। तो सोंगजी कहती है कि क्या कह रहा था। शोजिन कहता है कि हाँ मुझसे पूछ रहा था कि हम दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा है और क्या तुम मुझे लाइक करती भी हो या फिर नहीं। सोंगजी शोजिन की ये बात सुनकर खुद से कहती है कितनी रोमांटिक डेट पर ये किस तरह की बात कर रहा है। और फिर वो शोजिन को तंग करने के लिए उससे कहती है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो शोजिन उससे पूछता है कि कितना टाइम, पर सोंगजी उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाती है। तभी शोजिन को दरवाजे की आवाज आती है। वो जैसे बाहर जाता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि गाँव होती है जो कि इस टाइम ड्रंक होती है और वो अंदर आकर बहुत ज्यादा तमाशा करती है। और शोजिन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई हुई है और कहती है कि वो किधर है, मुझे इससे बात करनी है। और ये कहते हुए सोंगजी को आवाज दे रही होती है तभी वहाँ पर सोंगजी भी आ जाती है जो जैसे गाँव को शोजिन के क्लोज देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और उससे ऐसा लगता है कि शायद दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी वजह से वो शोजिन से नाराज होकर वहाँ से चले जाती है। शोजिन उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। इधर हम मिस्टर टैंक को देखते हैं जिससे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे कहता है कि कल मैं एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरे साथ वहाँ पर जाओ। और जब टैंक उस कंपनी के नाम को देखता है तो वो कंपनी की ओर की नहीं बल्कि सोंगजी की होती है। नेक्स्ट टाइम सोंगजी और ज़ोली को देखते हैं जो कि टैंक की फ्रेंड की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आई होती है। और फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ सोंगजी अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद टैंक जैसे बाहर आता है तो सामने शोजिन को देखता है। शोजिन टैंक से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टैंक कहता है कि ये कंपनी मेरे फ्रेंड की है और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। शोजिन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सोंगजी को लेने के लिए आया हूँ और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर सोंगजी भी आ जाती है जो टैंक से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। शोजिन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पर टैंक भी उसकी कोई बात नहीं सुनती और नाराज होकर वहाँ से चले जाती है। और शोजिन उसके पीछे चले जाता है जहाँ जाकर वो सोंगजी से स्टोरी बोलता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी फ्रेंड है। पहले तो सोंगजी बहुत ज्यादा नखरे कर रही होती है पर शोजिन उससे मना ही लेता है। इधर हम ज़ोली को देखते हैं जो कि थोड़ी सी परेशान होती है और वो कहती है कि अभी तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मैसेज क्यों नहीं आया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुआ भी है या फिर नहीं। तभी उन्हें ईमेल आता है और उन्हें पता चलता है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया है जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। इधर हम टैंक को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है कि तुमने सोंगजी की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया। तो टैंक का फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने बहुत सारी कंपनीज की प्रेजेंटेशन देखी है पर मुझे मिस सोंगजी की प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी लगी और इसी वजह से मैंने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये बात सुनकर टैंक भी इससे कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हें मिस सोंगजी की कंपनी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। इधर हम सोंगजी और ज़ोली को देखते हैं जो कि एक लड़की की फोटोज को देख रही होती है जिसका नाम रीना है जो कि एक बहुत ही फेमस मॉडल है और ये दोनों अपनी शॉप की प्रमोशन के लिए इस मॉडल को हायर करने के बारे में सोच रही होती है। और ये कहती है कि कल हमारे कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट फोटोशूट है जहाँ पर एक मॉडल आ रही है। इधर हम गाँव को देखते हैं जो कि अपनी फोटो लेकर शोजिन को सेंड करती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, पर उससे शोजिन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसलिए अपनी असिस्टेंट से कहती है कि मुझे सोंगजी का कुछ ना कुछ करना ही होगा और वो कहती है कि मैं फोटोशूट के लिए कहीं पर जा रही हूँ और जहाँ मैं जा रही हूँ उसकी इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि सोंगजी है। और फिर गाँव जैसे इस लोकेशन पर पहुँचती है तो उसकी असिस्टेंट उससे कह रही होती है कि आपको चलना चाहिए, आप लेट हो रही हो। पर गाँव से कहती है कि तुम जल्दी क्या है, हम चलते हैं, सोंगजी को थोड़ा सा वेट कर लेने दो। और फिर वो जैसे अंदर जाती है तो सोंगजी उससे देख कर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। गाँव से कहती है कि तुम्हें मेरा वेलकम करना चाहिए क्योंकि मैं वही मॉडल हूँ जिसे फोटोशूट के लिए तुम लोगों ने बुलाया था। गाँव की ये बात सुनकर तो सोंगजी बहुत ज्यादा हैरान होती है और फिर उसे वेलकम बोलती है और उसे एक ड्रेस देते हुए कहती है कि जाकर चेंज कर लो। और फिर वो ज़ोली को कॉल करती है, उससे कहती है कि शोजिन की बहन यहाँ पर आई हुई है जिसका नाम गाँव है और कहती है कि जल्दी से आओ, मैं इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकूंगी। तो ज़ोली कहती है कि ठीक है मैं थोड़ी ही देर में आ रही हूँ। इसके बाद हम गाँव को देखते हैं जिसका फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ही मजे मजे के पोज देकर फोटोज खिंचवा रही होती है। और फिर सोंगजी गाँव को एक और ड्रेस देती है, उससे कहती है कि जाकर चेंज कर लो। और जब गाँव चेंज करने के लिए जाती है तो वहाँ जाकर बैठ जाती है। उसकी असिस्टेंट कहती है कि आपको चेंज करना चाहिए पर गाँव
टॉप हिस्से कहती है कि सोंगजी को वेट करने दो। और इधर हम देखते हैं कि ज़ौली वहाँ पर आ जाती है, जो सोंगजी से पूछती है कि गाँव कहाँ पर है। तो सोंगजी उससे कहती है कि वो चेंज करने के लिए गई हुई है। और जब गाँव आती है तो वो ज़ौली को सामने देख कर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। ज़ौली उससे कहती है कि मैं उसी कंपनी की मालकिन हूँ जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और फिर इन दोनों के बीच में फोटोशूट को लेकर कुछ आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। फोटोशूट करवाते हुए फैन ऑन होता है जिसकी वजह से गाँव को ठंड लग रही होती है, तो वो कहती है कि फैन को ऑफ करो। और फिर वो ज़ौली से कहती है कि मैं फोटोशूट आज नहीं करवाऊंगी बल्कि कल करवाऊंगी। तो ज़ौली से कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और वो कहती है कि तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुम्हें फोटोशूट को आज ही खत्म करना होगा। फोटोशूट खत्म होने के बाद गाँव शूजिन को मैसेज करती है और उसे कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसे लोकेशन सेंड करते हुए कहती है कि जल्दी से यहाँ पर आओ। और इसके बाद वो सीधा सोंगजी के पास जाकर उससे बातें सुनाने लग जाती है और उससे कहती है कि शूजिन मेरा बॉयफ्रेंड है और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सीड्यूस करने की। और इसी बात पर वो सोंगजी की इंसल्ट कर रही होती है। ज़ौली जैसे उसकी बातें सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सोंगजी से रोकते हुए कहती है कि तुम रहने दो, ये मेरा और गाँव का मामला है, मैं इसे खुद ही सॉल्व कर लूंगी। गाँव जैसे सोंगजी से बात कर रही होती है तभी वहाँ पर शूजिन भी आ जाता है। और फिर गाँव शूजिन के पास जाकर उससे कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। वो कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी ज़ौली भी आकर उससे कहती है कि हाँ हाँ ऐसे ले जाओ। शूजिन ज़ौली को देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उससे पूछता है कि सोंगजी भी यहाँ पर आई हुई है। तो ज़ौली से कहती है कि हाँ बिल्कुल वो देखो। गाँव जो कि शूजिन के बहुत ज्यादा क्लोज थी इसलिए शूजिन सोचता है कि पता नहीं सोंगजी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और वो फिर से सोंगजी के पास जाकर उससे कहता है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे गाँव ने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, पर मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि तुम यहाँ पर होगी। पर सोंगजी इन दोनों को फिर से एक साथ देखकर जेलस होती है और गुस्से में आकर वहाँ से चले जाती है। शूजिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर गाँव उसे रोक लेती है, लेकिन शूजिन नहीं रुकता और वो सोंगजी के पास जाकर उससे कहता है कि मेरी बात तो सुनो। सोंगजी उससे कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ चीट करोगे और तुम्हारी पहले से एंगेजमेंट हुई होगी। शूजिन उससे कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है। पर सोंगजी उसकी कोई भी बात नहीं मान रही होती। अब वो जैसे वहां से जाने लगती है तो तभी वहां पर टैंग आ जाता है जो सोंगजी से कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। शूजिन सोंगजी को रोकने की कोशिश करता है पर वो टैंग के साथ बैठ कर वहां से चले जाती है। रास्ते में टैंग सोंगजी से कहता है कि आज तुम्हारे डैड की बर्थडे है, तुम्हें याद है ना। सोंगजी उससे कहती है कि हाँ मुझे याद है, पर अभी सोंगजी उससे कहती है कि हाँ मुझे याद है पर इस टाइम बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं उनके लिए गिफ्ट कैसे लूंगी। टैंग कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड के लिए गिफ्ट पहले ही ले लिया है। उस गिफ्ट को देखकर सोंगजी टैंग को थैंक्स बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों जाकर सोंगजी के डैड को बर्थडे विश करते हैं। और जब ये चारों बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो सोंगजी की मॉम उसके डैड से कहती है कि बर्थडे स्पीच दो। और स्पीच देते टाइम सोंगजी के डैड थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और वह कहते हैं कि पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। और वह कहते हैं कि मेरी ये दुआ है कि जो भी लड़का मेरी बेटी से शादी करे वो उसका हमेशा ख्याल रखे। अपने डैड की बात सुनकर सोंगजी भी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि प्लीज अब बस भी करें, आप तो मुझे रुला कर रहेंगे। अब जब शादी की बात हो ही रही होती है तो सोंगजी की मॉम उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे सबसे बेस्ट लड़का कोई और नहीं बल्कि टैंग है, और अगर तुम सोच रही हो कि इससे ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लड़का तुम्हें मिल जाएगा तो ये बहुत ही मुश्किल है। टैंग सोंगजी की मॉम से कहता है कि आपको उससे फोर्स नहीं करना चाहिए, अगर उसे मुझे लाइक करना होगा तो वो खुद ही कर लेगी। इधर हम शूजिन को देखते हैं जो कि सोंगजी के फ्लैट पर आकर बेल दे रहा होता है पर कोई भी दरवाजा नहीं खुलता और वहां से चले जाता है। इसके बाद हम टैंग को देखते हैं जो कि सोंगजी को छोड़ने के लिए जा रहा होता है और वो रास्ते में सोंगजी से पूछता है कि मुझसे ब्रेकअप करने के बाद क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना। पर सोंगजी उससे इस बारे में कुछ भी नहीं कहती और वो बात को चेंज करते हुए कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और मैंने अभी कुछ ही हफ्ते पहले अपने डॉक्टरी के काम को छोड़ा है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक शॉप में काम करती हूँ, साथ ही साथ एक वॉलंटियर डॉक्टर की जॉब भी करती हूँ। तभी वो देखती है कि उसे शूजिन का मैसेज आया होता है पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और फिर पहुंचने के बाद सोंगजी जैसे ही वहां से जाने लगती है तो टैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और शूजिन भी इन दोनों को देख लेता है जिसे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चले जाता है। टैंग सोंगजी से कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। तो सोंगजी उससे कहती है कि ठीक है। और फिर शूजिन आकर सोंगजी और टैंग के बारे में ही सोच रहा होता है। और जब सोंगजी सोने के लिए आती है तो वो कहती है कि मुझे शूजिन के मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए पर वो नहीं करती। नेक्स्ट टाइम लीही को देखते हैं जो कि मिस्टर टैंग के पास आकर उनसे कह रहा होता है कि मुझे एक कोर्स में आपकी हेल्प चाहिए। वो कहता है कि मुझे इस कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं आता। मिस्टर टैंग उससे
कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बस के बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आजकल सॉन्ग्स और शूजिन के बीच में जो कुछ भी चल रहा है तुम उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। यही तो पहले सोच रहा होता है कि मुझे मिस्टर टैंक की बात को मानना चाहिए या फिर नहीं, पर अपने कोर्स के लिए कहता है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इधर हम जावली को देखते हैं जो कि सॉन्ग्स से कल वाले इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रही होती है, और उससे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि गौ तुमसे झूठ बोल रही थी कि उसकी शूजिन के साथ एंगेजमेंट हुई है। और वह सॉन्ग्स से कहती है कि तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि वही सुनना चाहिए जो शूजिन तुमसे कह रहा है। और फिर जावली अपने बीच चैट पर पोस्ट लगाती है कि मुझे रिनोवेशन के लिए कुछ हेल्पर्स चाहिए। और जैसे उसका यह पोस्ट देखता है तो उसे मैसेज करते हुए कहता है क्या मैं आ जाऊं। तो जावली उससे कहती है कि तुम रहने दो, तुम्हें याद है ना कि तुमने लास्ट टाइम मेरे घर आकर क्या किया था। हाउ उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जावली उससे कहती है कि ठीक है, जल्दी से आ जाओ। और फिर हाउ शूजिन के पास आकर इसी बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, तुम भी चलो। पर शूजिन उसे जाने से मना कर रहा होता है और कहता है कि मेरे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो हाउ कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर हम देखते हैं कि ये लोग जैसे रेडी होकर आते हैं तो शूजिन तो पहले से ही रेडी होता है। और फिर ये सब लोग जावली और सॉन्गजी की शॉप पर जाते हैं जहाँ सॉन्गजी को पता चलता है कि शूजिन भी यहाँ पर आया हुआ है। जावली कैप्टन शूजिन के पास आकर उससे कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भी यहाँ पर आए होगे। और फिर ये सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं जहाँ सॉन्गजी भी शूजिन के पास आकर उसकी हेल्प करती है। और फिर जब शूजिन बोर्ड को लगा रहा होता है तो वो बोर्ड नीचे गिर जाता है। सॉन्गजी उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। तो शूजिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो सॉन्गजी से कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो सॉन्गजी उससे कहती है कि नहीं, मुझे कल तुम पर गुस्सा था पर मुझे पता चल चुका है कि गौ मुझसे झूठ बोल रही थी और जैसा मैं तुम दोनों के बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम लिही को देखते हैं जो कि फोटोग्राफी के कंपटीशन के लिए गया होता है। तभी वो सामने गौ को देखता है। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसका फ्रेंड कहता है कि एक मॉडल है और यही तुम्हारी टीममेट है। और फिर गौ लिही के पास आकर से कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई और कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे चूना लगाया था और कुछ भी बताए बगैर मुझसे इतने सारे पैसे ले लिए थे। और वो लिही से कहती है कि अब तुम देखना, मैं तुम्हें इतना ज्यादा तंग करूंगी कि तुम इस कंपटीशन को हार जाओगे। और इसीलिए वो बहुत ही अजीबोगरीब सी फोटोज को खिंचवाती है। तो लिही भी उसे कह देता है कि तुम देखना, मैं इन सारी फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, इसकी वजह से तुम्हारे सारे फैंस तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहेंगे। तो गौ से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना। और फिर जब ये दोनों बैठे होते हैं तो लिही का फ्रेंड उसके पास आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी और गौ की फोटोज को जजेस को दिखाया था और उन्हें तुम्हारी फोटोज बहुत ज्यादा पसंद आई है। और वो कहता है कि जजेस कह रहे थे कि ये फोटोज लव का सिंबल हैं। अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर लिही और गौ तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर लिही कहता है कि या तो जजेस पागल हैं या फिर ये लड़की पागल है। और फिर वो गौ से कहता है कि अच्छा हुआ कि कैप्टन शूजिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं तो वो भी तुम्हारी तरह पागल होता। इधर हम लिली को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती है। तभी वहां पर एक पर्सन आकर इन्हें तंग करने लग जाता है। तो लिली से धक्का देते हुए कहती है कि अपनी हद में रहो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर अपनी वो फ्रेंड से कहती है कि तुम लोगों को सेल्फ डिफेंस करना चाहिए और कहती है कि मैं कैप्टन शूजिन से इस बारे में बात करूंगी कि वो हमारी एकेडमी में सेल्फ डिफेंस की क्लास रखें। इधर हम देखते हैं कि जावली और सॉन्गजी इन सबको थैंक्स बोलती है इन दोनों की हेल्प करने के लिए और ये सारे वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि ये सब लोग सेल्फ डिफेंस क्लास के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद सॉन्गजी शूजिन से कहती है कि मैं भी इस क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो शूजिन उससे कहता है कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस की ओर नहीं बल्कि मैं सिखाऊंगा। कैप्टन शूजिन की ये बात सुनकर लिली कहती है कि सर मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आकर कहती है कि मैं कैप्टन हाउ की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। और जैसे हाउ वहां पर आता है तो उसके क्लोज जाकर उससे कहती है कि जाने तुम कैसे हो। हाउ से देख कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें याद नहीं है, हम दोनों क्लब में मिले थे और मैंने वहां तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। पर हाउ से कहता है क्या तुम पागल हो, मैंने तुमसे बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर वो जैसे देखता है कि जावली भी इन दोनों को देख रही है तो उसके पास जाकर उससे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, ये लड़की मुझे तंग कर रही है। जावली जो कि गुस्सा होती है वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो हाउ कहता है कि मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। तो जावली कहती है कि कितने। तो हाउ कहता है कि जितने तुम कहोगी उतने। तो जावली उस लड़की के पास आकर स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे कहती है कि मैं हाउ की वाइफ हूँ। वो लड़की कहती है कि मुझे तो ये था कि ये सिंगल है। पर हाउ उसके पास आकर कहता है कि नहीं, ये मेरी वाइफ ही है। तो वो लड़की हाउ को थप्पड़ मारते हुए वहां से चले जाती है। उसके फ्रेंड ये देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। और फिर
लॉली हाउस से कहती है कि मुझे पैसे दो, और वो जैसे अपना हाथ खड़ा करती है तो हाउस से कहता है कि बस 500। तो जॉली कहती है कि 500 नहीं बल्कि 5000। हाउ कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा है, और कहता है कि थप्पड़ भी मैंने खाया है और पैसे भी मैं ही दे रहा हूँ, ये तो मेरे साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती है। पर बेचारे हाउ के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो जॉली को उसके पैसे सेंड कर देता है। नेक्स्ट टाइम सबको देखते हैं जो कि सेल्फ डिफेंस क्लास की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पर लीही भी इनकी फोटोशूट करने के लिए आया होता है। और फिर हम देखते हैं कि शूटिंग सॉन्गजी से कहता है क्या तुम रेडी हो, तो सॉन्गजी कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्गजी अटैक करती है और शूटिंग डिफेंस, पर वो तो ऐसे डिफेंस कर रहा होता है कि जैसे वो डिफेंस नहीं कर रहा बल्कि रोमांस कर रहा है। और लीही बड़े ही मजे से इनकी फोटोज खींच रहा होता है, और जॉली और हाउ इन दोनों को देख कर इंजॉय कर रही होती है और कहते हैं कि इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। शूजिन से फाइट करते हुए सॉन्गजी नीचे गिरने वाली होती है, पर शूजिन उसे बचा लेता है। और ये दोनों फिर से उठने के बाद फाइट करना शुरू कर देते हैं, और तभी वहाँ पर गौ आ जाती है जो इन दोनों को इतना क्लोज देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉन्गजी के पास आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तो शूजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है, पर हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट जैसे ही शुरू होती है तो सॉन्गजी पहले ही वार में गौ को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से गौ के पैर पर फ्रैक्चर आ जाता है, और ये बेचारी दर्द से चिल्ला रही होती है। तो गौ हाउ से कहती है कि तुम्हें इसे यहाँ से ले जाना चाहिए, पर गौ कहती है कि मैं हाउ के साथ नहीं बल्कि शूजिन के साथ जाऊंगी। तो सॉन्गजी कहती है कि ठीक है इसे ले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि शूजिन गौ को समझा रहा होता है और कहता है कि इस तरह के बच्चों वाले हरकतें करना बंद कर दो, और उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ सॉन्गजी को लाइक करता हूँ, और इसके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है, अगर तुम मुझ पर टाइम वेस्ट करती रहोगी तो तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। और शूजिन की ये सारी बातें लीही भी सुन रहा होता है। शूजिन के वहाँ से जाने के बाद हाउ भी गौ से ये सब कुछ कहता है, उससे कहता है कि शूजिन ने तुमसे कहा है इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। इधर हम देखते हैं कि लीही जाकर सॉन्गजी को बताता है कि मिस्टर शूजिन ये सब कुछ कह रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और उनकी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। लीही की ये बातें सुनकर सॉन्गजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही साथ ब्लश कर रही होती है। सॉन्गजी लीही से पूछती है कि तुमने अपने कानों से सुना है, तो लीही उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। इधर हम गौ को देखते हैं जो कि बैंडेज लगा रही होती है, तभी उसके पास लीही आता है। तो गौ जो कि गुस्से में होती है वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने के आए हो। लीही कहता है कि मैं तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया हूँ, पर गौ उससे बहुत ही रूड में बात करती है और कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो लीही वहाँ से जाने लगता है, तो गौ उससे रोकते हुए कहती है कि मैं अकेली हूँ, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। लीही कहता है तुमने खुद तो कहा है कि जहाँ से जाओ। और फिर लीही गौ को तंग करने के लिए उसे फोटो दिखाता है जब वो नीचे गिरी हुई थी, और उस फोटो को देखकर गौ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसे डांटते हुए कहती है कि यहाँ से चले जाओ। इधर सॉन्गजी शूजिन के पास आकर इसी बारे में बात कर रही होती है, और वो कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले जो तुम गौ से कह रहे थे मुझे इस बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तो शूजिन उसकी ये बात सुनकर उसके क्लोज आते हुए उसे हग कर लेता है, और इससे पहले कि वो सॉन्गजी से कुछ कह पाता तभी वहाँ पर जीजू आ जाता है जो मिस्टर शूजिन से कहता है कि आपको मीटिंग में जाना है, और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाता है। तो शूजिन भी सॉन्गजी से कहता है कि मुझे चलना चाहिए, और वो भी वहाँ से चले जाता है, और सॉन्गजी तो बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट टाइम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि शूजिन के लिए खाना बना रही होती है, और जब वो खाना खाने लगती है तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। तो वो शूजिन से कहती है कि तुम इस तरह खाना कैसे खाती हो। शूजिन उससे कहता है कि तुमने फर्स्ट टाइम मेरे लिए कुछ बनाया है, इसलिए जैसा भी है मुझे बहुत ही प्यारा है। वो कहता है कि फिटने बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम्हें भी खाना चाहिए। इसके बाद हम शूजिन को देखते हैं जो कि नहाने के बाद बाहर आया होता है। तो सॉन्गजी उसके पास जाकर उसे देख रही होती है। शूजिन कहता है कि तुम क्या देख रही हो। सॉन्गजी उससे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, और कहती है कि बाजार से जाकर कुछ लेकर आओ, और ये कहने के बाद नहाने के लिए चले जाती है। शूजिन जब बाजार से कुछ खाने के लिए लेकर वापस आता है तो वो सुनता है कि सॉन्गजी बाथरूम में गाना गा रही है, इसलिए उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है। तो उसके गाने को सुनते हुए बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। तभी सॉन्गजी बाहर आ जाती है जो शूजिन से कहती है कि तुम आगे। तो शूजिन कहता है कि हाँ चलो खाना खा लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि दोनों बैठकर हाउ और जॉली के बारे में कुछ बात कर रही होती हैं, और इसके बाद ये दोनों एक साथ गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, और गेम खेलते टाइम सॉन्गजी गिरने वाली होती है और शूजिन उसे बचा लेता है। नेक्स्ट टाइम शूजिन को देखते हैं जो कि सॉन्गजी के लिए बहुत ही मजे मजे के खाने बनाता है। और सॉन्गजी जैसे वहाँ पर आती है तो वो शूजिन से कहती है कि मेरी नेक में पेन हो रही है। तो शूजिन उसकी बात सुनकर उसकी मसाज करते हुए उससे बात कर रहा होता है, पर तब सडनली वो उसकी नेक को घुमाता है। तो सॉन्गजी उससे कहती है क्या तुम पागल हो, मेरी गर्दन टूट जाती तो फिर। पर वो देखती है कि उसकी नेक पेन तो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो शूजिन उससे कहता है कि ये बस एक ट्रिक थी तुम्हारी पेन को ठीक करने की। और जब ये दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो शूजिन सॉन्गजी से कहता है कि मैं तुम्हें गाना सुनाना चाहता हूँ। तो सॉन्गजी उससे कहती है कि हाँ सुनाओ। और जब शूजिन उस गाने को प्ले करता है तो वो गाना किसी और का नहीं बल्कि सॉन्गजी का होता है जो उस दिन उसने रिकॉर्ड किया होता है। सॉन्गजी जैसे अपने गाने को सुनती है तो वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है, उससे कहती है कि तुमने सॉन्ग को कैसे रिकॉर्ड किया। और
अर्जुन से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा चलाक हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं और मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। इधर हम गाओ को देखते हैं जो कि शूजिन के ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई होती है और वो उनसे कहती है कि मेरे पैर पर चोट लगी है और ये चोट किसी और की वजह से नहीं बल्कि शूजिन की फ्रेंड की वजह से लगी है जिसका नाम सोंगजी है। और वो यहाँ पर शूजिन के ग्रैंडपा से सोंगजी के बारे में ही कुछ बात कर रही होती है और वो कहती है कि ग्रैंडपा आप मुझे लाइक करते हो ना और आप भी यही चाहते हो कि मेरी शूजिन से शादी हो जाए, तो आपको शूजिन से इस बारे में पूछना चाहिए कि उसके और सोंगजी के बीच में क्या चल रहा है। और वो साथ ही साथ ग्रैंडपा से ये भी कहती है कि आपको शूजिन को डांटना भी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ही मेरे चोट लगी है और मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही है। शूजिन के ग्रैंडपा से कहते हैं कि शूजिन ने तो मुझे बारे में कुछ भी नहीं बताया कि उसकी कोई फ्रेंड है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। गाओ उनसे कहती है कि ये वही लड़की है जिससे वो ब्लाइंड डेट में मिलने के लिए गया था। तो शूजिन के ग्रैंडपा से कहते हैं कि अच्छा मुझे याद आया और वो कहते हैं कि शूजिन जैसे ही आएगा तो मैं उससे इस बारे में पूछूंगा। तभी वहां पर शूजिन भी आ जाता है पर उसके ग्रैंडपा उससे कुछ भी नहीं कहते। शूजिन उनसे कहता है कि मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं और गाओ भी साथ चले जाती है जहां शूजिन गाओ से फिर से इसी बारे में बात करता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। और वो फिर से बहुत ही सीरियस होकर गाओ के बारे में समझाता है और वो कहता है कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। शूजिन की ये बातें सुनकर गाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि शूजिन के ग्रैंडपा सोंगजी के बारे में पूछते होते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है और आखिर ये सोंगजी है कौन। शूजिन उनसे कहता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसे आपकी बहू बना लूं और बहुत ही जल्द मैं उसे शादी भी कर लूंगा। शूजिन के ग्रैंडपा से कहते हैं कि अगर वो लड़की मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ना हुई तो फिर। वो कहते हैं कि मैं उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, तुम्हें उससे मुझसे मिलवाना चाहिए। तो शूजिन उनसे कहता है कि ठीक है मैं बहुत ही जल्द सोंगजी को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। शूजिन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूं और ये कहने के बाद वहां से चले जाता है। वो भी गाओ ग्रैंडपा से सोंगजी के बारे में ही पूछती है और कहती है कि शूजिन ने आपसे क्या बात की। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि वो कह रहा था कि वो सोंगजी को मुझसे मिलवाएगा। और वो गाओ से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो मैं किसी भी हालत में सोंगजी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और चाहे जो मर्जी हो जाए मेरे शूजिन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि तुम ही बनोगी। अगले सीन में हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अपनी शॉप की पोस्ट को देख रहे होते हैं जिसके नीचे लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए होते हैं और इन कमेंट्स को पढ़कर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती हैं। तभी ज़ाओली सोंगजी से कहती है कि मुझे कुछ काम है और ये कहने के बाद वहां से चले जाती है। उसके जाते ही शूजिन वहां पर आ जाता है। इसे देखकर सोंगजी से पूछती है कि तुम यहां पर क्या करने के लिए आए हो। शूजिन उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी शॉप की सेल्स बहुत ही अच्छी जा रही है, उसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए स्वीट्स लेकर आया हूं। तो फिर हम देखते हैं कि दोनों दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक वे में कुछ बातें कर रही होती हैं और दोनों दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। तभी वहां पर ज़ाओली आ जाती है जो इन दोनों को ऐसे देखकर कहती है कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था और वहां से जान लेती है। तो सोंगजी से रोकते हुए कहती है कि नहीं नहीं तुम कहां जा रही हो, हमें अभी काम करना है। और फिर ज़ाओली कहती है कि इस काम को कौन करेगा। तो शूजिन कहता है कि मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। इधर हम शूजिन के ग्रैंडपा को देखते हैं जिन्हें एक डिलीवरी रिसीव होती है। उस बॉक्स के अंदर लेडीज के कुछ सामान होते हैं जैसे कि परफ्यूम क्रीम्स एक्सेट्रा। शूजिन के ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये किसका सामान है। इधर हम शूजिन को देखते हैं जो कि हाओ के साथ बैठकर कुछ बात कर रहा होता है। हाओ शूजिन से कहता है कि आजकल तुम सोंगजी के साथ रह रहे हो। तो शूजिन कहता है कि नहीं, अभी उससे बात कर रहा होता है कि तभी शूजिन को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है जो कि बहुत ही गुस्से में उससे कहते हैं कि जल्दी से घर आओ। और शूजिन जैसे घर आता है तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सामान किसका है और तुम्हारे पास क्या कर रहा है। शूजिन उनसे कहता है कि ये सामान सोंगजी की शॉप का है और मैंने इस सामान को ऑर्डर किया है ताकि सोंगजी की शॉप की सेल ज्यादा हो सके और इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ। शूजिन के ग्रैंडपा तो कहते हैं कि मुझे तो ये था कि शायद इस सामान को तुम खुद यूज करते हो और मैं तो इसी बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा था। और कहते हैं या तो तुम खुद पागल हो या फिर तुम मुझे पागल बना रहे हो। तो शूजिन उनसे कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, मैंने जो आपसे कहा है वही सच है। और वो सामान को उठाकर वहां से चले जाता है। तभी शूजिन के ग्रैंडपा को सोंगजी की शॉप का कार्ड मिलता है। इसके बाद हम शूजिन के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि उसके साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहां भी शूजिन के साथ उसकी शादी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि मेरा तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरे दुनिया से जाने से पहले पहले मैं तुम्हारी शादी देख लूं। और वो कहते हैं कि मैं अपने इस घर में अपने पोतों को खेलते हुए देखना चाहता हूं। फिर वो शूजिन से कहते हैं कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कम मिलवा रहे हो। शूजिन उनसे कहता है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करें, मैं बहुत ही जल्द आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शूजिन के ग्रैंडपा सोंगजी की शॉप पर ईमेल करते हैं और उससे कुछ प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ग्रैंडपा के मैसेजेस का सोंगजी बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देती है पर ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तक मैं इससे मिल नहीं लेता मैं इसे पास नहीं करूंगा। इधर हम ज़ाओली को देखते हैं जो कि लिही के साथ जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर आती है तो वहाँ वो लड़कों को जिम करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, उनकी फोटोज लेना शुरू कर देती है और उन फोटोज को
वी चैट पर पोस्ट कर देती है और हाओ जैसे इन फोटोज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा जेलस होता है और कहता है कि मुझे ज़ाओली के पास जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे बजाय इनमें से किसी लड़के को लाइक करने लग जाए। और फिर हम देखते हैं कि हाओ बहुत ही स्टाइल में एंट्री करता है और ये जिस स्टाइल से चल रहा होता है बिल्कुल उसी स्टाइल से वो नीचे भी गिर जाता है। ज़ाओली हाओ के पास आते हुए उससे कहती है कि तुमने सनग्लासेस क्यों पहने हुए हैं। हाओ कहता है कि वो क्या है ना कि धूप बहुत ज्यादा है। ज़ाओली कहती है कि तुम इस टाइम इंडोर हो और यहाँ पर सन कोई भी नहीं है। ज़ाओली की बात सुनकर हाओ कहता है कि मैंने तो ध्यान नहीं दिया था और उसे ग्लासेस पहनाते हुए कहता है कि मैं जाकर बॉक्सिंग करने वाला हूँ और मैं आज तुम सबको दिखाऊंगा कि बॉक्सिंग कैसे करते हैं। वो रिंग में जाकर अपने फ्रेंड के साथ बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है और डिफेंस करने के साथ साथ अटैक करना भी सिखा रहा होता है। फाइट खत्म होने के बाद हाओ जैसे रिंग से निकलने वाला होता है तो वो गलती से ज़ाओली के ऊपर ही गिर जाता है और ये दोनों दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और ली ने बड़े गौर से देख रहा होता है। पर फिर हाओ अपने आप को संभालते हुए ज़ाओली से कहता है कि आज कैप्टन शूजिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए सबको मैं लीड कर रहा हूँ और आज के लिए इस ट्रेनिंग सेंटर का इंचार्ज मैं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाओली कुछ ट्रॉफीज को देखते हुए कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी ट्रॉफीज कैप्टन शूजिन की होंगी। पर वो जैसे ही नाम पढ़ती है तो वो ट्रॉफीज कैप्टन शूजिन की नहीं बल्कि हाओ की होती है। हाओ से बात करते हुए ज़ाओली उससे कहती है कि कल जो लड़की आई थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना। तो हाओ से कहता है कि नहीं, वो झूठ बोल रही थी। और इससे पहले कि वो ज़ाओली से कुछ और कहता उससे उसकी फ्रेंड की कॉल आने लग जाती है, पर हाओ उस कॉल को पिक नहीं करता। तभी जो उसके पास आकर उससे कहता है कि आपको आपकी फ्रेंड की कॉल आ रही है, लगता है कि आपके फोन की बैटरी नहीं है इसलिए मुझे कॉल कर रही है। और यहाँ पर हाओ का झूठ पकड़ा जाता है और ज़ाओली उससे कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो ये कहने के बाद वहां से चले जाती है और हाओ बेचारा कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इधर हम शूजिन और सांगजी को देखते हैं जो कि एक दूसरे शहर एक रेस्क्यू सेंटर में ट्रेनिंग देने के लिए गए होते हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ये दोनों जैसे वहां से जा रहे होते हैं तो शूजिन को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है जो उससे कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम इस टाइम अपने गांव गए हुए हो। और उसे बताते हैं कि मैं भी इस टाइम वहीं पर हूँ और कहते हैं कि जल्दी से मेरे घर आओ। और फिर शूजिन सांगजी से कहता है कि मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उससे कहता है तुम ही मेरे साथ चलो। इधर हम हाओ को देखते हैं जिसने ट्रेनिंग के लिए अपने एक कुलीग को बुलाया होता है पर वो कुछ काम की वजह से आज नहीं आ पाती, इसलिए हाओ थोड़ा सा परेशान होता है। तो ज़ाओली उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या बात हो। तो हाओ उसे बताता है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए अपनी एक पार्टनर चाहिए पर मेरी कोई भी पार्टनर नहीं है जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर सकूं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिन्हें मुझे गाइड करना है। इसी बारे में सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। तो ज़ाओली से कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूँ ना। और वह कहती है कि मैं अपने कॉलेज में जिमनास्टिक से स्टूडेंट थी और मुझे अटैकिंग और डिफेंस के बारे में थोड़ा बहुत पता है। पहले तो हाउस की इस बात को नहीं मान रहा होता पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है तुम चेंज करने के बाद आ जाओ। रास्ते में सांगजी शूजिन से पूछती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को क्या पसंद है। तो शूजिन उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडपा एक आर्मी ऑफिसर थे और वो हमेशा अपने रूल्स और डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं और जहां तक बात रही उनकी पसंद की तो उन्हें चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है। तभी उसे हाओ की कॉल आती है जो उससे कहता है कि मैं आज ज़ाओली के साथ ट्रेनिंग करने वाला हूँ। सांगजी जैसी उसकी बात सुनती है तो उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके हाथ पांव तोड़ दो। हाओ सांगजी की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अभी हम देखते हैं कि हाओ डिफेंस करता है और ज़ाओली अटैक और वो तो ऐसा अटैक करती है कि बेचारे हाओ की तो हालत खराब हो जाती है। इधर ये दोनों जैसे शूजिन के ग्रैंडपा से मिलने के लिए आते हैं तो सांगजी की हील टूट जाती है और तभी वहां पर शूजिन के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और शूजिन अपने ग्रैंडपा को हेलो बोलने के बाद सांगजी को अपनी गोदी में उठाकर वहां से ले जाता है। सांगजी उससे कहती है क्या तुम पागल हो, तुम्हारे ग्रैंडपा हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और फिर हम देखते हैं कि तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं जहां शूजिन के ग्रैंडपा सांगजी से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम क्या करती हो। सांगजी ग्रैंडपा से कहती है कि मैं पहले एक डॉक्टर थी और मैं आजकल शूजिन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम करती हूँ और मैं उसकी टीममेट हूँ। इधर हम ज़ाओली को देखते हैं जो कि हाओ से मिलने के लिए आई होती है और कहती है कि तुम कैसे हो। पर वह जैसे हाओ को हाथ लगाती है तो हाओ की तो हालत खराब हो जाती है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है और वह ज़ाओली से कहता है कि तुम प्लीज मेरी मसाज कर दो। पर हम देखते हैं कि ज़ाओली जैसे उसका मसाज करती है तो उसकी चीखें उसके सारे फ्रेंड्स सुन रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। इधर हम हाओ को देखते हैं जो कि ज़ाओली से कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता था कि टीम को लीड करना बहुत ही इजी होता है पर आज शूजिन के यहाँ से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि टीम को लीड करना बिल्कुल भी इजी नहीं है बल्कि ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। शूजिन तो इस टास्क को बहुत ही इजीली कर लेता है पर मुझसे तो ये बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा। तो ज़ाओली उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो और जिस काम को भी करते हो उसे हमेशा पूरा करते हो। और वो ऐसे हाओ से बात कर रही होती है तभी वहां पर लिखी आ जाता है जो ज़ाओली से कहता है कि हमें चलना चाहिए और ज़ाओली जैसे वहां से जाने लगती है तो हाओ से रुकते हुए
कहता है कि थैंक यू मुझसे बात करने के लिए, तो जॉली उससे कहती है कि तुम भी ना, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाती है। इधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि चेस खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी सॉन्गजी उनके पास आकर उनसे कहती है क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम खेलना चाहती हो तो बेशक खेल लो। शूजिन सॉन्गजी से कहता है कि ग्रैंडपा के सामने मेरी इंसल्ट मत करवाना, तुम्हें चेस खेलना भी आता है या फिर नहीं, तो सॉन्गजी से कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, थोड़ा सा वेट कर लो, तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा। और फिर जब ये दोनों खेल रहे होते हैं तो शूजिन फोटो लेकर हाओ को सेंड करता है, और इधर हम हाओ को देखते हैं जो कि ज़ौली के लिए खाना लेकर आया होता है, और ज़ौली जो कि बड़े ही मजे से काम करते हुए ड्रामा देख रही होती है, जिसने अपने कानों में हेडफोन लगाए होते हैं और ऊंची आवाज में कह रही होती है कि हाँ हाँ मुझे तुमसे प्यार है। हाओ जैसे उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, ज़ौली कहती है कि मैं तो ड्रामा देख रही थी, उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, हाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। और जब ये दोनों बैठ कर खाना खा रहे होते हैं तो हाओ शूजिन की फोटो को देखता है जो उसने सेंड की होती है, और वो ज़ौली को बताता है कि इस टाइम शूजिन के ग्रैंडपा और मिस सॉन्गजी चेस खेल रहे हैं। ज़ौली उसे बताती है कि सॉन्गजी को चेस बहुत अच्छा खेलना आता है और वो कॉलेज टाइम में चेस की चैंपियन थी। और इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा चेस खेल रही होती है और वो ऑलमोस्ट ग्रैंडपा को हराने ही वाली होती है, तभी उसे ज़ौली का मैसेज आता है जो उससे कहती है कि जरा सोच समझ कर ग्रैंडपा को हराना, क्योंकि तुम बहुत ही जल्द उनके घर की बहू बनने वाली हो। सॉन्गजी जैसे ही मैसेज देख रही होती है तो ग्रैंडपा गेम में कुछ चेंजेस कर देते हैं, मतलब ये कि वो चीटिंग करते हैं, और सॉन्गजी जैसे ही देखती है तो उसे समझ आ जाती है कि ग्रैंडपा ने कुछ ना कुछ तो किया है, और इन चेंजेस की वजह से सॉन्गजी इस गेम को हार जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना कि मैं जीत जाऊंगा, और तभी उन्हें खांसी आने लग जाती है, तो सॉन्गजी उनसे कहती है कि मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ, और ये कहने के बाद वहां से चले जाती है। शूजिन के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा तेज है और मुझे तो पता ही नहीं था कि वो चेस मुझे हरा देगी। इसके बाद हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के लिए सूप लेकर आई होती है, और सूप को पीते टाइम ग्रैंडपा सॉन्गजी से उसकी शॉप के बारे में कुछ बात कर रही होती है, और बातों ही बातों में उनके मुंह से निकल जाता है कि एक दिन मैंने तुम्हारी शॉप पर ईमेल किया था और वहां से एक चीज को ऑर्डर भी किया था। सॉन्गजी और शूजिन जैसे उनकी ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, पर फिर ग्रैंडपा टॉपिक को चेंज करते हुए सॉन्गजी से कहते हैं कि वैसे सूप बहुत ही अच्छा है, और ये कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। और यहां ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। शूजिन सॉन्गजी से कहता है कि मुझे तो लगता है कि ग्रैंडपा मजाक कर रहे हैं, पर सॉन्गजी से कहती है कि नहीं मुझे याद है एक दिन एक मैसेज आया था और वो पर्सन मेरी शॉप के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहा था, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा थे। इसके बाद हम शूजिन को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा से छुपते हुए कहीं जा रहा होता है। इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है क्योंकि उसके रूम का हीटर खराब होता है, और इसके बाद वो ज़ौली को मैसेज करती है और कॉल पर उससे बात करते हुए कहती है कि एक ईमेल को चेक करने के बाद मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, और ज़ौली जैसे उस ईमेल को चेक करती है तो सॉन्गजी को पता चल जाता है कि वो जो शूजिन से कह रही थी वो सच था और वो पर्सन के और नहीं बल्कि ग्रैंडपा ही थे। इधर शूजिन ग्रैंडपा के रूम में आकर उसी प्रोडक्ट को देखता है जो कि उन्होंने सॉन्गजी की शॉप से ऑर्डर की थी, और वो जैसे बाहर आता है तो ग्रैंडपा भी वहां पर आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम यहां क्या कर रहे हो। शूजिन उनसे कहता है कि कुछ नहीं, और ये कहने के बाद वहां से चले जाता है। इसके बाद सॉन्गजी शूजिन को मैसेज करती है और कहती है कि मेरे रूम का हीटर खराब है, पर शूजिन उसके मैसेज और कॉल का कोई भी जवाब नहीं देता, तो सॉन्गजी खुद उससे मिलने के लिए चले जाती है, और वो देखती है कि शूजिन नहा रहा है, और उससे पहले कि वो शूजिन से कोई बात करती तभी वहां पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, और शूजिन जल्दी से सॉन्गजी को छुपने के लिए कहता है। शूजिन ग्रैंडपा से कहता है कि आप यहां पर क्यों आए हो, मैं इस टाइम नहा रहा हूं, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं पानी चेक करने के लिए आया हूं कि पानी गर्म भी है या फिर नहीं, तो शूजिन उनसे कहता है कि हां हां पानी गर्म ही है, और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। और इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि पानी में छुपने की वजह से पूरी की पूरी भीग चुकी होती है। शूजिन उससे पूछता है कि तुम यहां पर क्या लेने के लिए आई थी। सॉन्गजी कहती है कि मेरे रूम का हीटर खराब था और मैं तुम्हें इसी बारे में बताने के लिए आई थी। शूजिन उससे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम आज रात मेरे रूम में ही रह लो। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्गजी शूजिन के बचपन की चीजों को देख रही होती है, और उसे शूजिन के बचपन की सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इन दोनों को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं। तभी ग्रैंडपा शूजिन से कहते हैं कि मुझे बाजार से कुछ चीजें चाहिए, और उसे लाने के लिए कहते हैं, और शूजिन उनकी ये बात सुनकर वहां से चले जाता है। और फिर वो सॉन्गजी से उसकी शॉप और उसकी फ्रेंड के बारे में पूछती हैं, तो सॉन्गजी उनसे कहती है कि मेरी फ्रेंड का नाम ज़ौली है जिसके साथ अपनी शॉप में काम करती हूँ, और आजकल हमारी शॉप की सेल्स बहुत ही अच्छी जा रही है। और ऐसे सॉन्गजी से बातें करते हुए ग्रैंडपा उससे शूजिन के पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे पर रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, और अब इस दुनिया में शूजिन का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम हाओ को देखते हैं जो कि ज़ौली के लिए खाना लेकर आया होता है, पर ज़ौली अचानक से अपने सामने देखकर डर जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है, पर हाओ उसे पकड़ लेता है। पर इसी बीच ज़ौली का चश्मा नीचे गिर जाता है और हाओ से गलती से वो चश्मा टूट जाता है। ज़ौली उससे कहती
कहती है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मेरे ग्लासेस कहाँ पर हैं। तो हाँ उससे कहता है कि वो मुझसे गलती से टूट गई हैं और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, चलो हम दोनों जाकर न्यू ग्लासेस ले लेते हैं। इसके बाद हम हाओ को देखते हैं जो कि ज़ौली के साथ एक शॉप पर ग्लासेस लेने के लिए आया होता है और वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें जो सा भी चश्मा खरीदना है तुम खरीद लो और पैसों की टेंशन मत लेना, तुम बस ये समझ लो कि ये ग्लासेस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं। तो ज़ौली उससे कहती है कि ये गिफ्ट नहीं है बल्कि इसके पैसे तुम्हें ही देने हैं क्योंकि मेरे ग्लासेस को किसी और ने नहीं बल्कि तुमने तोड़ा है। तो हाओ उससे कहता है कि हाँ मैं समझ गया, ये गिफ्ट नहीं है बल्कि तुम्हें ग्लासेस लेकर देना मेरी मजबूरी है। इधर हम गाओ को देखते हैं जिसे हाओ ने बता दिया होता है कि सोंगजी और शूजिन ग्रैंडपा से मिलने के लिए गए हुए हैं, इसलिए वो भी ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई होती है। जहाँ आकर वो ग्रैंडपा से कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊं। और वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सोंगजी भी यहाँ पर आई होगी। सोंगजी गाओ से कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शूजिन लेकर आया है। गाओ को तो सोंगजी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी बात पर जेलस हो रही होती है। और फिर वो सोंगजी से पूछती है कि शूजिन कहाँ पर है, तो वो उससे कहती है कि वो किसी काम से बाहर गया है। और फिर इन दोनों के बीच में शूजिन को लेकर ही थोड़ी बहुत बहस चल रही होती है और गाओ इसी बात पर सोंगजी से लड़ रही होती है कि शूजिन तुम्हें यहाँ पर लेकर आया पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रहा है। ग्रैंडपा इन दोनों की जैसे फाइट को देखती हैं तो वो रुकते हुए कहते हैं कि बस भी करो, हम लोगों को खाना खाना चाहिए। इसके बाद हम हाओ को देखते हैं जो कि ज़ौली को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया होता है और ज़ौली जैसे ही तैयार होकर वहां पर आती है तो हाओ तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि ज़ौली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और वो ज़ौली की तारीफ करते हुए उससे कहता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम कोई और नहीं बल्कि ज़ौली हो। ज़ौली को उसकी बात सुनकर ऐसे लगता है कि जैसे उसकी इंसल्ट कर रहा हो, उसी बात पर वो नाराज होकर वहां से चले जाती है। और फिर वो ज़ौली के पास आकर उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि चलो हम दोनों खाना खाने के लिए चलते हैं। इधर शूजिन जैसे गाओ को अपने सामने दिखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आई, तो गाओ कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले। सोंगजी शूजिन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो शूजिन को अपने साथ वहां से ले जाती है। और गाओ इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है। और फिर वो ग्रैंडपा से बात करते हुए इनसे कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सोंगजी पसंद आ गई है और अब आप ये चाहते हो कि आप मेरी जगह सोंगजी को शूजिन की वाइफ बना लो। तो शूजिन के ग्रैंडपा से कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सोंगजी बहुत ही अच्छी बच्ची है और जहां तक बात रही शूजिन की शादी की तो मुझे सोंगजी भी पसंद है और तुम भी। अब डिपेंड करता है कि शूजिन किसे लाइक करता है, अगर वो सोंगजी से शादी करना चाहता है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाओ को ग्रैंडपा की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वहां से चले जाती है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि बैठकर खाना खा रहे होते हैं और बातों ही बातों में सोंगजी शूजिन से कहती है कि मुझे ग्रैंडपा ने तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताया और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। और शूजिन भी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर सैड हो जाता है। तो सोंगजी उसका हाथ पकड़ते हुए इससे कहती है कि तुम सैड क्यों हो रहे हो, तुम्हारे पास ग्रैंडपा भी हैं और साथ ही साथ मैं भी हूँ, इसे तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतने अच्छे ग्रैंडपा हैं जो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और शूजिन भी सोंगजी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब मेरी लाइफ में सिर्फ ग्रैंडपा ही नहीं बल्कि तुम भी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ग्रैंडपा की मीट से कह रहे होते हैं कि हम कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, अगर ग्रैंडपा पूछेंगे तो आप उन्हें बता देना। और ये कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। और गाओ इन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। सोंगजी शूजिन से पूछती है कि हम दोनों कहां जा रहे हैं, तुम्हें टेस्ट मुझे बताओ तो सही। शूजिन कहता है कि हम जैसे ही पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद हम हाओ और ज़ौली को देखते हैं जो कि जीजू की बर्थडे पार्टी में आए होते हैं। लिली जैसे ज़ौली को देखती है तो वो उससे कहती है अरे वाओ तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। इधर हम जीजू को देखते हैं जो कि युआन को बता रहा होता है कि मैं ये फ्लावर्स लिली के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं आज उसे प्रपोज करने वाला हूँ। इसके बाद हम सबको देखते हैं जो कि पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ज़ौली इन सबसे कहती है कि मैं पिछले कुछ दिनों से काम की वजह से बहुत ज्यादा बिजी थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर सकूं। और आज भी मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाओ की वजह से आई हूँ और इसी वजह से वो हाओ को थैंक्स बोल रही होती है। इसके बाद हम जीजू को देखते हैं जो कि युआन के पास जाकर फ्लावर को लाने के लिए कह रहा होता है, पर तभी वहां पर लिली आ जाती है और युआन वहां से चले जाता है। पर जीजू युआन से बात करते हुए कहता है कि मैं लिली को प्रपोज तो करने वाला हूँ पर सच तो ये है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर लिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर। और ये कहते हुए जैसे ही पीछे देखता है तो सामने की ओर नहीं बल्कि लिली होती है और उसे देखकर एकदम शॉक रह जाता है। लिली उससे कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो, तो जीजू उसे बताता है कि फ्लावर्स हैं। तो लिली ने फ्लावर्स को लेकर उससे कहती है अगर तुम किसी लड़की को डेट करना चाहती हो तो तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद वहां से चले जाती है।
है और बेचारा जीजू तो दिखता ही रह जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग बनना होगा। इधर हम सॉन्गजी और शिजुन को देखते हैं जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए एक लोकेशन पर आए होते हैं और शिजुन सॉन्गजी से कह रहा होता है कि तुम देखना पैराग्लाइडिंग से तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। सॉन्गजी से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर शिजुन कहता है कि कुछ नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि गौ भी वहाँ पर आ जाती है और वो जैसे ही शिजुन और सॉन्गजी को ढूंढने के लिए जाने लगती है तो हम देखते हैं कि लिही भी वहाँ पर आ जाता है जो गौ को देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर गौ उससे ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो लिही कहता है कि मैं तो यहाँ पर फोटोशूट के लिए आया था। पर तुम यहाँ पर कैसे? गौ कहती है कि मैं शिजुन और सॉन्गजी के पीछे आई हूँ। तो लिही उससे कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि शिजुन और सॉन्गजी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए आए हैं। तो गौ उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल और मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ कि वो दोनों के साथ क्या कर रहे हैं। और वो लिही से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि शिजुन जैसे ही मुझे देखेगा तो वो सॉन्गजी के साथ पैराग्लाइडिंग नहीं करेगा बल्कि उसकी जगह वो मेरे साथ पैराग्लाइडिंग करेगा। पर अगर हम शिजुन और सॉन्गजी को देखते हैं जो कि पैराग्लाइडिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी गाओ लिही से ये बातें कर रही होती है तभी वहां पर इनका एक फ्रेंड आकर इन्हें बताता है कि सॉन्गजी और शिजुन तो एक दूसरे के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। लिही जैसे उसकी बात सुनता है तो वो गाओ से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि शिजुन सॉन्गजी के साथ नहीं जाएगा पर तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत निकली। और तभी शिजुन और सॉन्गजी अपनी लैंडिंग करते हैं और ये दोनों दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं और गाओ इन दोनों को इतना खुश देखकर जेलस हो रही होती है। लिही गाओ को समझाते हुए इससे कहता है कि तुम्हें इन दोनों को देखकर अपने आप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर शिजुन तुम्हें लाइक नहीं करता तो तुम्हें उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि मूव ऑन करना चाहिए। पर गाओ जो कि बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है इसलिए वो लिही के किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहां से चले जाती है। और लिही बेचारा तो यही सोच रहा होता है कि मैं गाओ के लिए क्या कर सकता हूँ जिससे ये हैप्पी हो जाए। इधर हम ज़ाओली और हाओ को देखते हैं जहाँ ये दोनों बैठकर शिजुन और सॉन्गजी के बारे में ही बात कर रही होती हैं। हाओ ज़ाओली से कहता है कि शिजुन सॉन्गजी को डेट कर रहा है पर उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अब तक किसी को कुछ भी नहीं पता तो इसलिए हम दोनों को उनके लिए कुछ करना चाहिए। और वो ज़ाओली से कहता है कि सॉन्गजी जैसे यहाँ पर आएगी तो तुम उससे कहना कि तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को वी चैट पर पोस्ट करो। तो ज़ाओली से कहती है कि ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो मैं कह दूंगी। तभी वहाँ पर शिजुन और सॉन्गजी भी आ जाते हैं। ज़ाओली सॉन्गजी से कहती है कि ग्रैंडपा का विलेज कैसा था। तो सॉन्गजी से ग्रैंडपा के विलेज की कुछ फोटोज दिखाती है। तो ज़ाओली से कहती है कि तो सच में बहुत ही प्यारा गांव है। और फिर सॉन्गजी ज़ाओली से कहती है कि मैं तुम्हें फोटोज तो दिखा दी अब तुम्हें मेरे लिए एक डेट को पूरा करना होगा। और वो उससे कहती है कि वो जो सामने लड़का बैठा हुआ है वो कितना ज्यादा हैंडसम है तुम्हें उसके पास जाकर उससे बात करनी होगी और उससे कहना होगा कि मेरा फोन गुम चुका है अब मुझे किसी पर्सन को कॉल करनी है। और ज़ाओली जो कि हाओ को जेलस फील करवाना चाहती थी तो वो सॉन्गजी से कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। पर हाओ से रुकते हुए कहता है कि यहाँ पर शिजुन भी बैठा हुआ है और मैं भी और हम दोनों क्या उस लड़के से कम हैंडसम हैं जो तुम इस डेट को पूरा करने के लिए उसके पास जा रही हो। अगर किसी हैंडसम लड़के के पास ही जाना है तो तुम इस डेट को या तो मेरे साथ पूरा कर लो या फिर शिजुन के साथ। और वो ज़ाओली से कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि हम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो ज़ाओली से कहती है कि हाँ ठीक है। और वो सॉन्गजी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को वी चैट पर पोस्ट करो जिससे सब लोगों को पता चल जाए कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो सॉन्गजी से कहती है कि ठीक है। और फिर वो शिजुन के साथ फोटोज लेने के बाद वी चैट पर पोस्ट कर देती है। सीन शिफ्ट होता है हम टैंक को देखते हैं जो जैसे सॉन्गजी का पोस्ट देखता है तो एकदम फ्रीज रह जाता है। और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सॉन्गजी को पता चला था कि टैंक हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहा है और इसी बात पर वो टैंक से नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ पर इस बारे में मुझे नोटिस बोर्ड से पता चल रहा है। टैंक से बात करने की कोशिश करता है पर सॉन्गजी उसकी किसी बात को नहीं सुनती और वो कहती है कि हमारी फ्रेंडशिप यहीं तक थी और वहां से चले जाती है। इसके बाद हम टैंक को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ सॉन्गजी के बारे में ही बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड टैंक से कहता है कि अगर तुम सॉन्गजी को इतना ही लाइक करते हो तो तुम्हें उसके पास जाकर अपने दिल की बात को करना चाहिए। और वो कहता है कि अभी देर नहीं हुई है उससे पहले कि देर हो जाए तुम्हें सॉन्गजी के पास जाकर बात करनी चाहिए। इसके बाद हम टैंक को देखते हैं जो कि सॉन्गजी से मिलने के लिए आया होता है और उससे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए अब्रॉड जाना था और यही वजह थी कि मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे ये था कि तुम मुझे जाने से रोक लोगी जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं तुमसे प्यार तो करता था पर मेरे लिए मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा जरूरी था और इसी वजह से मैं अब्रॉड गया था। सॉन्गजी की बात सुनकर उससे कहती है कि मुझे पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी और कहती है कि तुम्हें भी मूव ऑन करना चाहिए।
चाहिए, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट टाइम सांगजी को देखती है जो कि जावली के साथ अपनी शॉप के सेल्स के बारे में कुछ बात कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम हाओ को देखते हैं जो कि शुजिन के पास कुछ बात करने के लिए आया होता है। शुजिन उससे कहता है कि क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। तो हाओ से कहता है कि तुम मुझे बताओ, कल जावली जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम था? तो शुजिन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो हाओ से कहता है क्या मतलब? तो शुजिन कहता है कि नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, वो तुमसे हैंडसम बिल्कुल नहीं था। तो हाओ कहता है कि वही तो मैं कह रहा हूँ, जब जावली ने ये बात की तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो अंधी हो गई है जिससे मैं नजर नहीं आ रहा और वो किसी और लड़के को हैंडसम समझ रही है। इधर हम लीही को देखते हैं जो कि गाँव का फोटो शूट कर रहा होता है, पर गाँव जो कि बहुत ज्यादा सैड होती है इसलिए उसकी फोटोज बहुत ही बुरी आती है। और यहाँ पर लीही का फ्रेंड भी उससे गाँव के बारे में ही बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फोटोज को देखा है और वो बहुत ही खराब आई है। उससे पूछता है क्या गाँव के साथ कोई प्रॉब्लम है, और गाँव उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा सैड होती है और वहाँ से चले जाती है। लीही गाँव के असिस्टेंट से आकर उससे पूछता है कि गाँव कहाँ पर है, तो असिस्टेंट उससे कहती है कि वो यहाँ से जा चुकी है। और फिर लीही गाँव के पास आकर उससे बात करता है और कहता है कि क्या बात है, तुम सैड क्यों हो? गाँव उससे कहती है कि मेरा दिल टूट चुका है और मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती। लीही से समझाता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर शुजिन तुम्हें लाइक नहीं करता तो तुम्हें इस बारे में सोचकर सैड नहीं होना चाहिए बल्कि मूव ऑन करना चाहिए। तो गौस की बात सुनकर कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं शुजिन को भूल जाऊंगी। और भी दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। लीही गौस से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पार्कलर्स लेकर आया हूँ क्योंकि तुम आज से अपनी एक नई जिंदगी को शुरू कर रही हो। और भी दोनों स्पार्कलर्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम शुजिन को देखते हैं जो कि सांगजी से एक कैफे में मिलने के लिए आया होता है, और तभी वहाँ पर एक लड़की जो कि कैप्टन शुजिन की फैन होती है वो उससे कहती है कि मुझे आपका वीचैट अकाउंट की आईडी मिल सकती है। सांगजी जैसे ये देखती है तो उस लड़की के पास आकर उसे कहती है कि मेरे पास इसकी वीचैट आईडी है, अगर तुम लेना चाहती हो तो बेसिक ले लो। वो लड़की पूछती है कि कौन है, तो सांगजी उससे कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसकी गर्लफ्रेंड। तो वो लड़की वहाँ से चले जाती है। और फिर शुजिन सांगजी के पास आकर उससे कहता है क्या तुम जेलस हो? तो सांगजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम उसे वीचैट पर ऐड करना चाहती हो तो बेशक कर लो। पर शुजिन उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं उस लड़की को ऐड नहीं करूंगा और उसकी रिक्वेस्ट को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट टाइम शुजिन को सांगजी के साथ देखते हैं, तभी डोर नॉक होता है और शुजिन जैसे ही जाकर देखता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि गाँव होती है। और वो शुजिन से कहती है कि मैं यहाँ पर सांगजी से कुछ बात करने के लिए आई हूँ, और शुजिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर वो सांगजी से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए नहीं आई बल्कि तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए आई हूँ। और सांगजी से कहती है कि जहाँ तक बात रही शुजिन की तो मैंने उस पर गिव अप नहीं किया बल्कि मुझे पता चल चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है, इसलिए मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो सांगजी को कुछ लेटर्स देते हुए कहती है कि ये शुजिन के कॉलेज के हैं और ये लेटर्स किसी और ने नहीं बल्कि कुछ लड़कियों ने उसे दिए थे जो कि मेरे पास पड़े हुए थे, अगर तुम चाहो तो इन लेटर्स को पढ़ सकती हो, और वैसे भी आज के बाद ये लेटर्स तुम्हारे हैं। और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देती हैं और ऐसे ही बातें करते हुए अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं। इधर हम लीही को देखते हैं जो कि शुजिन से मिलने के लिए आया होता है, और वो उससे कहता है कि मैंने सांगजी का पोस्ट देखा था और मुझे पता चल चुका है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। और वो शुजिन से कह रहा होता है कि सांगजी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम इसे तंग किया तो फिर तुम देख लेना। तो शुजिन से कहता है कि तुम क्या कर लोगे? तो लीही कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड का ख्याल रखना। और फिर शुजिन लीही के साथ बैठकर बियर पी रहा होता है, और बातों ही बातों में वो उससे गाँव के बारे में पूछता है और कहता है क्या तुम गाँव को लाइक करते हो? पर लीही कहता है कि नहीं, वो बस मेरी फ्रेंड है। और फिर शुजिन लीही से कहता है कि तुम तो सांगजी को बचपन से जानती हो, तो चलो मुझे उसके बचपन के बारे में कुछ बताओ। लीही उसे अपनी और सांगजी के बचपन की फोटो दिखाते हुए कहता है कि सांगजी मुझे बचपन में बहुत ज्यादा बुली किया करती थी। शुजिन सांगजी की फोटो को देखकर लीही से कहता है कि मुझे इन फोटोज को सेंड करो। नेक्स्ट सीन में हम सांगजी को देखते हैं जो कि शुजिन के सामने उन्हीं लेटर्स को पढ़ रही होती है जो कि कॉलेज टाइम में लड़कियों ने शुजिन के लिए लिखे होते हैं, और उन लेटर्स की वजह से शुजिन बहुत ज्यादा एम्बैरस फील कर रहा होता है और सांगजी से कहता है कि बस भी करो, तुम कब से इन लेटर्स को पढ़ रही हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सांगजी शुजिन से कहती है कि तुम्हें इतने सारे लेटर्स मिले हैं पर क्या तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई? तो शुजिन उसे कहता है कि नहीं, मेरे सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और वो तुम हो। नेक्स्ट टाइम गाँव को देखते हैं जो कि अपने शूट के लिए फोटोशूट करवा रही होती है, और शूट खत्म होने के बाद उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि हमें स्पॉन्सरशिप के लिए एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाना है। पर गाँव जिसका जाने का बिल्कुल मूड नहीं होता, तो वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि जाकर मेरे लिए कुछ चीजें लेकर आओ। और वो जैसे वहां से जाती है तो गाँव भागते हुए जा रही होती है, तभी वहां से लीही आ जाता है और ये दोनों उसके साथ टकरा जाती है। गाँव लीही से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लीही कहता है कि मैं तो कुछ काम से आया था, तुम क्या कर रही हो? तो गाँव कहती है कि मैं शूट के सिलसिले में आई थी। और फिर इन दोनों के क्लब में देखते हैं जहाँ ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर गाँव का एक ओल्ड फ्रेंड आ जाता है जो इन दोनों से कहता है कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं,
तुम लोग भी आकर हमें ज्वाइन कर लो। और वह गाँव का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो लिही से रखते हुए कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। पर गाँव लिही से कहती है कि हम दोनों वहाँ जाकर क्या करेंगे, हम लोग तो बोर होंगे। तो लिही कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखना मैं क्या करता हूँ। और फिर दोनों वहाँ जाकर गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। और लिही तो इतना बुरा गाना गाता है कि वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए अपने कान बंद कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर ये दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। और फिर लिही गाँव से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ। और फिर वो गाँव के लिए गाना गाता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और गाँव भी लिही के गाने को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। इसके बाद हम गाँव को देखते हैं जो कि लिही के बारे में ही सोच रही होती है और उसे तो नींद नहीं आ रही होती। तो वो खुद से कहती है कि मुझे क्या हो गया है, कहीं मुझे लिही से प्यार तो नहीं हो गया। पर फिर वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बस मेरा फ्रेंड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम जावली को देखते हैं जो कि रेस्क्यू सेंटर आई होती है। हाउ जैसे उसे देखता है तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर। जावली कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्नैक्स ले जाऊँ। तो हाउ से कहता है कि अच्छी बात है। और फिर वो जावली से कहता है कि आज रात को मेरे पास दो टिकट्स हैं मूवीज की जो कि बहुत ही मजे की हैं, अगर तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहती हो तो चलो हम दोनों चलते हैं। पर जावली से मना कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। तभी वहां पर लिली आकर हाउ से कहती है कि कहीं तुम जावली पर ट्राई तो नहीं कर रहे। तो हाउ से कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस से पूछ रहा था कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या फिर नहीं। और वो कहता है कि अगर ये नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं जो को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी वहां पर जो आ जाता है और उससे पहले कि जो कुछ बोल पाता हाउ से कहता है कि तुमने ट्रेनिंग कर ली है और उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। और फिर जो हाउ से इसी बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम जावली को लाइक करते हो तो तुम उसके पास जाकर अपना लव कन्फेस क्यों नहीं कर लेते। पर हाउ से कहता है कि मैं जावली के क्लोज पर इसलिए आया था क्योंकि मैं शुजिन को सॉन्गजी का फ्रेंड बनाने में उसकी हेल्प करना चाहता था, और मेरे दिल में जावली के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और उसकी ये बातें जावली भी सुन लेती है जिसे बहुत ही बुरा लगता है। और वो हाउस से कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, वही कहने के बाद वहां से चले जाती है। पर फिर हाउस जावली के पास आकर उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी, मैं पहले तुम्हें लाइक नहीं करता था पर अब सच तो ये है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड ना बनकर रहें बल्कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पर जावली जो कि हाउ की किसी बात को नहीं मानती है वहां से चले जाती है। और यहाँ भी जो हाउस इसी बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि बॉस आप मुझसे कह रहे थे कि आप जावली को पहले लाइक नहीं करते थे पर अब आप उससे प्यार करते हो, तो आपको जाकर उससे सॉरी बोलना चाहिए और उससे मनाना चाहिए। तो हाउ कहता है कि ठीक है मैं उससे जाकर बात करूंगा। तो जो कहता है कि कब करोगे और कहता है कि अभी जाओ। तो हाउ कहता है कि ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि हाउ जावली से बात करने के लिए आया होता है और जावली जो कि जॉगिंग के लिए जा रही होती है, इसलिए वो हाउ की कोई भी बात नहीं सुनती है, वहां से चली जाती है। और फिर हाउ जावली से बात करने की कोशिश कर रहा होता है तो जावली से कहती है कि वो देखो वहां पर कुछ लेडीज स्केट डांस कर रही हैं, तुम जाकर डांस करो, अगर तुमने अच्छा डांस किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हाउ तो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो जाकर डांस करना शुरू कर देता है और वो बहुत अच्छा डांस करता है। और जब जावली से देखती है तो वो हंसना शुरू कर देती है और ये लेडीज भी हाउ की तारीफ करते हुए इससे कहती है कि वाओ तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहती हो, उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। तो हाउ इन्हें बताता है कि मैं पोलो रेस्क्यू सेंटर का कैप्टन हूँ। ये लेडीज हाउ से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो हाउ उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल वो देखें। इसके बाद हम सॉन्गजी और जावली को देखते हैं जिनके इस मंथ की सेल बहुत ही अच्छी होती है और इसी बात पर ये दोनों सेलिब्रेट कर रही होती है और शुजिन और हाउ ने भी इन्हें ज्वाइन किया होता है। नेक्स्ट डे हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि अपने बिजनेस पार्टनर टैंक के फ्रेंड से मिलने के लिए आई होती है और वहीं पर शुजिन भी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि टैंक भी वहां पर आ जाता है जो कि सॉन्गजी के लिए फ्लावर्स लेकर आया होता है। तो शुजिन उसके पास आकर उससे कहता है कि फ्लावर्स का शुक्रिया, पर उससे पूछता है कि तुम यहां पर क्या लेने के लिए आए हो। तो टैंक उससे कहता है कि मेरे फ्रेंड की पार्टी है और मैं इसलिए यहां पर आया हूं। और वे हम देखते हैं कि टैंक जैसे ही सॉन्गजी के साथ ड्रिंक करने वाला होता है तो शुजिन वहां पर आकर उससे कहता है कि सॉन्गजी ड्रिंक नहीं करेगी बल्कि उसकी जगह ड्रिंक मैं करूंगा। और वे दोनों दूसरे के साथ ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा पी पीकर टली हो जाते हैं। इसके बाद हम इन दोनों को वॉशरूम में देखते हैं जहां ये दोनों सॉन्गजी को लेकर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। शुजिन उससे कहता है कि सॉन्गजी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड, पर टैंक उससे कहता है कि मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, पर उसके पेरेंट्स के लिए उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, और तुम देख लेना सॉन्गजी के साथ किसी और की शादी नहीं होगी बल्कि मेरी शादी होगी। इधर सॉन्गजी जावली के पास आकर उससे पूछती है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। जावली कहती है कि वो वॉशरूम में हैं और सॉन्गजी जैसे इन दोनों को आकर देखती है तो इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। तो वो कहती है क्या तुम लोग पागल हो, अगर तुम लोग बियर को कंट्रोल नहीं कर पाते तो इतना ज्यादा पीने के लिए तुम्हें किसने कहा था, और इन दोनों से चलने के लिए कहती है। इसके बाद हम हाउ को देखते हैं जो कि सॉन्गजी से कहता है कि मैं जावली को उसके घर ड्रॉप कर दूंगा। और ये सब लोग वहां से चले जाते हैं पर हम देखते हैं कि शुजिन और टैंक अभी तक वहीं पर होते हैं और ये दोनों दूसरे से कह रहे होते हैं कि हम दोनों बडीज हैं, चलो हम दोनों जाकर गेम्स खेलते हैं। इधर हम हाउ को देखते हैं जो कि जावली को घर छोड़ने के लिए आया होता है, पर ये दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं इसलिए ये दोनों दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम टैंक को देखते हैं जिसकी जैसी आंख खुलती है तो वो शुजिन को अपने साथ लेटा हुआ पाता है और ये देखकर एकदम शॉक रह जाता है।
ये दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन दोनों की आवाज सुनकर जीजो जो भी वहाँ पर आ जाती है, चंदोरे से कहती है कि फाइट करना बंद करो। शुजिन जो से पूछता है कि मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जो इन दोनों को बताता है कि कल रात को तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और गेम्स खेल रहे थे, और तुम दोनों तो ये कह रहे थे कि तुम दोनों बडीज हो। और फिर जो इन दोनों को वीडियो दिखाता है जिसमे ये दोनों एक दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे होते हैं और ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। ये दोनों जैसे इस वीडियो को देखते हैं तो शुजिन कहता है कि जल्दी से इस वीडियो को डिलीट करो, पर जो कहता है कि मैंने इस वीडियो को सॉन्ग्जी को शेयर कर दिया था। शुजिन को इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर हम सॉन्ग्जी को देखते हैं जो जैसे इस वीडियो को देखती है, तो उसे पता चलता है कि कल रात को ये दोनों दूसरे के साथ थे, कभी गेम्स खेल रहे थे तो कभी ड्रिंक्स पी रहे थे। और यहाँ तक कि शुजिन ने तो टैंक से ये भी कहा था कि सॉन्ग्जी मेरी गर्लफ्रेंड है ना कि तुम्हारी, इससे तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। और ड्रिंक पीने की वजह से ये दोनों उल्टी भी कर देते हैं। सॉन्ग्जी जैसे ये दिखती है तो वो जो से पूछती है कि अब ये दोनों कैसे हैं, तो वो कहता है कि कल रात से बहुत बेहतर हैं। नेक्स्ट सीन में हम जॉली और हाओ को देखते हैं जो कि कल रात वाले इंसिडेंट की वजह से बहुत ज्यादा एम्बैरस होते हैं। जॉली हाओ से कह रही होती है कि कल रात को हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ तुम इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, और कहती है कि हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि हम कल रात को भूल जाएं, इस बारे में कोई भी बात मत करें। तो हाओ भी समझ जाता है कि जॉली इस बारे में बात करते हुए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही है, और फिर जॉली हाओ से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो हाओ से कहता है कि ठीक है, और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो जॉली कहती है कि हाँ ठीक है जाओ। नेक्स्ट डे हम जॉली को देखते हैं जो कि सॉन्ग्जी के पास आकर उससे बता देती है कि कल रात को मैं और हाओ एक दूसरे के साथ थे और हम दोनों ने एक साथ ही नाइट स्पेंड की थी। सॉन्ग्जी उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है कि हाओ की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा फायदा उठाने की। पर जॉली उसे रोकते हुए कहती है कि इसमें हाओ का कोई भी कसूर नहीं है, बल्कि सारा कसूर मेरा है क्योंकि मैं ही बहुत ज्यादा ड्रंक थी और मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। इधर हाओ भी शुजिन को इसी बारे में बता रहा होता है और कहता है कि कल रात को मैंने जॉली के साथ नाइट स्पेंड की थी। शुजिन उससे कहता है कि अरे वाह तुम तो बहुत फास्ट निकले। पर हाओ उससे कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा एम्बैरस फील कर रहा हूँ कि मैं जॉली को फेस कैसे करूंगा। और इससे पहले कि वो शुजिन से कुछ और कह पाता तभी जीजो आगे ने बताता है कि साथ वाले शहर में अर्थक्वेक आया है और हमें रेस्क्यू के लिए जल्दी वहां जाना होगा। इधर हम सॉन्ग्जी और जॉली को देखते हैं जिन्हें भी अर्थक्वेक के बारे में पता चल चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम टैंक को देखते हैं जो कि बुक को पढ़ते हुए अपने कॉलेज के दिनों के बारे में याद कर रहा होता है और उस टाइम के बारे में सोचता है जब सॉन्ग्जी ने उसके साथ ब्रेकअप किया था। नेक्स्ट टाइम इन दोनों को देखते हैं जहाँ ये दोनों अपनी शॉप के बारे में लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि कंपनी ने इनकी शॉप के लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए होते हैं और साथ ही साथ इनकी शॉप के खिलाफ एक कंप्लेन भी की होती है। और ये दोनों इसी बारे में बात कर रही होती हैं कि आखिर ये सब कुछ कौन कर सकता है। इधर हम टैंक को देखते हैं जो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए आया होता है और उससे कहता है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन के लिए एक सीट चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम फिक्र मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा। और इधर हम शुजिन को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम टैंक को देखते हैं जो कि सॉन्ग्जी से मिलने के लिए आया होता है। सॉन्ग्जी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो टैंक उससे कहता है कुछ खास नहीं, बस मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग्जी की जैसे यहाँ खुलती है तो जॉली उसे आकर बताती है कि टैंक ने हमारी शॉप का सारा काम कर दिया है और तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर ये दोनों आकर उसी ईमेल को देख रही होती है जो कि उस कंपनी ने इनको किया होता है, उनके खिलाफ एक कंप्लेन भी दी होती है। इधर हम टैंक को देखते हैं, इसे पता चल चुका होता है कि किसी कंपनी ने सॉन्ग्जी की शॉप के खिलाफ एक कंप्लेन की है। नेक्स्ट सीन में हम जीजो को देखते हैं जो कि अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डाल रहा होता है। तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो लिली से कहता है कि अगर तुम आई ड्रॉप्स को यूज करना चाहती हो तो कर लो। तो लिली कहती है कि नहीं मुझे यूज नहीं करना, और फिर वो अपने हाथों से जीजो की आंखों में आई ड्रॉप्स डालती है और ये करते हुए बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और तभी वहां से चले जाती है। और फिर जीजो की कलीग उसके पास आकर उसे कहती है कि बॉस क्या बात है क्या चल रहा है। इसके बाद हम सॉन्ग्जी को देखते हैं जिसके पास उसी कंपनी की हेड आई होती है जिन्होंने सॉन्ग्जी की शॉप के खिलाफ एक कंप्लेन की होती है और वो सॉन्ग्जी से कह रही होती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी शॉप को बंद करना होगा नहीं तो मैं तुम्हारी शॉप को तहस नहस कर दूंगी। वो अपने गार्ड से कहती है कि यहाँ पर सारी चीजों को तोड़ दो। तभी वहाँ पर टैंक आ जाता है जो उस लड़की से कहता है कि अगर तुमने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और कहता है कि तुमने जो भी कंप्लेन की है वो फेक है और मैंने कोर्ट में इस बारे में बात कर ली है, इसे तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग्जी टैंक को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तो टैंक उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर हम देखते हैं कि दोनों बैठ कर खाना खा रहे होते हैं, अपनी शॉप के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग्जी शुजिन को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे हो, और शुजिन जैसे उसका मैसेज देखता है तो उसे रिप्लाई करने वाला होता है। तभी वहां पर हाओ आकर उससे कहता है कि हमें जल्दी से यहां से चलना होगा, कुछ जरूरी काम है। और फिर शुजिन सॉन्ग्जी को रिप्लाई करते हुए कहता है कि आज रात को हम एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे, और वहां से चले जाता है। इसके बाद हम सॉन्ग्जी को देखते हैं जो कि शुजिन से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है, और शुजिन हाओ से कहता है कि गाड़ी को जल्दी चलाओ मुझे सॉन्ग्जी से मिलने के लिए जाना है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां शुजिन सॉन्ग्जी से मिलने के लिए जा रहा
होता है। तभी उसे पता चलता है कि एक छोटा बच्चा मिसिंग है, उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना है, इसलिए शुजिन सांग से मिलने के लिए नहीं जाता। और वहीं हम सांगजी को देखते हैं जो कि शुजिन का ही वेट कर रही होती है। तभी वहां पर टैंक का फ्रेंड उसे देख लेता है और इधर शुजिन उस बच्चे को रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद हम टैंक को देखते हैं जो कि सांग से मिलने के लिए आया होता है। तो सांग उसे कहती है कि तुम यहां पर कैसे आए। टैंक उसे कहता है कि मेरे फ्रेंड ने तुम्हें यहां पर देख लिया था, उसने कहा कि तुम अकेली हो तो इसलिए मैं यहां पर आ गया। और तभी वहां पर एक वेटर आकर टैंक को फ्लावर्स देती है, और जब टैंक वो फ्लावर्स सांगजी को देता है तभी वहां पर शुजिन आ जाता है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर टैंक शुजिन कुछ भी कहे बगैर वहां से चले जाता है। शुजिन जो कि टैंक की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में टैंक को लेकर कुछ आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाती है। शुजिन कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी शॉप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो सारे टैंक ने सॉल्व किए हैं, इसलिए मुझे टैंक को थैंक्स बोलना चाहिए, ऐसी ही बात है ना। तो सांगजी से कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। शुजिन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे और टैंक के बीच में चल कर रहा है। सांगजी को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम आओ को देखते हैं जो कि जौली से मिलने के लिए उसके घर आया होता है, और जौली से कहती है कि तुम मेरे घर क्यों आए हो, और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी। हाउ से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फ्रेंड बनकर ना रहो बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और उस दिन हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पांसिबिलिटी मैं लूंगा। पर जौली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, उससे कहती है कि तुम यहां से जाओ। नेक्स्ट सीन में हम टैंक को देखते हैं, इसे यूनिवर्सिटी का लेटर मिल चुका होता है। इसके बाद हम हाउ और शुजिन को देखते हैं, और ये दोनों बहुत ज्यादा सैड होते हैं। शुजिन जो कि सांगजी की वजह से परेशान होता है, और हाउ जो कि जौली की वजह से, और ये दोनों एक साथ इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम दोनों क्या कर सकते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड मान जाएं। इसके बाद हम टैंक को देखते हैं जो कि सांगजी से मिलने के लिए आया होता है, और वो उससे कहता है कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो गया है। पहले तो सांगजी सेटर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, पर फिर वो टैंक से कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहती और मेरा आगे स्टडीज के बारे में कोई भी प्लान नहीं है। टैंक को पता चल जाता है कि सांगजी शुजिन की वजह से अपसेट है, इसलिए वो ये सब कुछ कह रही है। और फिर जौली भी सांगजी से इसी बारे में बात करती है, और उससे कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शुजिन की वजह से परेशान हो। तो सांगजी से कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा स्टडीज के बारे में कोई प्लान नहीं है और मैं अपना सारा फोकस अपनी शॉप पर करना चाहती हूँ। इसके बाद हम टैंक को देखते हैं जो कि शुजिन से मिलने के लिए आया होता है, और उससे कहता है कि मैं तुमसे दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि कल रात को जब तुमने मुझे सांगजी के साथ देखा तो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा तुमने सोचा, और दूसरी बात ये कि मैं सांगजी का एडमिशन करवाना चाहता हूँ पर उसने मुझे एडमिशन लेने से साफ साफ मना कर दिया, और उसका प्लान है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, और मुझे पता है कि वो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रही है क्योंकि वो तुम्हारी वजह से परेशान है। और टैंक उससे कहता है कि तुम्हें जाकर सांगजी से बात करनी चाहिए। इसके बाद हम शुजिन को देखते हैं जो कि सांगजी से बात करने के लिए आया होता है, और उससे कल रात के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। पर सांगजी जो कि शुजिन से भी नाराज होती है, और उससे कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, और कहती है कि तुम यहां से चले जाओ। और शुजिन भी सैड होकर वहां से चले जाता है, और ये दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते होते हैं कि हमें दूसरे से बात करनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए, पर ये दोनों दूसरे को मैसेज नहीं करते। इसके बाद हम सांगजी को देखते हैं जो कि अपने नेबर के पास जाकर उससे कह रही होती है कि तुमने इतनी रात को शोर मचाया हुआ है कि तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारे साथ वाले कितने ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। पर वो पर्सन कहता है कि मेरा घर है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, और कहता है कि तुम इससे क्या, चुपचाप जाकर सो जाओ। और ये कहने के बाद दरवाजा बंद कर देता है। सांगजी कहती है कि किस तरह का पागल इंसान है। नेक्स्ट सीन में हम गांव को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कह रही होती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, और कहती है कि मेरा शूट खत्म हो गया है। पर वो जैसे लीही को वहां पर दिखती है तो वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और फिर वो लीही के पास जाकर उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लीही उससे कहता है कि मुझे शूट के लिए एक स्विमर चाहिए, तो गांव से कहती है कि मैं हूं ना। और फिर हम गांव को देखते हैं जो कि एक मरबेट की तरह स्विमिंग कर रही होती है, और लीही इसकी फोटोज ले रहा होता है। पर तभी गांव का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, और लीही जैसे ही देखता है तो उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पर लीही को तो खुद तैरना नहीं आता होता, इसी स्विमर जाकर इन दोनों की जान को बचाते हैं। इसके बाद लीही गांव से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो गांव से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती है कि तुम्हें तैरना नहीं आता था फिर तुम पानी में क्यों कूदे। तो लीही से कहता है कि मुझे भारी फिक्र हो रही थी बस इसलिए। गांव लीही की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, और उससे कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो और हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। तभी वहां पर गांव की असिस्टेंट आ जाती है जो लीही की इंसल्ट करते हुए उससे कहती है कि तुम्हें खुद तो तैरना नहीं आता पर तुम मेरी फ्रेंड की जान बचाने के लिए पानी में कूद गए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बस शो ऑफ कर रहे थे। गांव अपने असिस्टेंट को रोकने की कोशिश करती है, और लीही को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वहां से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हाउ को देखते हैं जो कि जौली को मैसेज करता है, उससे कहता है कि आज रात को मैं क्लब में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी। पहले तो जौली सोचती है कि मुझे इसे मना कर देना चाहिए, पर फिर वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चले जाऊंगी, और उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, और वहां बैठकर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तभी वहां पर हाउ की एक फ्रेंड आकर जौली से कहती है कि मुझे तुम्हारी वीचैट की आईडी मिल सकती है, तो जौली उसे अपनी वीचैट की आईडी दे देती है।
है। इसके बाद हम जावली को देखते हैं जो जैसे अपने घर वापस आती है तो उससे उसी लड़की का मैसेज आता है जिसने उससे उसकी वीचैट की आईडी ली थी और वो जावली से कहती है कि मेरे पास हाओ के बारे में कुछ प्राइवेट मैसेजेस हैं और फिर वो जावली को उन मैसेजेस को सेंड करती है जिसमें हाओ एक लड़की से कुछ प्राइवेट बातें कर रहा था, मतलब ये कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जावली जैसे इन मैसेजेस को पढ़ती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मुझे हाओ पर यकीन नहीं करना चाहिए, वो एक नंबर का चीटर है। सीन शिफ्ट होता है और हम शूजिन को देखते हैं जो कि सॉन्ग की वजह से बहुत ज्यादा सैड था और वो बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है। तभी हाओ उसके पास आकर उसे बताता है कि जावली ने मुझे बताया था कि सॉन्ग का नेबर आज उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। शूजिन जैसे वहां से जाने लगता है तो हाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम इस टाइम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, जब तुम ठीक हो गए तो जाकर उसकी क्लास ले लेना। इधर हम गाओ को देखते हैं जो कि लीही की वीडियो को दिख रही होती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहां पर उसकी असिस्टेंट आकर उससे कहती है कि क्या बात है। गाओ जैसे उसे देखती है तो कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। गाओ की असिस्टेंट उससे पूछती है कहीं तुम्हें लीही से प्यार तो नहीं हो गया, तो गाओ से कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरा फ्रेंड है। इसके बाद हम लीही को देखते हैं जो कि गाओ के लिए स्विमिंग सीखने के लिए आया होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हाओ को देखते हैं जिसे जावली ने एक क्लब में इनवाइट किया होता है। उसके साथ वो सारी लड़कियां भी होती हैं जिनसे हाओ ने चैटिंग की होती है और फिर ये सभी लड़कियां हाओ को अपना इंट्रोडक्शन करवाती हैं। जावली हाओ से कहती है तुम सबको जानते होगे, पर हाओ साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ। जावली हाओ को बताती है कि ये सारी वही लड़की हैं जिनके साथ तुमने चैटिंग की थी और कहा था कि तुम इन सबसे प्यार करती हो, पर हाओ उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये सरासर झूठ है, मैंने इन्हें कोई भी मैसेज नहीं किया। तो जावली उसे वीचैट के मैसेजेस दिखाते हुए कहती है कि ये देखो ये तुम्हारे ही मैसेजेस है ना, पर हाओ से कहता है कि इस अकाउंट का लोगो और नेम मेरा है पर ये अकाउंट मेरा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये फेक अकाउंट है और मुझे नहीं पता कि इस अकाउंट को कौन यूज कर रहा है और वो कौन पर्सन है जो मेरे नाम को यूज करते हुए इन लड़कियों से बात कर रहा है। पर जावली को लगता है कि हाओ झूठ बोल रहा है, इसी लड़की से कहती है कि इसे मारो और बहुत ज्यादा मार खाने के बाद हम हाओ को देखते हैं जिसके सारे बाल खराब हो चुके होते हैं। तभी जावली वहां से जाने लगती है तो हाओ से रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पर जावली उसकी कोई बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि तुम एक नंबर के फ्रॉडी हो और ये कहने के बाद वहां से चले जाती है। इधर हम शूजिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे सॉन्गजी के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद हम जावली को देखते हैं जो कि सॉन्गजी को आकर बताती है कि हाओ ने मेरे साथ चीट किया। सॉन्गजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है कि मैं उसका जाकर बुरा हाल कर दूंगी। तो जावली कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्गजी का नेबर बहुत ही लाउड म्यूजिक बजा रहा होता है और ये दोनों उससे बात करने के लिए आती है, पर उसका नेबर सॉन्गजी से बहुत ही रूड में बात करता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो और दरवाजे को बंद कर देता है। और ये दोनों कहती हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ये ऐसे बास नहीं आएगा। इधर हम टैम को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है और उससे पता चलता है कि सॉन्गजी को हेल्प चाहिए, तो अपने फ्रेंड से कहता है कि गाड़ी को घुमाओ मुझे सॉन्गजी के घर जाना है। पर वो जैसे वहां पर पहुंचता है तो वो सामने शूजिन को देखता है, वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे जाने की अब कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आ गया है। और फिर शूजिन जाकर सॉन्गजी के नेबर की अच्छी खासी क्लास लेता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और भाई तुम डांस करने के लायक नहीं रहोगे। शूजिन की बातें सुनकर सॉन्गजी का नेबर डर जाता है और कहता है कि जैसे तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और सॉन्गजी और जावली भी इन दोनों की बातें सुन लेती हैं। सॉन्गजी शूजिन से कहती है कि आओ हमारे साथ आकर खाना खा लो, पर हम देखते हैं कि दोनों बैठकर एक दूसरे साथ बात नहीं कर रहे होते बल्कि बस घूर रहे होते हैं। तो जावली कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहां से जाना चाहिए और वहां से चले जाती है। और फिर शूजिन सॉन्गजी से सॉरी कहता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और सॉन्गजी उसे माफ कर देती है और कहती है कि रात काफी हो गई है, तुम्हें आज रात के लिए यहीं पर रुक जाना चाहिए। और ये कहने के बाद सोने के लिए चले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्गजी की जैसी आंख खुलती है तो उसे शूजिन का लेटर मिलता है जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है और मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हम हाओ को देखते हैं जो कि शूजिन को कल रात वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि कोई पर्सन मेरे फेक अकाउंट से बहुत सारी लड़कियों को मैसेज कर रहा है। और जावली को लगता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ और वो शूजिन से कह रहा होता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, पर शूजिन उसे तंग करने के लिए कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तो हाओ से कहता है कि तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो। और फिर हाओ सीधा जावली से मिलने के लिए आता है, पर जावली जो कि बहुत गुस्से में होती है इसलिए वो हाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो और कहती है कि यहाँ से जाओ। पर हाओ से कहता है कि तुम प्लीज मुझे 5 मिनट दो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। और फिर हाओ से अपने वीचैट का अकाउंट दिखाते हुए कहता है कि ये देखो मेरे अकाउंट का आईपी एड्रेस चेंज है और जिस अकाउंट से मैसेज हुए थे उस अकाउंट का आईपी एड्रेस बिल्कुल चेंज है, मतलब ये कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ। तो जावली कहती है कि हो सकता है कि तुम डिफरेंट आईपी एड्रेस से उन लड़के को मैसेज कर रहे हो। हाओ जावली से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और सच तो ये है कि मैं बेकसूर हूँ, अगर
तो मेरी बात को नहीं मानना चाहती, तो बेशक मत मानो। ज़ाओली उससे कहती है कि मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक तुम उस पर्सन को ढूंढ कर नहीं लाओगे जो इन सबके पीछे है। तो हाओ कहता है कि अब उस पर्सन को मैं ही ढूंढूंगा। इधर सांगजी ज़ाओली से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही, अगर हाओ ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो फिर। ज़ाओली कहती है कि वैसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि मुझसे प्यार करता है। और इधर हम हाओ को देखते हैं जो कि बड़े ही मजे से फोन यूज कर रहा होता है। तो शुजिन से कहता है कि क्या बात है, तुम बहुत चिल नजर आ रहे हो। तो हाओ कहता है कि मैं ज़ाओली के साथ ब्रेकअप करने वाला हूँ, और ऐसा करने से ही उसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स पैदा होंगी। शुजिन कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा क्या प्लान है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि फेक अकाउंट वाले पर्सन को कॉल करती हैं और उसे मिलने के लिए बुलाती हैं। इधर हाओ और शुजिन को भी इस बारे में पता चल चुका होता है, और हाओ शुजिन से कहता है कि हमें भी जाना चाहिए। और फिर हम ज़ाओली को देखते हैं जो कि उस पर्सन का वेट कर रही होती है, और ये तीनों ज़ाओली पर नजर रख रहे होते हैं और बस यही सोच रहे होते हैं कि आखिर वो पर्सन कौन है जो ज़ाओली से मिलने के लिए आ रहा है। और फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि ज़ाओली को मैसेज करने के बाद कहता है कि मैं आ रहा हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि एक चोर ज़ाओली का पर्स चुराने के बाद वहाँ से भाग जाता है, और ये पर्सन उस चोर का पीछा कर रहा होता है और उस चोर को पकड़ लेता है। और शुजिन भी वहाँ पर आ जाता है, और पुलिस आकर इस चोर को ले जाती है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि इनका फ्रेंड जो होता है। और ज़ाओली को पता चल जाता है कि वो मैसेज करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि यही है। इधर हम शुजिन और हाओ को देखते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और वो जो से पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। जो इन दोनों से कहता है कि मैं तो बस प्रैंक कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ हाओ बहुत बार प्रैंक कर चुका है, पर मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा प्रैंक तुम सब पर इतना भारी पड़ जाएगा और हाओ मुझसे नाराज हो जाएगा। और वो हाओ से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से इस तरह का प्रैंक नहीं करूंगा। पर हाओ जो कि जो से नाराज होता है इसलिए उसे माफ नहीं कर रहा होता। तो जो से कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर हम देखते हैं कि जो जैसे वहाँ से जाने लगता है तो हाओ उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। उससे माफ करते हुए कहता है कि प्लीज आगे से इस तरह का प्रैंक मत करना। इसके बाद हम इन चारों को देखते हैं जो कि बैठकर खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। शुजिन सांगजी को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हाओ ज़ाओली से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और कहता है कि हम दोनों का ये केस सॉल्व हो चुका है और तुम्हें पता चल चुका है कि मैं बेकसूर हूँ। और फिर वो ज़ाओली से अपना लव कन्फेस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर ज़ाओली उसे रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि मैं इस बारे में अभी कोई भी बात नहीं करना चाहती, और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाती है। और ज़ाओली की इस बात से बेचारे हाओ का दिल टूट जाता है। वापस आने के बाद सांगजी ज़ाओली से पूछती है कि क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। तो ज़ाओली उसे बताती है कि हाओ ने मुझसे अपना लव कन्फेस किया था, पर मैंने उसे मना कर दिया। और वह सांगजी से कहती है कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इस बारे में थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम लेना चाहिए था। और इसके बारे में सोच सोच कर सांगजी से कह रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। इसके बाद हम लिही को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से एक फोटोशूट के बारे में बात कर रहा होता है। और फिर वो गाओ को मैसेज करने के बाद कहता है क्या तुम आ सकती हो। तो गाओ से कहती है कि ठीक है मैं आ जाती हूँ। इसके बाद हम गाओ को देखते हैं जो कि ज़ाओली से मिलने के लिए आई होती है। तो ज़ाओली से कहती है अगर तुम यहाँ पर शुजिन के बारे में कुछ पूछने के लिए आई हो तो सॉरी, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। पर गाओ से कहती है कि मैं यहाँ पर शुजिन के बारे में नहीं बल्कि तुमसे लिही के बारे में पूछने के लिए आई हूँ। और फिर वो ज़ाओली के साथ बैठकर उसे बताती है कि मैं लिही को लाइक करती हूँ। और वो ज़ाओली से पूछती है कि आखिर लड़कों को किस तरह की लड़कियां पसंद आती हैं, और वो ज़ाओली से कुछ टिप्स ले रही होती है। इधर हम सांगजी को मॉम को देखते हैं जो कि टैंग को कॉल करती हैं, और उससे कहती हैं कि मैं और सांगजी के फादर उससे मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं, अगर तुम फ्री हो तो तुम भी आ जाओ। तो टैंग उनसे कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और भी हम देखते हैं कि ये दोनों जैसे सांगजी के घर पहुंचते हैं तो शुजिन उस टाइम घर की सफाई कर रहा होता है, और उससे इन दोनों की आवाज से पता चल जाता है कि बाहर कोई और नहीं बल्कि सांगजी के पेरेंट्स आए हैं। इसलिए वो जल्दी से जाकर छुपने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर सांगजी के पेरेंट्स आ जाते हैं। शुजिन को देखकर डर जाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम कौन हो। पर सांगजी की मॉम जैसे ही शुजिन को इस हालत में देखती हैं तो वो कहती हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर क्लीनर हो। तो शुजिन उनसे कह देता है कि हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पर काम करता हूँ, और मैडम सांगजी ने अभी कुछ दिन पहले मुझे काम पर रखा है। और फिर सांगजी की मॉम बैठकर जैसे ही कपड़ों को हाथ लगाने लगती हैं तो शुजिन उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप इन कपड़ों को हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि ये कपड़े किसी और के नहीं बल्कि शुजिन के होते हैं। और फिर सांगजी की मॉम जैसे वॉशरूम जाने लगती हैं तो शुजिन आकर कहता है कि आप वॉशरूम नहीं जा सकती क्योंकि इस टाइम वॉशरूम कोई नहीं बल्कि मैं जा रहा हूँ। सांगजी की मॉम उसके डैड से कहती है कि लड़का तो बहुत ही अजीब है। और फिर हम देखते हैं कि डोर नॉक होता है, और बाहर कोई और नहीं बल्कि टैंक आया होता है, और दोनों दूसरे को देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं। सांगजी की मॉम टैंक को बताती हैं कि इसका नाम शुजिन है और यहाँ पर काम करता है। और फिर हम देखते हैं कि टैंक सांगजी की मॉम के साथ बैठकर सांगजी की शादी के बारे में कुछ बात कर रहा होता है। सांगजी की मॉम टैंक से कहती हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, और वो कहती हैं कि तुम्हारा सांगजी से शादी करने के बारे में क्या ख्याल है। शुजिन जैसे उनकी ये बातें सुनता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और साथ साथ जेलस हो रहा होता है। और ऐसे ही टैंक से बातें करते हुए सांगजी की मॉम को एक वॉच मिलती है, तो वो शुजिन से कहती है क्या ये वॉच तुम्हारी है। तो शुजिन कहता है कि जी बिल्कुल।
और जब सोंगजी के डैड उस वॉच को देखती हैं तो वो कहती हैं कि ये वॉच तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो सोंगजी की मॉम शुजिन से कहती हैं कि तुम्हारे पास इतनी एक्सपेंसिव वॉच है, फिर तुम इस तरह की जॉब क्यों कर रहे हो। तो शुजिन उनसे कहता है कि ये वॉच फेक है। अभी वो सोंगजी की मॉम से ये कह रहा होता है कि तभी वहां पर सोंगजी आ जाती है, जो उस वॉच को देख कर कहती है कि जी हाँ मॉम, ये वॉच फेक है और ये बस 200-300 युआन की है। और फिर सोंगजी की मॉम उसके साथ उसकी और टैंग की शादी के बारे में बात करना शुरू कर देती है। और इसके बाद वो कहती है कि टैंग तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाकर लाती हूँ। और वो शुजिन से कहती है कि तुम्हारी जॉब यहीं तक थी, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो वैसे चले जाओ। तो सोंगजी भी शुजिन से कहती है कि हाँ हाँ तुम घर चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि बाहर डिलीवरी वाला आया होता है और ये डिलीवरी किसी और की नहीं बल्कि शुजिन की होती है। और वो अंदर आकर इन दोनों के बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि ये दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। और सारा भांडा भरने के बाद वो वहां से चले जाता है। और फिर सोंगजी की मॉम जैसे से देखती है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर सोंगजी की मॉम उससे नाराज होकर वहां से चले जाती है और इसी वजह से ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं। सोंगजी के डैड और टैंग उसकी मॉम से जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, पर उसकी मॉम कहती है कि मैं इस टाइम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और वहां से चले जाती हैं। इधर शुजिन सोंगजी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे मॉम एंड डैड मान जाएंगे। और सोंगजी भी इससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं कल ही अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम सोंगजी के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि सोंगजी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सोंगजी भी आ जाती है, उसके डैड से देखकर कहती है कि हम दोनों अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। सोंगजी अपने डैड से कहती है कि मैं यहाँ पर मॉम से बात करने के लिए आई हूँ और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो मेरी बात को मान नहीं लेती। इसके बाद हम सोंगजी को देखते हैं जो कि शुजिन को वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं घर पहुंच गई हूँ और कहती है कि कल सुबह तुम भी आ जाना और फिर हम दोनों मिलकर मेरे पेरेंट्स से बात करेंगे। इधर हम हाओ को देखते हैं जो कि ज़ाओली के साथ चैटिंग कर रहा होता है और वो फेक अकाउंट से उसकी शॉप से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करता है, जिसे देखकर ज़ाओली एकदम शॉक रह जाती है और यही सोच रही होती है कि आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शुजिन को देखते हैं जो कि सोंगजी के पेरेंट्स से मिलने के लिए आया होता है और वो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आता है। पर सोंगजी की मॉम तो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और फिर शुजिन सोंगजी के डैड के साथ जाकर खाना बनाना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि ये चारों बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ सोंगजी के डैड शुजिन के साथ ड्रिंक पी रहे होते हैं। तो सोंगजी अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज उन्हें रोकें, शुजिन इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं पी सकता। पर सोंगजी की मॉम से कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारे डैड जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दो। और फिर वो सोंगजी से कहती है किचन में आकर मेरी बात सुनो, और उससे कहती है कि मैं और तुम्हारे डैड शुजिन की क्लास लेने वाले हैं और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ पर रहो। और फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि शुजिन से सवाल जवाब पूछना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी जॉब कौन सी है, तुम्हारी सैलरी कितनी है और तुम हमारी बेटी के लिए क्या कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। और शुजिन भी इनके इन सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देता है। और फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि बैठकर शुजिन और सोंगजी के बारे में ही बात कर रही होती हैं। और इनकी बातों से हमें आइडिया होता है कि अब ये दोनों भी यही चाहते हैं कि शुजिन और सोंगजी जल्द से जल्द शादी कर लें, क्योंकि अब इन्हें शुजिन पसंद है। इधर हम लिही और गाओ को देखते हैं जो कि शूटिंग करवा रहे होते हैं। वो कॉलेज टाइम से लेकर शादी तक और शादी के बाद बच्चों तक सारी शूटिंग एक साथ ही करवा लेते हैं। और तभी शूटिंग के टाइम गाओ के पैर पर चोट लग जाती है और लिही आकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां ज़ाओली हाउस से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है और हाउस टाइम वहां पर नहीं होता। और तभी ज़ाओली को वो रिसीव मिलती है, उसे पता चलता है कि उस दिन जिस लड़के ने इनकी शॉप से जो सामान ऑर्डर किया था वो कोई और नहीं बल्कि हाओ था। तभी वहां पर हाओ आकर ज़ाओली से पूछता है कि तुम इस टाइम यहां पर क्या कर रही हो, और उससे पूछता है कि तुम क्या लेने के लिए आए हो, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। पर ज़ाओली से कहती है कि कुछ नहीं और वो हाओ को काटने के बाद वहां से चले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोंगजी को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन पर गई होती है, और वहीं हम शुजिन को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और उसी टाइम सोंगजी उसकी मॉम भी वहां पर आ जाती है। सोंगजी की मॉम उससे कहती है कि ये तो शुजिन है ना, और ये दोनों शुजिन को हेलो बोलती है और शुजिन भी इनके पास आकर इनसे बात करने लग जाता है। इधर हम ज़ाओली को देखते हैं जो कि बैठकर ड्रामा देख रही होती है, तभी वहां पर हाओ आ जाता है। ज़ाओली से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो हाओ उससे कहता है कि मुझे सोंगजी ने बताया था कि तुम इस टाइम स्विमिंग कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और तभी हाओ से बात करते हुए ज़ाओली बाय मिस्टेक गिरने वाली होती है, पर हाओ उसे बचा लेता है और उन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाती है। ज़ाओली जो कि बहुत ऑकवर्ड फील करती है और हाओ से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, और वहां से चले जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां ये सब लोग कैंपिंग के लिए गई होती हैं, जिधर सोंगजी और शुजिन का तो अपना ही रोमांस चल रहा होता है। तो सोंगजी के पेरेंट्स उन दोनों को देखकर एक दूसरे के साथ ही बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सोंगजी के डैड की मॉम से कहते हैं कि इन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है, तो ये सब कुछ तो नॉर्मल है। इधर हम जीजो को देखते हैं जो कि लिली के पास आकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तो लिली से कहती है कि तुम इतना ज्यादा डरते क्यों हो, जो कहना चाहते हो कह दो। तो जीजो भी हिम्मत करते हुए उसे अपना लव कन्फेस कर देता है और लिली भी उसे हाँ बोल देती है, और यहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी कम्प्लीट हो जाती है। इधर हम हाओ को देखते हैं जो कि ज़ाओली से बात करने के लिए आया होता है, और उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और यहाँ हाओ भी ज़ाओली को एक
एक बार फिर से आई लव यू बोलता है और ज़ावली जिसने लास्ट टाइम से रिफ्यूज कर दिया था तो इस चांस को मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर इन दोनों की भी लव स्टोरी कम्प्लीट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सॉन्गजी और शोजिन को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी फिशिंग करते टाइम सॉन्गजी के डैड पानी के अंदर गिर जाते हैं और फिर इन जाकर उनकी जान को बचाता है, पर सॉन्गजी के डैड को तो होश नहीं आ रहा होता इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। पर थोड़े बहुत एफर्ट लगाने के बाद हम देखते हैं कि सॉन्गजी के डैड को होश आ जाता है। इधर हम शोजिन और हाओ को देखते हैं जो कि लीही के वीडियो को देख रही होती हैं और उन्हें पता चल चुका होता है कि लीही और गाओ के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। तभी वहां पर लीही आ जाता है। शोजिन उससे पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो लीही उसे कहता है कि मैं गाओ को लाइक करता हूं और मैं यहां पर तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे रेस्क्यू ट्रेनिंग दो। पर शोजिन उसे कहता है कि तुमसे नहीं होगा और कहता है कि मैं तुम्हें रेस्क्यू ट्रेनिंग नहीं सिखाऊंगा। इसके बाद लीही को देखते हैं जो कि सॉन्गजी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम प्लीज शोजिन से रिक्वेस्ट करो कि वो मुझे ट्रेनिंग करना सिखाए। तो सॉन्गजी कहती है कि ठीक है, अगर तुम ज्यादा फोर्स कर रहे हो तो मैं शोजिन से इस बारे में बात करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों लीही की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और लीही भी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा होता है। शोजिन लीही से पूछता है कि तुम इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, तो लीही से कहता है क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक ब्रेव पर्सन बनना चाहता हूं और अगर मुझे कभी किसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़े तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं, बस इसलिए। नेक्स्ट टाइम गाओ को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वह जैसे ही शूट कर रही होती है तो वह तभी बेहोश होकर गिर जाती है। और तभी लीही को गाओ के असिस्टेंट का मैसेज आता है और लीही भागते हुए गाओ से मिलने के लिए जाता है और वह दरवाजा तोड़ने के बाद जैसे अंदर एंटर होता है तो हम देखते हैं कि गाओ तो बिल्कुल ठीक होती है। लीही से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो गाओ कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पहले थोड़ा सा बुखार था पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह गाओ से कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा केयर करती हो। और यहाँ पर लीही भी गाओ से अपना लव कन्फेस करता है और उसे अलग ही बोलता है। पहले तो गाओ इस बारे में बहुत ज्यादा सोचती है पर फिर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और यहाँ पर इन दोनों की भी लव स्टोरी कम्प्लीट हो जाती है। नेक्स्ट डे हम ज़ावली और हाओ को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एम्यूजमेंट पार्क गए होते हैं जहाँ ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और हाओ ज़ावली के लिए उसकी फेवरेट डिशेज खरीद कर देता है। और बस यही नहीं, वहाँ पर हाओ ज़ावली को शूटिंग करना भी सिखाता है और इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम सॉन्गजी की मॉम को देखते हैं जो कि शूजिन के ऑफिस उससे मिलने के लिए आई होती है और वहाँ पर शूजिन के सारे कलीग्स उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, जहाँ सॉन्गजी की मॉम उससे कहती है कि मैं और सॉन्गजी के डैड चाहते हैं कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। तो शूजिन उससे कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं बहुत ही जल्द सॉन्गजी को शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। इधर हम सॉन्गजी को देखते हैं जो कि लीही और गाओ की फोटो को देखती है और उस फोटो को देख के एकदम शॉक रह जाती है और कहती है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों लीही को इसी बारे में पूछने के लिए बुलाते हैं, तो लीही दोनों से कह देता है कि तुम दोनों ने जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ सच है और मैं और गाओ आजकल एक दूसरे के साथ हैं और मैंने गाओ से अपना लव प्रोफेस भी कर दिया है। शूजिन लीही से कहता है क्या तुम सीरियस हो, तो लीही से कहता है कि हाँ बिल्कुल। शूजिन कहता है कि गाओ मेरी फ्रेंड है और उससे कहता है कि प्लीज तुम उसका ख्याल रखना, तो लीही से कहता है कि जरूर। इधर हम शूजिन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया होता है। उसके ग्रैंडपा अपने सामने देखकर उससे पूछते हैं कि क्या बात है, खैरियत तो है ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर आ रहे हो। तो शूजिन उनसे कहता है कि मैं बहुत ही जल्द सॉन्गजी को प्रपोज करने वाला हूँ और बस इसी बारे में बताने के लिए मैं आपके पास आया था। इसके बाद हम शूजिन को देखते हैं जो कि वेडिंग रिंग को देखते हुए कह रहा होता है कि मैं कल जाकर सॉन्गजी से अपना लव कन्फेस कर दूंगा और उसे ये रिंग पहना दूंगा। नेक्स्ट टाइम सॉन्गजी को देखते हैं इसे शूजिन ने एक रिजॉर्ट पर बुलाया होता है और जब सॉन्गजी वहाँ पहुँचती है तो उसे आइडिया हो ही जाता है कि शूजिन यहाँ पर क्या करने वाला है। सॉन्गजी देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग वायलिन बजा रहे हैं और वह शूजिन की एंट्री होती है जो कि सूट वूट पहनकर बहुत ही कमाल की एंट्री करता है और सॉन्गजी के पास आकर उससे अपना लव कन्फेस करते हुए उसे एक वॉच गिफ्ट करता है और कहता है कि ये वॉच एक तुम्हारे पास रहेगी एक मेरे पास और साथ ही साथ उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है। और फिर शूजिन सॉन्गजी को आई लव यू बोलते हुए उसे किस कर लेता है और इन दोनों के सभी फ्रेंड्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारे इस ड्रामा सीरियल की भी एंडिंग होती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट कर देना और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा सीरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।